छो कैसे हैं आप सब लोग मा सर महाजन ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला तो कैसे हो यार आप सब लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन क्या हाल चाल है तुम्हारे तैयारी कैसी चल रही है वो बताओ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है भाई तैयारी कैसी चल रही है गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग ठीक ठाक सर थोड़ा डर लग रहा हाँ वाई डर तो देखो लगेगा ही लगेगा ना जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक थोड़ा थोड़ा डर लगता रहेगा बट इसको कंट्रोल में रखिए है, है ना डू नॉट लेट इट ओवर पावर यू है ना दिमाग पे रूल मत करने लगे डर थोड़ा डर आपकी तैयारी के लिए अच्छा होता है बट अगर बहुत ज्यादा डर लग, लगने लगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस को हैम्पर करने लगता है तो थोड़े डर वाली कोई बात नहीं है बट बहुत ज्यादा डर नहीं लगना चाहिए फैन <laughs> जी बेसिक से पढ़ाइएगा बिल्कुल भाई बेसिक से पढ़ाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे बहुत सारे क्वेश्चन क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है है ना थर्मोडाइनमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री और इस चैप्टर को पढ़ने के फायदे क्या हैं वो भी आपको सामने नजर आ रहे हैं मल्लिका मल्लिकाजरावत जी फंसी हुई है नाना पाटेकर और के... किसके अनिल कपूर के बीच में आई I मीन mean, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में दैट इज थर्मोडाइनमिक्स है ना इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि फिजिक्स वाले भी उतना ही इसको प्यार करते हैं जितना के केमिस्ट्री वाले करते हैं तो इंपॉर्टेंट तो बहुत है ना ये बात तो पक्की है। और कहीं जाने कह रहे <laughs> निर्लज प्राणी तो फिर आ गया है ना ये वही बच्चा है जो पिछली क्लास में भी कह रहा था ये तो डिलीटेड चैप्टर है ना तो मेरा डायलॉग भी सेम ही रहेगा बेटा ये तुम्हारे दिमाग से डिलीट हुआ हुआ है तेरे लिए स्पेशली मैं आज ये मीम लेके आया था है ना ये तू मी आई आई थिंक योट समथिंग है ना या ना तो तुम्हारा दोस्त गोबर दोस्त कहता है अच्छा अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा तुम कहते हो बिल्कुल सही है और फिर आता है थर्मो डायनामिक्स है ना यस बढ़िया 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 कितना टाइम लगेगा लगभग ये चीजें मत पूछा करो यार चैप्टर जबरदस्त है क्योंकि आज पढ़ोगे उसका फिजिक्स में भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना कि के केमिस्ट्री में फायदा मिलेगा थोड़े बहुत साइन कन्वेंशन इधर उधर है बट विल रिमेन द सेम एंड फायदा आपको मिलेगा तो नंबर आपके फिजिक्स के भी बढ़ेंगे एज वेल एज केमिस्ट्री के भी बढ़ेंगे ठीक कितने क्वेश्चन आते हैं अच्छा जी यार अगर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला लोगे, तो अप्रोक्सीमेटली तीन क्वेश्चन हो सकते हैं कभी कभी चार भी हो सकते हैं बट तीन क्वेश्चन हो सकते हैं यानी कि बारह नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जी जी जी, जी। करें फिर हाँ अगर आपने अनफॉर्चुनेटली एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं किया है तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स ठीक है कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वॉइस लो है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वॉइस लो है भी क्या ये मज़े ले रहे हैं हेलो 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 वॉइस बिल्कुल ठीक है जी ठीक है हेलो हेलो अब बिल्कुल ठीक है मैं बताता हूँ आपको वॉइस लो क्यों लग रही है आपको वॉइस लो इस कारण लग रही है क्योंकि <coughs> आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप या जहां पर भी आप वीडियो देख रहे हैं आपने उसकी वॉइस लो कर रखी है उसको बढ़ा दीजिए ठीक थी, है चलिए 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 आओ शुरू करते हैं चैप्टर का नाम क्या है थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री जो हम डील करने लगे हैं ठीक है सबसे पहले ठीक है थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले याद रखिए कि हम थर्मोडायनेमिक्स में गैसियस सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे गैसियस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सर गैस तो दो प्रकार की होती है एक होती है आइडियल गैस और एक होती है रियल गैस जिसको आप वॉन्ड्रोल गैस भी बोलते हैं हमारे सिलेबस में जो है वो है हम स्टडी करेंगे अबाउट आइडियल ओनली किसके बारे में स्टडी करेंगे आइडियल गैस के बारे में स्टडी करेंगे सर क्या स्टडी करेंगे आइडियल गैस के बारे में किसी भी आइडियल गैस का चाहे आप कंबेशन करा लो फॉर्मेशन करा लो हाइड्रेशन करा लो उसको किसी कंटेनर में रख के पिस्टन नीचे कर दो यानी कि प्रेशर इंक्रीज कर दो डिक्रीज कर दो वॉल्यूम इंक्रीज कर दो वॉल्यूम डिक्रीज कर दो गर्म कर दो ठंडा कर दो किसी भी गैसीय सिस्टम में जब भी आप कोई भी चेंज लेके आएंगे तो उसमें एनर्जी चेंजेस क्या आएंगे उसमें एनर्जी चेंजेस क्या आएंगे प्रेशर इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से टेंपरेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से उसका फॉर्मेशन करने से कम्बन करने से उसमें एनर्जी चेंजेस क्या आएंगे वही हम इस चैप्टर में क्या करते हैं स्टडी करते हैं ठीक है विल स्टडी अबाउट एनर्जी चेंजेस है ना इन गैसियस सिस्टम अंडर गोइंग वेरियस प्रोसेस बता तो दिया प्रेशर इंक्रीज किया डिक्रीज किया वॉल्यूम इंक्रीज किया डिक्रीज किया टेम्परेचर इंक्रीज किया डिक्रीज किया ठीक है तो उससे एनर्जी चेंज क्या आएगा सिस्टम में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब भी कोई एनर्जी के बारे में बात करे तो कोई शाना बनने की जरूरत नहीं है बोलने लगो जैसे टीचर ने बोला थर्मोडाइनमिक स्टडी ऑफ एनर्जी और आप बोलने लगे है ना और साथ में टीचर बोले एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और आप यहां आपका गोबर दोस्त बोलने लगे बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी ऐसी हरकतें नहीं करने का नहीं तो टीचर की चप्पल से जो बूस्ट मिलेगा ठीक है वो कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा एक मिनट आइए ठीक है हमारी क्लास में है ना हमारी क्लास का फोटे है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में पोल कराते हैं और पोल का एंड में रिजल्ट भी बताते हैं कि कौन है लीडर बोर्ड पर ठीक है लास्ट क्लास में भी हमने किया था लास्ट क्लास में इतने सारे क्वेश्चन हमने किए थे मेरे ख्याल से थर्टी क्वेश्चंस का तो अप्रोक्सीमेटली हमने पोल ही कराया था अप्रोक्सीमेटली थर्टी होगा हो सकता है दो चार ज्यादा हो दो चार कम हो ठीक है तो उसी की परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन को फॉलो करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है और ये रहा हमारा लीडर बोर्ड हो जाओ जवानों शुरू दिखाओ अपना जलवा आंसर आपको ऐसे ही देना है ए बी सी डी अगर वन आंसर है तो ए टू है तो बी थ्री है तो सी फोर है तो डी चैट बॉक्स के अंदर अपने आप ही आपका आंसर रजिस्टर हो जाएगा थर्मोडाइनमिक्स किस चीज के बारे में कंसर्न नहीं रखता है नहीं रखता है नॉट कंसर्न बताना है एनर्जी चेंजेस हां बताया कि जब भी किसी गैसियर सिस्टम में कोई चेंज आएगा तो उसके उसमें एनर्जी चेंजेस क्या आएंगे वो हमें पढ़ने हैं द एक्सटेंट टू विच ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड द रेट एट विच ए रिएक्शन प्रोसीड या फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट इज रेट एट विच ए रिएक्शन प्रोसीड रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है या कितनी लेट हो रही है उसके बारे में हम थर्मोडाइनेमिक्स में नहीं पढ़ते हैं वो कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में वो कहां पढ़ते हैं हम लोग केमिकल काटिक्स में कि किसी रिएक्शन की स्पीड क्या है आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत कम बच्चों का सही है क्योंकि मैं बताऊं गलत क्यों है गलत क्यों है क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा थर्मोडाइनमिक्स इज नॉट कंसर्न बच्चों ने पढ़ा थर्मोडाइनमिक्स इज कंसर्न अबाउट दैट शोज इट इज ए सिली मिस्टेक बट इन्हीं गलतियों से सीखिए इन्हीं गलतियों से सीखिए ठीक है इन्हीं गलतियों से सीखिए देखिए जी ये अभी है ना लीडर बोर्ड पर बट ये बहुत जल्दी बदल जाएगा अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो सबसे पहले हमें थर्मोडाइनोमिक्स की जो टर्म पढ़नी है वो है सिस्टम क्या सिस्टम सर सिस्टम किसे बोलते हैं ना सिस्टम आई सिस्टम ये एलवि यादव वाला सिस्टम नहीं है यहां पर क्या है गैस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं मान लेते हैं ये कंटेनर है इसके अंदर वही गैस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ठीक है तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा सिस्टम ये कंटेनर पूरा क्या कहलाएगा सिस्टम और इसको छोड़ के पूरी दुनिया इस सिस्टम को छोड़ के पूरी दुनिया क्या कहलाएगी हमारे लिए सराउंडिंग कहलाएगी क्या कहलाएगी राउंडिंग कहलाएगी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब सब स्कूल में हमें बोला जाता है सुबह-सुबह कि ऑल माय ब्रदर है ना ऑल क्या हाँ ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तब हम धीरे से बोल देते हैं एक्सेप्ट वन है ना एक को छोड़ के बाकी सारे इंडियन मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो वो जो एक है वो तुम्हारे लिए क्या है वही है तुम्हारा सिस्टम जिसके ऊपर तुम नजरें गड़ाए रहते हो यही है तुम्हारा सिस्टम उसको छोड़ के पूरा इंडिया पूरा यूनिवर्स हमारे लिए क्या है सराउंडिंग है बिल्कुल सही कह रहे हैं जी तो सिस्टम समझ आ गया किसे बोलते हैं और सराउंडिंग समझ आ गया किसे बोलते हैं ठीक है सिस्टम को छोड़ के पूरी दुनिया क्या कहलाएगी सराउंडिंग कहलाएगी सिस्टम और सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट करने वाली होती है ये वॉल्स ये जो रेड कलर से नजर आ रही है ना ये, ये क्या कहलाती है वॉल्स है ना जात दा पात धर्म की दीवारें जो तुम जैसों को मिलने नहीं देती हैं अरे सर है ना बढ़िया 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 तो आइए सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्स के बारे में किसके बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्स के बारे में ठीक है ये सिस्टम है सराउंडिंग है इनको डिफ्रेंशिएट कौन कर रही है दैट इज वॉल्स वॉल्स में सबसे पहला है दाया वॉल्स सर ये कौन सी वॉल्स होती हैं ये कौन सी वॉल्स होती हैं अंदर है सिस्टम बाहर है सराउंडिंग ये अंदर वाला पूरा का पूरा कंटेनर क्या क्या लाएगा सिस्टम इसको छोड़ के पूरी दुनिया जो है वो क्या है सराउंडिंग अगर 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 सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है तो वॉल्स कौन सी हैं दैट इज डायाथर्मिक कौन सी डायाथर्मिक ठीक है इफ वॉल्स कैन एक्सचेंज एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो उसे क्या बोलेंगे हम डायाथर्मिक सर एग्जाम्पल दीजिए ना बिल्कुल एग्जाम्पल देते हैं ठीक है मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर गैस पड़ी हुई है और आपने उसे गर्म करना शुरू कर दिया अगर डाया थर्मिक वॉल्स है कौन सी वॉल्स है? है तो बाहर से जो गर्म करेंगे हीट अंदर जाएगी और ये गैसियस पार्टिकल्स भी गर्म हो जाएंगे क्या हो जाएंगे गर्म हो जाएंगे तो वॉल्स क्या करेंगी? इस बर्नर से एनर्जी लेंगी और ये एनर्जी आपको क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मेरे घर का एग्जांपल है सर सर ये मेरे पिताश्री है सर है? जो लोगों से मेरे बारे में मन घड़ कहानियां सुन के आते हैं पूरे आग बबूला हो जाते हैं ठीक है और घर पे आके वो जितनी आग जितनी एनर्जी उनको मिलती है वो सारी मेरे ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं है ना बस 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं जी है ना जी जियो धन धना धन है ना यही होता भाई जी 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 ठीक है समझ गए समझ गए तो ऐसी वॉल्स को क्या बोलते हैं हम लोग वॉल्स ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉल्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो कौन सी है कौन सी थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स ये ऐसी वॉल्स होती हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को एनर्जी एक्सचेंज नहीं करने देती हैं ठीक है नोट no. Exchange of energy between system and surround. No exchange of energy between system. एंड सराउंड ठीक है कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं होगा बिटवीन सिस्टम के और सराउंडिंग के उसे क्या बोलते हैं थर्मोली इंसुलेटेड ठीक है सर ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी बार जो ये वॉल्स है ना उसका मतलब तो मुझे समझ आ गया है कि बाहर आप चाहे बर्नर लगा दो चाहे बर्फ लगा दो बाहर से हीट जो है वो अंदर की तरफ नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी क्योंकि ये थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स है अगर सर वो मेरा पिताश्री वाला एग्जाम्पल है तो सर ये मेरी भोली भाली माँ है सर है ना ऐसा ही होता है ना मम्मी ऐसी होती ना बिल्कुल जैसी कूल बाहर से उन्हें कोई भी कहता रहे तुम्हारा बेटा बहुत नालायक है वो उसी को कह देती है मेरे बेटे को कह रही है तेरा ही होगा है ना बिल्कुल 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 ये बिल्कुल वैसी है जी थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स है बिल्कुल बिल्कुल आइए 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 आगे बात करने चलिए अब बात करेंगे हम लोग दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम यस टाइप्स ऑफ सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम में पहला सिस्टम कौन सा है ओपन सिस्टम कौन सा ओपन सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग एनर्जी के साथ साथ मैटर का भी एक्सचेंज कर सकते हैं क्या कर सकते हैं एनर्जी के साथ साथ मैटर का भी एक्सचेंज कर सकते हैं है ना गलती से आपके स्कूल के टीचर अपनी चाय का खुला कप रख के बाहर कहीं चले गए उन्हें वापिस आने पर पता चलेगा कि इस चाय के अंदर चौक क्या कर रहा है है ना यस यस तो आप देख रहे हैं ये सराउंडिंग है ये सिस्टम है दोनों के बीच में मैटर का एक्सचेंज हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कोई शैतान बच्चा इसमें चौक डाल दे ऐसा भी हो सकता है कोई इसके अंदर पानी डाल दे कोई तुम्हारे जैसा भी हो सकता है चाय को खुद पी ले और सारा इसमें पानी ही डाल दे तो क्या मैटर का एक्सचेंज हो रहा है मैटर का एक्सचेंज हो रहा है यस सर मैटर का एक्सचेंज हो रहा है ठीक है दूसरी बात जो है एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है क्यों क्योंकि ये चाहे पड़ी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी ठंडी हो जाएगी हां, क्योंकि कंटेनर से एनर्जी होती यहां से भी एनर्जी लॉस होती रहेगी तो ऐसा सिस्टम जो कि मैटर का भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकता है इसे क्या बोलेंगे हम ओपन सिस्टम ठीक है बढ़िया 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 पर मैंने तो छुपा दी थी एक बार बहुत बढ़िया किया इसीलिए तुम्हें दिया जाएगा नोबल प्राइज क्या दिया जाएगा नोबल प्राइज दिया जाएगा नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम है दैट इज क्लोज सिस्टम ये वो सिस्टम है विच कैनॉट एक्सचेंज मैटर मैटर तो एक्सचेंज नहीं कर सकता बट कैन ओनली एक्सचेंज एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता एग्जाम्पल दीजिए जब चाय का कप एक बार टीचर रख के गया था तो उसने देखा कि उसके अंदर चौक पड़ा हुआ था अगली बार वो चाय का कप रख के जाएंगे तो उसके ऊपर ढक के जाएंगे कि किसी की हिम्मत ना पड़े उनकी चाय में दोबारा चौक डालने की है ना नहीं तो चौक वाली चाय को ज्यादा अच्छी टेस्ट नहीं करती सर आपको कैसे पता मैं भी कभी टीचर था ऑफलाइन में <laughs> मजाक कर रहा हूं ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ है क्या सर आपने ये किया है हमने बहुत कुछ किया है बट आपको बताना नहीं चाहेंगे मैं नहीं चाहता इस मामले में आप मुझसे इंस्पिरेशन ले बिकॉज वेन इट कम्स टू ऑल दीज मैटर्स आई एम ए वेरी गुड बैड एग्जाम्पल ठीक है यस 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 ये सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सचेंज करेंगे एनर्जी एक्सचेंज करेंगे मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकते जैसे चाय के कप को अगर किसी ढक्कन से ढक दिया जाए ठीक है जी बिल्कुल तो क्या होगा चाहे थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी ठंडी क्योंकि देखिए वॉल्स जो हैं वो डायाथर्मिक हैं तो एनर्जी तो यहां से क्या हो जाएगी लॉस हो जाएगी आधे पौने घंटे बाद अगर आप ढक्कन उठाएंगे चाहे ठंडी हो चुकी होगी क्योंकि एनर्जी लॉस हो गई हां बट ना अब आप इसमें चाय डाल सकते हो ना आप इसमें से चाय निकाल सकते हो क्योंकि आपने इसके ऊपर क्या लगा रखा है ढक्कन लगा रखा है ठीक है जी ठीक है ठीक है बढ़िया 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 ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम ये ऐसा सिस्टम है जो ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है ना मैटर एक्सचेंज कर सकता है सिस्टम जो ना तो एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना मैटर एक्सचेंज करेगा जब चाय को आप किसके अंदर रखेंगे थर्मस फ्लास्क के अंदर किसके अंदर थर्मस फ्लास्क के अंदर रखेंगे जैसे मान लीजिए आपने चाय बनाई और अभी आपको पता चला कि आपके जो मेहमान आने वाले थे जिनके लिए चाय बनाई है वो हाफ एन आवर लेट हो गए हाफ एन आवर लेट हो गए तो आप क्या करेंगे उसी चाय को किसके अंदर रख देंगे थर्मस फ्लास्क के अंदर रख देंगे और थर्मस फ्लास्क को बंद कर देंगे क्योंकि आपने थर्मस फ्लास्क को बंद कर दिया है तो ना अब इसमें से कोई चीज अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है मैटर का तो कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता दूसरी बात एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जो वॉल्स होंगी वो कौन सी होंगी थर्मली इंसुलेटेड कौन सी वॉल्स थर्मली इंसुलेटेड वॉल्स होंगी इसका मतलब ना एनर्जी अंदर एक्सचेंज हो जा सकती है ना एनर्जी बाहर आ सकती है ना अंदर ना बाहर ठीक है ये मैंने किस किस कितनी देर के लिए रखा हाफ एन आवर के लिए रखा मान लीजिए मेहमानों का प्रोग्राम थोड़ा और चेंज हो गया उन्होंने बोला आपने देखा चाय बनाई हुई है मेहमानों की उन्होंने बोला ओहो आज ना हमें कहीं और जाना पड़ गया है ठीक है अब हम आपसे मिलेंगे दो दिन के बाद तब दो दिन के बाद तब भी आपने यही सोचा कि चाय को रख देते हैं थर्मस फ्लास्क के अंदर ये कमीने जब आएंगे इनको यही वाली चाय पिलाएंगे और थर्मस फ्लास्क से निकालते टाइम ये भी बोल देंगे ओ अभी दस मिनट पहले बनाई थी हमने मैंने सोचा रख देती अंदर। हो अंदर ठंडी ना हो जाएगी है ना मम्मी ऐसे ही बोलेंगी बट जैसे ही दो दिन बाद क्या बोला आफ्टर टू डेज आप इसे खोलेंगे तो टी क्या हो चुकी होगी कोल्ड गर्म नहीं रहेगी ठंडी हो जाएगी इस बात से आपको क्या पता चला इस बात से आपको क्या पता चला है ना परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है जब आपने चाय रखी है दो दिन के अंदर अंदर थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज होती रहेगी थोड़ी थोड़ी चाय ठंडी होती रहेगी दो दिन के बाद यह चाय पूरी तरह से क्या हो चुकी होगी ठंडी हो चुकी होगी तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है नहीं है नियरली आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल है कि आधे घंटे के लिए चाय को थर्मस फ्लास में रख सकते हो दो दिन के लिए नहीं दस दिन के लिए नहीं ठीक है बढ़िया 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 आओ जवानों पार्टिसिपेट करो और बताओ इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फोर्टी फाइव सेकेंड्स का टाइम देते हैं आराम से इसको नीचे कर देते हैं आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ता हूँ प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन ए कवर बी कर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम देर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इन क्लोज सिस्टम प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इन ए क्लोज वैसल मेड अप ऑफ कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंस इन ए थर्मस फ्लास्क और एनी अदर थर्मली इंसुलेटेड एग्जाम वैसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम ठीक है आइए

कि ऑब्वियसली मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता एनर्जी का हो सकता है तो ये भी रॉन्ग है Presence of reactants in a closed vessel. Vessel closed है प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए क्लोज्ड क्लोज्ड वेसल वेसल चाहे वो कॉपर की बनी है किसकी भी बनी है वो एक क्लोज सिस्टम है हाँ सर क्लोज सिस्टम है क्यों क्योंकि रखा हुआ है तो अंदर एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आइए देखते हैं आपका आंसर की बार 90 परसेंट बच्चों का सही है वेल डन वेल डन एवरी वन मौका सबको मिलेगा जरा इसका भी आंसर बताइए जल्दी जल्दी बिना शर्माए अपना टैलेंट जरूर दिखाएं, ठीक है आंसर एबीसीडी में देना है आपको एक वेल स्टॉप्ड थर्मस फ्लास्क के अंदर आइस ये किसका एग्जांपल है क्लोज्ड का ओपन का आइसोलेटेड का थर्मस फ्लास्क है अच्छा, थर्मस फ्लास्क के अंदर आइस क्यूब्स है।, है स्टॉप मतलब ढक्कन भी लगा रखा है आपने तो ये कौन सा है सर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम है सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर 95 परसेंट बच्चों का सही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शुरू से लेके एंड तक रहेंगे तो आप देखेंगे एक एक क्वेश्चन चेंज होगा लीडर बोर्ड चेंज होगा और एंड में देखेंगे कि लीडर बोर्ड पे कौन है एक बार अभी देख लेते हैं शुरुआत है ठीक है अभी अभी तो बस शुरुआत हुई है तो बहुत सारे जो आपको दिख रहे हैं आप देखेंगे एंड में अगर इनमें से कोई दिखेगा तो बात तो तब की है भाई ठीक है अभी तो बहुत सारे लोग दिखेंगे आइए बात करते हैं स्टेट ए सिस्टम स्टेट स्टेट का मतलब होता है परिस्थिति क्या दोबारा बोलो दोबारा बोलो परिस्थिति है ना कि किस परिस्थिति से सर हम लोग गुजर रहे हैं ठीक है वो तो हम ही जानते हैं बिल्कुल आपकी परिस्थिति को सिर्फ आप ही जानते हैं इसी प्रकार से अगर कोई गैसियस सिस्टम है आप उसकी परिस्थिति जानना चाहते हैं कि ये किस परिस्थिति में है तो आपको पता चीजें होनी चाहिए चार कितनी चीजें पता होनी चाहिए चार चीजें पता होनी चाहिए वो मैं बताता हूं कौन है एक है फोर स्टेट वेरिएबल्स अगर आपको ये चार पता चल जाए तो आपको इस थर्मोडाइनेमिक सिस्टम की परिस्थिति जो है वो पता चल जाएगी दैट इज दैट इज प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस अब अमाउंट को चाहे आप मास से कह लो या मोल से कह लो पी वी टी और एन अगर आपको किसी भी थर्मोडाइनेमिक सिस्टम की आप परिस्थिति जानना चाहते हैं तो आपको ये चारों चीजें पता होनी चाहिए है तो ये चार चीजें ही बट अगर इनमें से तीन पता चल जाए चौथा अपने आप पता चल जाएगा क्योंकि आइडियल गैस है तो हम लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन देखो अगर तुम्हें प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पता चल जाए नंबर ऑफ मोल्स अपने आप पता चल जाएंगे अगर तुम्हें वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर पता चल जाए प्रेशर अपने आप पता चल जाएगा तो है तो स्टेट वेरिएबल कितने चार आपको कितने पता होने चाहिए तीन तीन पता चलते ही चौथा अपने आप पता चल जाएगा सर आर क्या है आर है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट वैल्यू डिपेंड करती है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट पे। अगर प्रेशर एटीएम लीटर में है और टेपरेचर में है, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग अगर प्रेशर यहां पर बाहर हो जाए वॉल्यूम लीटर में रहे टेम्परेचर कैल्विन में रहे मोल तो मोल ही होता है तब ये पॉइंट जीरो एट थ्री हो जाएगा लीटर बार पर पर मोल और सर अगर आप ऐसा यूनिट रखने प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है नंबर ऑफ मोल्स तो मोल ही होता है और टेम्परेचर का कैलविन होता है तब आर भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर कैलविन पर मोल इसी को थोड़ा इजी करने के लिए न्यूमेरिकल्स में हम 25 फाइव बाई थ्री भी रख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 25 फाइव बाई थ्री भी रख लेते हैं ठीक है आइए प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम के बारे में बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है मैटर सिस्टम। आपने कोई सिस्टम लिया है और उसमें गैस के पार्टिकल्स बहुत कम है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और आएगी आपने वही गैसियस पार्टिकल्स बढ़ा दिए तो वैल्यू चेंज हो जाएगी गैस के पार्टिकल का नंबर चेंज किया पहले कम थे प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और थी आपने गैस के पार्टिकल बढ़ा दिए प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और हो गई तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे 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 अगर आप डेली लाइफ के एग्जांपल से समझना चाहें तो हमारे घर का जो खर्चा होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीपल इन होम है ना नंबर ऑफ पीपल अगर हमारे घर में चार सदस्य रहते हैं तो खर्चा थोड़ा सा कम होगा अगर घर के सदस्य इंक्रीज हो जाते हैं तो खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली घर का खर्चा डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पर्संस रेजिडिंग इन द होम तो घर का खर्चा क्या है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है घर का खर्चा क्या है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ठीक है एग्जांपल क्या है एग्जांपल क्या है मास ऑब्वियसली कम गैस के पार्टिकल होंगे तो उनका मास कम होगा वही गैस के पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे तो उनका मास क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है नेक्स्ट इज वॉल्यूम अगर गैस के पार्टिकल्स कम होंगे अगर गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे कम होंगे गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे कम होंगे एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है हमने ठीक है तो ऑब्वियसली ये कम वॉल्यूम ऑक्यूफाई करेंगे अगर मैंने यहां से छोटा सा छेद करके गैस के पार्टिकल बढ़ा दिए तो ऑब्वियसली वो वॉल्यूम भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे मैं रिपीट कर रहा हूं ये पिस्टन पिस्टन है यानी कि नीचे से फोर्स लगती जाएगी तो पिस्टन ऊपर जाता जाएगा गैस के पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे वॉल्यूम भी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी ऐसी और भी प्रॉपर्टीज हमने बतानी है और भी प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ बतानी है ये सिर्फ और सिर्फ अभी थोड़ा सा बताने के लिए था आज की क्लास का हमारा सबसे पहला एम पहला टी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हर एक प्रकार की एनर्जी एक्सटेंसिव होती है हर एक प्रकार की एनर्जी जो है वो क्या होती है एक्सटेंसिव होती है यानी मेरे पास सामने दो किताबें पड़ी हुई हैं मैं दोनों किताबों को नीचे से उठा रहा हूं ये देखिए एक ये किताब उठाई है मैंने और एक ये किताब उठाई है मैंने क्या दोनों में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई है यस क्या दोनों में सेम पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है आंसर इज नो आंसर इज इस नो इसकी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज एमजीएच थोड़ी कम होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी क्या होगी ज्यादा होगी क्योंकि दोनों का मास जो है वो क्या है दैट इज डिफरेंट दोनों का मास क्या है दैट इज डिफरेंट तो हर एक प्रकार की एनर्जी ठीक है दैट इज चाहे वो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल हो चाहे जो इस चैप्टर में हमने एनर्जीज पढ़नी है अलग अलग ठीक है वो कौन कौन सी है सर एक है इंटरनल एनर्जी जिसको कई बुक्स में ई से भी लिखा गया है कैपिटल ई से कई बुक्स में यू से भी लिखा गया है यू वैसे उसकी परफेक्ट डिनोशन है ठीक है और भी है और भी है एंथल जिसको बुक्स में कैपिटल एच से लिखा गया है गिब्स फ्री एनर्जी जिसको बुक्स में कैपिटल जी से लिखा गया है ठीक है ठीक है ये सारी की सारी एनर्जीज़ जो हैं, वो क्या है दैट इज एक्सटेंसिव है दैट इज एक्सटेंसिव है यानी कि अगर आप कम गैस के पार्टिकल्स लेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी ज्यादा लेंगे तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी कम गैस के पार्टिकल लेंगे उसकी इंथालपी कम होगी ज्यादा गैस के पार्टिकल लेंगे उसकी इंथालपी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे मास पे डिपेंड कर रही है मास पे डिपेंड कर रही है ठीक है बढ़िया 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 ठीक है एक और टर्म लिखा हुआ है दैट इज हीट कैपेसिटी क्या लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी इधर आओ इधर आओ ये एक कंटेनर है इसके अंदर गैस है मान लेते हैं दस ग्राम आप इसका टेम्परेचर आप इसका टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हो गैसियस सिस्टम का एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी जितनी हीट देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी हीट कैपेसिटी क्या कहलाएगी हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी ये गैसीय सिस्टम के अंदर 10 ग्राम गैस है इसका टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है जितनी हीट लगेगी वो क्या क्या कैपेसिटी मान लो यहां पर हीट कैपेसिटी आई हीट कैपेसिटी आई, आई दो जू लाई गई आपने इसी गैसीय सिस्टम में दस ग्राम गैस और डाल दी अब यह बीस ग्राम हो गई अब इसका टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है क्या हीट कैपेसिटी सेम आएगी जितनी हीट यहां पे लगी थी क्या उतनी ही हीट यहां पे लगेगी नहीं सर आपने मास क्या कर दिया है डबल तो हीट भी क्या लगेगी डबल लगेगी तो आप देख रहे हैं पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रही है है ना पहले पार्टिकल्स कम थे पार्टिकल ज्यादा है पहले हीट कैपेसिटी कम थी अब हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली हीट कैपेसिटी भी क्या है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इसमें और चीजें भी ऐड होंगी यहां पर एक दो लाइन के लिए गैप छोड़ रखा है बट पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बता दूं फिर उसके बाद आप अपने आप बताएंगे आप अपने आप बताएंगे कि प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है आपको याद नहीं करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या थी जो मैटर के ऊपर डिपेंड करती है मैटर को ज्यादा करोगे कम करोगे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी इंटेंसिव वो है जो मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ये इतनी इंटेंस होती हैं कि मैटर ही नहीं करता कि कितना ऑब्जेक्ट है यहां पर ठीक है जैसे कलर हो गया ऑर्डर हो गया है ना लस्टर हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ग्राम गैस का टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना एक ग्राम गैस का एक ग्राम गैस का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है अब आपने चाहे दस ग्राम गैस रखी है बीस ग्राम गैस रखी है ट्वेंटी फोर रखी है हंड्रेड रखी है टू हंड्रेड रखी है मैटर ही नहीं करता एक ग्राम गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो जितनी हीट दस ग्राम में लगेगी तो उतनी ही दो सौ ग्राम वाले में भी लगेगी एक ग्राम का बढ़ाने के लिए एक ग्राम का बढ़ाने के लिए ठीक है मेलेबिलिटी डक्टेलिटी कंडक्टिविटी डेंसिटी प्रेशर ठीक है ये सारे के सारे टेम्परेचर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मूलर मास ये सारे के सारे क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी अब एग्जाम्पल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं यहां पर भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहां पर भी कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं अब आपको परेशानी थोड़ी सी होने लगी होगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है अब उस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इस प्रॉब्लम का क्या करते हैं समाधान बस ध्यान से सुनिए और समझिए अब इसके बाद आप खुद आंसर देना शुरू करेंगे अब आप खुद आंसर देना शुरू करेंगे कि प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है इधर देखिए मान लीजिए ए और बी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं ए भी एक्सटेंसिव है और बी भी एक्सटेंसिव है देन चाहे आप ए और बी को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड करो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्ट करो या दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करो ये हमेशा एक्सटेंसिव ही रहेगी ये हमेशा एक्सटेंसिव ही रहेगी ठीक है बट अपॉन बी एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड करोगे क्या करोगे एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड करोगे या स्मॉल चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्मॉल चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये इंटेंसिव होगी ये क्या होगी इंटेंसिव होगी दो एक्सटेंसिव को एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वो एक्सटेंसिव ही रहेगी बट जैसे ही आप उसे क्या करोगे डिवाइड वो इंटेंसिव हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इंटेंसिव हो जाएगी अब बहुत सारे बच्चे साथ में ये क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि सर एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव तो इंटेंसिव होता है समझ गए बट बताओ एक्सटेंसिव

वॉल्यूम वॉल्यूम सर मास भी है, भी एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव है है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी सर ये इंटेंसिव हो जाएगी दो एक्सटेंसिव की रेशो हमेशा क्या होगी इंटेंसिव होगी अगले वाली देखो अगले वाली सर नंबर ऑफ मोल्स मोल्स क्या होते हैं मोल्स सर मोल्स होते हैं मास बाय मॉलिकुलर जिसको मोलर मास भी बोलते हैं मोलर मास देखो मास तो एक्सटेंसिव है सबको पता है मोलर मास आप कार्बन डाइऑक्साइड का चार ग्राम ले लो चालीस ग्राम ले लो चार सौ ग्राम ले लो चार हजार ग्राम ले लो कुछ भी ले लो हमेशा इसका मोलर मास तो फिक्स्ड ही रहेगा यानी कि ये इंटेंसिव है एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव क्या होगा एक्सटेंसिव क्या होगा एक्सटेंसिव किसी ने पूछ लिया सर मोलैरिटी बताओ मोलैरिटी मोलैरिटी होती है मोल्स बाय वॉल्यूम सर, मोल्स अभी अभी प्रूव किया एक्सटेंसिव है वॉल्यूम एक्सटेंसिव है तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा सर इंटेंसिव हो जाएगा सर मोलैलिटी मोलैलिटी भी क्या होता है मोल्स सोल्यूट के नीचे मास सॉल्वेंट का बेटा ये भी एक्सटेंसिव है ये भी एक्सटेंसिव है तो ये क्या हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा क्या हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं मोलारिटी मोलारिटी नॉर्मैलिटी मोल फ्रैक्शन फलाना डिमकाना फॉर्मेलिटी कोई भी हो ये सारी इंटेंसिव होती हैं सारी इंटेंसिव होती हैं सारी इंटेंसिव होती है ठीक है एक बच्चा कह रहा है थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बोलते रहिए मैं जिस दिन फ्रेंच भाषा का त्याग कर दूंगा उस दिन से मैं हिंदी बोलना शुरू करूंगा क्योंकि अभी तो मैं हिंदी का प्रयोग नहीं फ्रेंच का ही करूंगा ठीक है जी क्या लिख दे सारी कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव होती हैं डेंसिटी सर वो तो लिख दी आपने वहां पर प्रेशर भी इंटेंसिव होता है सर प्रेशर कैसे इंटेंसिव होता है ठीक है प्रेशर कैसे इंटेंसिव होता है सर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया क्या आपको पता है एरिया यस yes, सर कितनी जगह घेरी जाएगी कम पार्टिकल्स होंगे वो कम जगह घेरेंगे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा जगह घेरेंगे तो एरिया क्या होगा एक्सटेंसिव होगा एरिया क्या होगा एक्सटेंसिव होगा फोर्स सर वो तो वैसे ही एक्सटेंसिव होती है सर फोर्स पता ना मास इनटू एक्सलेशन मास के ऊपर डिपेंड करती है ये भी एक्सटेंसिव है ये भी एक्सटेंसिव है तो प्रेशर क्या हो जाएगा दैट इज इंटेंसिव हो जाएगा अब अब एक और बात बताओ पीएच का नाम सुना है ये सर ऑफ एच का फॉर्मुलाशन या हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है ठीक है जल्दी से बताइए पीएच क्या है एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है सर पीएच डिपेंड कर रही है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इंटेंसिव है ये इंटेंसिव है तो ऑब्वियसली फिर ये भी क्या होगी इंटेंसिव ही होगी ठीक है जी तो आपको एक और प्रकार की एनर्जी होती है जिसे वेस्ट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं एंट्रोपी ये भी एक्सटेंसिव है ये भी एक्सटेंसिव है एंट्रॉपी को कैपिटल एस से लिखा जाता है। चलिए देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया एंथाल्पी के ऊपर क्या एंथाल्पी जिसे हम कैपिटल एच से लिखते हैं क्या वो एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है सर आपने बताया था जितने भी प्रकार की एनर्जीज होती हैं सारी एक्सटेंसिव होती हैं सारी एक्सटेंसिव होती हैं तो ऑब्वियसली एन्थैल्पी क्या हो गई एक्सटेंसिव ये बात आपकी तब तक सही है इफ इट्स यूनिट एनर्जी का यूनिट क्या होता है एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है सर जूल होता है जूल बट मान लीजिए एन्थैल्पी इज गिवन इन जूल पर मोल एंथाल्पी का यूनिट जूल दे रखा है एनर्जी का यूनिट दे रखा है एक्सटेंसिव है मान 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 गया 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 बट लो का यूनिट जो है वो दे रखा है जूल जूल पर पर मोल मोल आप चाहो तो यहां पर एंथाल्पी की जगह एनर्जी भी बोल सकते हो कोई सी भी हो सकती है वो वो एंथाल्पी हो वो कनेडिक एनर्जी हो वो पोटेंशियल एनर्जी हो वो एंट्रोपी हो वो गिव फ्री एनर्जी हो अगर उसका यूनिट जूल दे रखा है तो वो एक्सटेंसिव है ठीक है बट अगर दे रखा है जूल पर मोल ऊपर भी नीचे भी एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव नीचे ये क्या हो जाएगा इंटेंसिव हो, हो, हो जाएगा अच्छा मान लो एनर्जी का यूनिट जूल पर ग्राम दे रखा है तब क्या हो जाएगा जूल पर ग्राम दे रखा है तब क्या हो जाएगा तब भी आंसर आप सब लोगों का सही है अब भी ये क्या हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव मास एक्सटेंसिव होता है एनर्जी भी एक्सटेंसिव होती है अब भी ये इंटेंसिव हो जाएगा अच्छा दे रखा है कैलोरी पर ग्राम दे रखा होगा सर फिर वही कैलोरी यूनिट जूल उसका एनर्जी का ही होता है तो ये भी एक्सटेंसिव है ये भी एक्सटेंसिव है अब भी ये क्या हो जाएगा इंटेंसिव हो जाएगा तो जब भी एनर्जी के बारे में लिखें यूनिट को जरूर ध्यान में लिखें अगर सिर्फ एनर्जी वो रखा है तो एक्सटेंसिव है यानी कि यूनिट जूल होना चाहिए कैलोरी होना चाहिए किलो कैलोरी होना चाहिए किलो जूल होना चाहिए बट जैसे जूल पर मोल आ जाएगा जूल पर मॉलिक्यूल आ जाएगा जूल पर ग्राम आ जाएगा कैलोरी पर मोल आ जाएगा तब ये इंटेंसिव हो जाएंगे ठीक दिखाओ भाई अपना जलवा बताओ कि तुम ही हो यस जल्दी जल्दी एम्स टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन है कौन सी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं कौन सी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं इसकी जगह मैं लिख देता हूं स्पेसिफिकेट लिख देता हूं क्योंकि अभी आपने ये टर्म पढ़ी नहीं है ना तो मैं चेंज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेसिफिकेट कर देता हूं और ये एनर्जी कहना है एनर्जी कह लो इंटरनल एनर्जी कहना है इंटरनल एनर्जी कह लो आइए शुरू करते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर सर दोनों इंटेंसिव होती है इन्होंने तो एक्सटेंसिव पूछी है वॉल्यूम एक्सटेंसिव है स्पेसिफिक हीट आपने बताया था इंटेंसिव होती है ठीक है ये भी एक्सटेंसिव है ये इंटेंसिव है ये भी एक्सटेंसिव ये भी एक्सटेंसिव दोनों एक्सटेंसिव है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बेटा वन नहीं लिखना होता ए बी सी डी लिखना होता है इतने दिन से आप उम्मीद की क्लास ले रहे हैं इतना तो पता होना चाहिए यार है ना सेवेंटी परसेंट बच्चों का सही है जी आइए सब लेके आए हैं नीट के क्वेश्चन लेके आए हैं एनसीईआरटी टी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेके आए हैं आ, एम्स के क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप किसी भी तरह की कोई चीजें रहना जाए ठीक है चलिए एक्स और वाई दो आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी क्या होता है दैट इज इमेजिनरी अच्छा अच्छा जैसे आपकी आरबी ट्रेरी गर्लफ्रेंड है वैसे ही एक्स और वाई भी दो आरबी ट्रेरी एक्सटेंसिव वेरिएबल हैं तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एक्स प्लस वाई इंटेंसिव है एक्स अपॉन वाई इंटेंसिव है एक्स माइनस वाई इंटेंसिव है कि एक्स इंटू वाई इंटेंसिव है चाहे आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो मल्टीप्लाई करो एक्स और वाई को जो दोनों एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव ही रहता है डिवाइड करने पर वो क्या हो जाते हैं इंटेंसिव हो जाते हैं डिवाइड करने पर वो क्या हो जाते हैं इंटेंसिव हो जाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नाइंटी एट पॉइंट समथिंग बच्चों का सही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत आइए आगे बढ़ते हैं बात करेंगे हम स्टेट फंक्शन के बारे में क्या स्ट्रेट फंक्शन के बारे में स्टेट फंक्शन क्या नाम से पढ़ो जरा पढ़ो क्या लिखा है ये डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेज पे ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपके 2023 में जब आपने नीट का एग्जाम दिया था उसमें आपके थोड़े मार्क्स कम रह गए थे सर कितने रह गए थे वो तो आप ही बताएंगे मान मान लो थोड़े से थे लेते हैं सौ ही नंबर आए थे <laughs> ये थोड़े होते हैं तो फिर ज्यादा कौन से होते हैं मैं देखो तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूं मैं तो मान लीजिए नीट 2023 में अगर कितने आए थे 100 और इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बस थोड़ा सा ही बढ़ाना चाहते हैं दैट इज 700 ठीक है मन तो यही चाहता है ये 100 से 700 जाने का जो सफर है से सात सौ जाने का जो सफर है ये बस पलक झपकते ही पूरा हो जाए मैटर ही ना करे ये मेरे पढ़ने से आए हैं ये चीटिंग करने से आए हैं ये फर्रे चलाने से आए हैं ये जो इन्विजिलेटर है वो ही भगवान का रूप बन के आ गया उसने कहा कोई बात नहीं नहीं आता मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा तुझे ठीक है आपको मैटर ही नहीं करता अगर 100 से 700 जाने का सफर तो आप भी एक स्टेट फंक्शन है पढ़ाई से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं है ठीक है सर 20 नंबर आपने काट लिए हैं ठीक है ठीके? काट लिए हाँ वो सफाई के काट लिए हाथ की सफाई <laughs> वाले देख सकते हैं हाँ भाई रिवीजन के लिए तो सही रहेगा ठीक है तो स्टेट फंक्शन क्या है डिपेंड करते हैं सिर्फ इनिशियल स्टेज पे और फाइनल स्टेज पे ये पाथ के ऊपर नहीं करते हैं 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 क्या पढ़ाई से 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 आए आए नंबर चीटिंग करने से चलाने टीचर ने बता दिया है इनविजी ने बता दिया आगे जो बैठा हुआ था उसने बोला फिफ्टी वन का ए लगा दे तुमने भी ए ही लगा दिया ठीक है तो ये कौन से फंक्शन होते हैं दैट इज स्टेट फंक्शन होते हैं इस चैप्टर में आप जितने भी वेरिएबल्स पढ़ेंगे जितने भी वेरिएबल्स पढ़ेंगे हीट और वर्क को छोड़ के हीट का मतलब है हीट कैपेसिटी भी साथ में आएगा हीट और वर्क को छोड़ के जो भी आप पढ़ेंगे वो सारे स्टेट फंक्शन है सारे स्टेट फंक्शन है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी, फ्री एनर्जी साथ में लगा देता हूं ई टी सी आपको इनके नाम याद करने ही नहीं है क्योंकि कौन स्टेट फंक्शन नहीं है हीट और वर्क कौन हीट और वर्क अभी अभी बोला था फिर रिपीट कर रहा हूं हीट और वर्क हीट में हीट कैपेसिटी भी आ गई उनको छोड़ के बाकी जितने हैं वो सारे के सारे क्या है फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं इनका पाथ से कोई लेना देना नहीं है कभी भी कभी भी कोई स्टेट फंक्शन है मान लेते हैं एक्स एक स्टेट फंक्शन है और उसमें स्मॉल चेंज आया क्या आया स्मॉल चेंज आया किसी स्टेट फंक्शन में स्मॉल चेंज इन एक्स पता कैसे लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा डी एक्स और सर कभी लार्ज चेंज आए एक्स में तो वो इसी डी एक्स का क्या कर दिया जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट दैट इज डीएक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स आता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल यानी कि डेल्टा एक्स लिखा जाएगा स्मॉल चेंज इन स्टेट फंक्शन डीएक्स से लिखा जाएगा लार्ज चेंज इन स्टेट फंक्शन में डेल्टा एक्स से लिखा जाएगा ठीक है ठीक है जी यह है स्टेट फंक्शंस के बारे में अब बात करेंगे हम पाथ फंक्शन के बारे में ये डिपेंड करते हैं पाथ फॉलोअर्ड अगर आपके नीट 2023 में अनफॉर्चुनेटली थोड़े कम नंबर आ गए थे मान लीजिए सिर्फ 100 मार्क्स थे अब की बार आपने टारगेट रखा है कि यार 700 लेके आऊंगा और जिस दिन से रिजल्ट आया था तब से लेके अभी तक आपने दिन रात एक कर रखा है ठीक है आप सोच रहे हैं नंबर आएंगे भी मैं ही लाऊंगा और अपनी मेहनत से लाऊंगा देन देचुलेशन आप पांच फंक्शन हैं आप स्टेट फंक्शन का हिस्सा नहीं है ठीक है जैसे पा कॉफी जैसे ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो मेहनत पे विश्वास रखते हैं और मुझे पता है आप उन बच्चों में से हो तभी 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 तभी, तभी आप पढ़ रहे हैं ठीक है तो इसी तरह से पाथ फंक्शन भी बहुत कम होते हैं दैट इज हीट एंड वर्क दैट इज हीट एंड वर्क सर अगर वाई कोई पाथ फंक्शन है पाथ फंक्शन देन स्मॉल चेंज इन वाई स्मॉल चेंज स्मॉल चेंज इन वाई वो ऐसे लिखा जाएगा डी वाई से और लार्ज चेंज इन वाई डी वाई का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम इन सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होगा आपकी बार ऑडियंस सॉरी सॉरी गलत बोल गया लार्ज चेंज इन वाई भी ऐसे लिखा जाएगा उसको डेल्टा वाई नहीं लिखेंगे नहीं लिखेंगे नहीं लिखेंगे सिर्फ फिजिक्स में ऐसा लिखा जाता है भैया फिजिक्स में लिख देते होंगे क्यू के साथ डेल्टा लगा देते होंगे वो फिजिक्स वाले सर बताएंगे बट आईयूपीएसी का कन्वेंशन ये कहता है कि हम लोग हम लोग स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को डिफरेंशिएट ही ऐसे करते हैं ही ऐसे करते हैं कि इसमें लार्ज चेंज के आगे डेल्टा नहीं लगाया जाता है नहीं लगाया जाता है नहीं लगाया जाता है, ठीक है जी हम्म यहां पर भी डी की जगह डेल आएगा सही कह रहे हैं जी आप और यहां पर देखो जैसे मान लीजिए हीट जिसको क्यू से डिनोट किया जाता है अगर इसमें स्मॉल चेंज आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा डेल क्यू और लार्ज चेंज आएगा तो उसको Q से लिखा जाएगा इसका मतलब यही है स्मॉल चेंज इन हीट इसका मतलब यही है लार्ज चेंज इन हीट। बट इसके आगे डेल्टा नहीं आएगा फिजिक्स में लिखा जाता होगा ठीक है बट हमारे यहां नहीं ठीक है हमारे यहां तो ऐसा ही होता है हम लड़के हैं ना जनाब हमारे साथ तो ऐसा ही होता है बस बस बताइए बिना सरमाए हमें बताएं कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है कौन है ऐसा ससुरा जो स्टेट फंक्शन नहीं है ठीक है जल्दी जल्दी आंसर बताएं ऑन स्टेट फंक्शन नहीं है सर यानी कि पाथ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज हीट वर्क या हीट कैपेसिटी सर ये रहा वर्क ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 97 परसेंट बच्चों का सही है आइए आगे उए, ये क्या स्टेट फंक्शन दोबारा आ गया पाथ फंक्शन दोबारा आ गया चलिए कोई बात नहीं नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में किसके बारे में बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में कभी भी कोई प्रोसेस होगी उसमें से सबसे पहले टाइप की प्रोसेस हमें कौन सी पढ़नी है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी आइसोथर्मल प्रोसेस आइसो थर्मल प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा समझिएगा इसमें क्या होगा जब आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएंगे क्या इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएंगे देर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर देर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट यह है रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट यहां पर अगर टेम्परेचर T1 है तो यहां पर भी टेम्परेचर T1 है यानी कि डेल्टा T, विच इज इन टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या आएगा जीरो आएगा टेम्परेचर क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर सर कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप इसका बिल्कुल एक आइसोथर्मल प्रोसेस के जब भी कोई सब्सटेंस मेल्ट होता है जब भी कोई सब्सटेंस बॉयल होता है और भी ऐसे फेस ट्रांसफॉर्मेशन में, में मेल्टिंग आता है बॉइलिंग आता है ठीक है सब्लिमेशन आता है ये सारे के सारे क्या हैं दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस सर प्रूव करके दिखाइए आइए ना प्रूव करते क्या आपको पता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट सर जीरो डिग्री सेल्सियस यानी कि जीरो डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस को हीट दी जाए क्या जीरो डिग्री सेल्सियस पे आइस को हीट दी जाए तो जितनी भी हीट वो एब्सॉर्ब कर रहा है वो सारी की सारी इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आएगी जितनी भी हीट देंगे वो सारी की सारी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आएगी जब सारी आइस मेल्ट हो जाएगी तब जब सारी आइस मेल्ट हो जाएगी तब उसे हीट देंगे तब उसे हीट देंगे तब पार्टिकल आपस में क्या करेंगे टकराएंगे भी वाइब्रेट भी करेंगे ठीक है तब फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा बट जीरो डिग्री सेल्सियस पर ही आइस क्या होती है मेल्ट होती है जीरो डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर क्या होता है फ्रीज होता है तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे इसको जितने भी हीट देंगे सारी की सारी इसको मेल्ट करने के काम आएगी इसका टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं इसको मेल्ट करने में ठीक है सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं वाटर जो है वो बॉयल कहां पर होता है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे अगर बाहर का प्रेशर वन एटीएम है वहां पर भी बाहर का प्रेशर वन एटीएम था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर को गर्म करने लगोगे उसे हीट दोगे वो सारी की सारी पता क्या करेगी लिक्विड और लिक्विड दो वाटर के मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े होंगे उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगी वो सारी की सारी हीट यही काम करेगी ठीक है ये रहा आइसोथर्मल प्रोसेस इसमें एक और चीज बतानी है आइसोथर्मल में इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुन यहां पे लिखूंगा मैं यहां पे लिखूंगा बट एक्चुअली मेरे को कुछ चीज बतानी है मैं वो बताता हूं फिर वापस आता हूं कोई भी सब्सटेंस ले लो फिर मैंने गैस ले लिया कोई बात नहीं कुछ भी हो ठीक है आप इसे गर्म करना शुरू कर दो क्या ये गर्म करेंगे तो ये हीट एब्सॉर्ब करेगा हाँ करेगा कितनी करेगा वो किसके बराबर होगी किसके बराबर होगी दैट इज एम एस डेल्टा टी समझा रहा हूं समझा रहा हूं ये कितनी हीट एब्सॉर्ब करेगा डिपेंड करेगा एम एस डेल्टा पे सर एम क्या है इसका मास अगर आपने अगर आपने कम गैस ली है तो वो कम हीट एब्सॉर्ब करेगी ज्यादा गैस ली है तो वो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगी कम गैस ली है कम हीट एब्सॉर्ब करेगी ज्यादा गैस ली है तो क्या करेगी ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगी ठीक है सेकेंड 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 स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट एस से डिनोट किया जाएगा सर ये स्पेसिफिक हीट क्या है इस गैस ये सिस्टम जितना मर्जी हो ये सौ ग्राम हो दो सौ ग्राम हो पांच सौ ग्राम मैटर। से बाबू एक ग्राम निकाल लो कितना निकाल लो एक ग्राम तो लाइफ में किसी ने पहली बार हमें बाबू बोला है बेटा मेरे मुंह से निकल गई गलती से बोल दिया मैंने मेरी इंटेंशन नहीं थी ठीक है आइए आइए एक ग्राम गैस का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए एक ग्राम गैस का एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लगेगी वो क्या कहलाएगी स्पेसिफिक वो क्या स्पेसिफिक हीट अगर किसी गैस की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा कम है तो वो कम हीट एब्सॉर्ब करेगा ठीक है चलिए 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 ठीक है ठीक है मम्मी को दे दो चौधरी साहब मम्मी को दे दो है ना आइए आइए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी पे भी डिपेंड करेगा आप इस गैस को कितना गर्म कर रहे हो कितना गर्म कर रहे हो ठीक है क्या बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हो कि बहुत कम गर्म कर रहे हो भाई टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहे हो वन डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो क्या टेन डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो क्या हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो उसके ऊपर भी हीट एब्सॉर्ब डिपेंड करेगी उसके ऊपर भी हीट एब्जॉर्ब डिपेंड करेगी ठीक है आइए आइए सो क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी मैंने बोला था यहां पर वापिस आएंगे क्या क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है yes. क्या एस ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपॉन एम डेल्टा टी क्यू अपॉन एम डेल्टा टी ठीक क्या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी जीरो होता है क्या होता है डेल्टा टी क्या होता है जीरो ये जीरो होता है जीरो अगर ये जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ये जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा ऊपर लिख देता हूं तो स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इनफाइनाइट ठीक है आई एम गेटिंग थ्री फिफ्टी मार्क्स इन नीट राइट नाउ कैन आई गेट सेवन ट्वेंटी आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी इन नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अगर इसी इसी स्पीड से हर एक उम्मीद की क्लास में ये बार बार ये कमेंट लिखते रहेंगे फिर तो आंसर नो है फिर तो आंसर नो है पढ़ लीजिए सेवन ट्वेंटी का तो पता नहीं सिलेक्शन ले सकते हैं आप मेहनत करेंगे तो तीन सौ नंबर उसके भी आ सकते हैं यार जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है राइट नाउ बट उसका अनफॉर्चुनेटली हो गया खराब हो गया और साढ़े तीन सौ नंबर उसके भी आ सकते हैं जिसने पूरा साल कुछ पढ़ा ही नहीं है ठीक है और बस ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके लगाया तो मुझे पता नहीं आपकी रियलिटी स्थिति क्या है बट इतना मुझे जरूर पता है कि लगभग दो महीने का समय है आप उसमें मेहनत करेंगे तो आप इंप्रूव जरूर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है आइडिया बैटिक प्रोसेस बेटा ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होगा क्या होगा हीट एक्सचेंज क्या होगा जीरो होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो जो हीट का एक्सचेंज है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग दैट रिमेंस जीरो सर क्या इसके एग्जांपल दे सकते हैं आप एग्जांपल एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती हैं, वो जनरली इतनी फास्ट होती हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग को समय ही नहीं मिलता क्या बोला मैंने सिस्टम और सराउंडिंग को समय ही नहीं मिलता कि वो आपस में हीट एक्सचेंज कर सकें। आपस में हीट एक्सचेंज कर सकें जैसे बस्टिंग ऑफ बैलून बैलून जब बस्ट होता है तब समय ही नहीं मिलता है ठीक है क्या कर रहा हूं मैं बस्टिंग ऑफ टायर ये सारे क्या है ये सारे क्या है एक एडिया बैटिक प्रोसेस क्या है एडिया बैटिक प्रोसेस क्या हम सबको पता है क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी है यस क्योंकि प्रोसेस क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या क्यू जीरो होगा यस सर ये जीरो होगा ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा जीरो होना पड़ेगा यस yes. क्या गैस का मास जीरो हो सकता है कैसी बात कर रहे हो सर ठीक है डेल्टा डी जीरो हो सकता है नहीं सर अगर किसी भी गैस को गर्म करोगे या ठंडा करोगे गर्म करोगे या ठंडा करोगे तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर तो आएगा ही आएगा ठीक है आएगा ही आएगा ठीक है ये भी जीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब स को ही जीरो आना होना पड़ेगा सो ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस जब प्रोसेस एडियाबैटिक होगी तो S क्या होगा स्पेसिफिक हीट गैस की क्या होगी दैट इज जीरो होगी स्पेसिफिक हीट गैस की क्या होगी दैट इज जीरो होगी ठीक है आइए आगे. आगे बढ़ते हैं

एडियाबैटिक बैटिक एक्सपेंशन जब गैस एक्सपैंड होगी एक्सपैंड आपको पता है जब भी गैस एक्सपैंड होती है तो गैस ठंडी हो जाती है ठंडी हो जाती है एग्जाम्पल ये रहा कभी आपने किसी टायर को फटते हुए देखा हो टायर फटने से पहले गैस अंदर जो होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है अब गैस पहले अंदर थी बहुत ज्यादा गर्म थी टायर फटने के बाद गैस क्या आ गई बाहर आ गई अब गैस के पार्टिकल के लिए मूवमेंट के लिए जगह बहुत ज्यादा है गैस क्या हो जाएगी ठंडी हो जाएगी तो ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन डेल्टा टी नेगेटिव आएगा डेल्टा टी होता क्या है डेल्टा टी होता क्या है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर गैस का कम है इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है ये कम ये ज्यादा डेल्टा टी नेगेटिव आएगा मतलब गैस कूल्स डाउन गैस ठंडी हो जाती है और अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा कंप्रेशन गैस बाहर घूम रही थी उसको पुचकारा चलो अंदर चलो टायर के अंदर अगर ऐसा करोगे तो गैस गर्म हो जाएगी फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा टायर के अंदर एज कंपेयर टू बाहर तो गैस क्या हो जाएगी हीट हो जाएगी ठीक सर आइसोथर्मल में क्यू जीरो क्यों नहीं है सो रहे थे सो रहे थे अभी जागे हो 2024 में 2025 में यहाँ पर मैंने क्या बोला था यहां पर जितनी भी हीट दोगे वो सारी की सारी इसको मेल्ट करने के काम आएगी जब मैं बोल ही रहा हूं हीट देंगे, तो हीट चेंज जीरो कहां से आएगा हीट चेंज जीरो कहां से आएगा बेटा तुम्हारे जैसे लोगों का एग्जाम्पल दिया जाता है ठीक है पूरी दुनिया को जैसे भी बनना ऐसे मत बनना ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है यानी कि डेल्टा पी क्या होगा जीरो होगा हमारी लैब के अंदर हमारी लैब के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं ठीक है वो सारे आइसोबैरिक बैरिक होते हैं सर कैसे बाहर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा कंटेनर के बाहर का प्रेशर हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा याद रखना लैब के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन सबका क्या कॉन्स्टेंट रहता है प्रेशर ही कॉन्स्टेंट रहता है ठीक है जैसे ये देखिए गैस पहले गैस पहले गर्म नहीं कर रखी थी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम v1 दे रखा है गर्म करने के बाद वॉल्यूम क्या हो गया है v2 हो गया है है ना पिस्टन पहले नीचे था अब पिस्टन ऊपर चला गया बट बाहर का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ठीक है कैसे सर तो बाहर का प्रेशर डिपेंड किसके ऊपर करता है गैस के ऊपर जो यहां पे बाहर बाहर एटमॉस्फेयर की गैस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन वाली नाइट्रोजन गैसेस और ये जो आपने वेट लगा रखे हैं वेट यहां पे लगा रखे हैं 1 2 3 छे और छह बारह वेट लगा रखे हैं यहां पर भी उतना ही है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन वगैरह यहां पर भी बारह ही होंगे एक दो तीन चार पांच छह और और बारह वेट है यहां पे ठीक तो बाहर का प्रेशर यहां पर क्या है कांस्टेंट है तो एग्जांपल हो गया किसका आइसो बैरिक प्रोसेस का ठीक है नेक्स्ट है आइसो कोरिक प्रोसेस ये वो प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम चेंज जीरो होता है डेल्टा वी जीरो होता है यहां पर देखिए है ना देखो भाई साथ, साथ एग्जाम्पल कराते जा रहे हैं ऐसा कोई नहीं है कि किसी का एग्जाम्पल आपके सामने ना दिया हो ठीक है प्रेशर कांस्टेंट का हो गया यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट का वॉल्यूम कांस्टेंट गैस गर्म करने से पहले किसी एक ऐसे चैम्बर में है ठीक है, है. है, है? है, है? है. गर्म करने से पहले गर्म करने के बाद गर्म करने से पहले इसका प्रेशर देख रहे हैं बहुत अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो मैं बता देता हूं बहुत कम है बहुत कम है और गर्म करने के बाद टा आगे निकल गया है प्रेशर बहुत ज्यादा है तो देख रहे हैं प्रेशर तो चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है क्योंकि तो कंटेनर में पिस्टन जो है वो रिजिड है वो मूवेबल नहीं है जितनी वॉल्यूम पहले थी उतनी ही वॉल्यूम बाद में है ठीक नेक्स्ट बात करेंगे हम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस के बारे में साइक्लिक प्रोसेस प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है जिसके बारे में आप लोग कस्मे भी खाते हैं कि तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म बिल्कुल वैसी ही है साइक्लिक प्रोसेस भी इसमें जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है वो क्या होता है सेम होता है सेम होता है सेम होता है, होता है, होता है, होता है।, होता है, है ना आप किसी के जीवन में एंट्री तो कर सकते हैं ये कह के है ना ये कह के आई एम ए वन वुमेन मैन और वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी कर लेंगी बट उनको क्या पता आप कह रहे थे आई एम ए वन वुमेन मैन एट वन टाइम है ना एक समय पर मैं वन वुमेन मैन ही बट जब वो समय बदल जाता है तो वो वुमेन भी बदल जाती है यस 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 तो इसमें भी वही है जी इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा सेम होगा कोई एग्जाम्पल दे दीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं मान लीजिए इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है ये पॉइंट ए से आपने गैस को शुरू किया प्रेशर ये बी पे गया बी पे आया फिर ए पे आया है ना तो पहले ए से बी फिर बी से सी और फिर सी से ए पे ठीक है बिल्कुल 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 है ना जरूरी थोड़ा ट्रायंगल ही बनेगी ये तो ऐसा कुछ नहीं है यार मान लेते हैं इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है पहले ए से बी गया बी से सी गया सी से डी और फिर डी से ए सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप मेरी जीवन की कहानी बता रहे हो क्यों क्योंकि सर वो मेरे को इस पॉइंट पे छोड़ के गई थी फिर वो इसके पास गई फिर वो इसके पास गई फिर वो इसके पास गई और सब मैं वेट कर रहा हूं कि वो मेरे पास कब आएगी ठीक है जी तो याद रखिएगा साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है सेम होता है ठीक है साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो होता है चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होता है जीरो होता है, है ना ऐसा होता है ना ब्रेकअप के बाद आप वहीं पे खड़े रहते हैं ठीक है वो कहीं और चली जाती है फिर कहीं और से और चली जाती है आपके पास वापस नहीं आती है और आप वही गाना गाते रहते हैं कौन सा खड़ा हूं आज भी वही वही खड़े रहिए वही खड़े रहिए वही रहिए वो नहीं आने वाली वो नहीं आने वाली वो गई ठीक है तो चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होगा जीरो होगा कोई पूछे कोई पूछे कि इस पूरी प्रोसेस में ए से बी बी से सी और सी से ए आने पर ठीक है

ही होंगे है ना सब जीरो होंगे चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो होंगे हीट नहीं हीट नहीं।, नहीं वर्क नहीं क्योंकि वो स्टेट फंक्शन नहीं है पाथ फंक्शन है बात करेंगे इर रिवर्सिबल प्रोसेस की ठीक है इर रिवर्सिबल प्रोसेस ये एक ऐसी प्रोसेस है बेटा ठीक है फाइनाइट स्टेप्स अब ये स्टेप्स कुछ भी हो सकते हैं बेटा एक दो तीन पांच बट फाइनाइट होने चाहिए इन फाइनाइट नहीं होने चाहिए सर कैसे 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 मतलब समझाइए बिल्कुल ये कंटेनर है इसमें एक गैस पड़ी हुई है राइट नाउ इसकी वॉल्यूम क्या है वी वन कितनी वी वन मान लीजिए आपसे बोला जाए कि इस पिस्टन को यहां से उठा के यहां ऊपर लेके आना यानी कि गैस की वॉल्यूम क्या करनी है आपको चेंज करनी है, वी टू करनी है और अगर आपने यहां से यहां लाने के लिए इसको बहुत धीरे धीरे किया धीरे धीरे किया सॉरी फाइनाइट स्टेप्स में किया गलती से बोल दिया मैंने धीरे धीरे फाइनेट स्टेप्स में किया यहां से यहां लाने के लिए पहले क्या किया आधे रस्ते ले आए पिस्टन को ऊपर किया और फिर पूरा यहां पे ले आए तो ये आपने कौन सा चेंज आया इसमें रिवर्सिबल चेंज कौन सा आया है रिवर्सिबल चेंज और सर एक ही बार पिस्टन पकड़ा एक ही बार ऊपर ले गए बेटा वो भी तब भी दस बार किया तब भी ठीक है तो जब भी कोई प्रोसेस क्या होती है दैट इज फाइनाइट स्टेप्स में होती है उसे क्या बोलेंगे वो कौन सी है दैट इज इवर्सिबल प्रोसेस है ठीक है रिवर्सिबल प्रोसेस है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे हम रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में ठीक है प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन फाइनाइटली स्लोली जो बहुत धीरे 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 होती है उन्हें क्या बोलते हैं आप रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनफाइन नाइट सिमिली स्लोली फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं मान लीजिए कोई गैस राइट नाओ उसकी वॉल्यूम वी वन है आपको ये पिस्टन को नीचे लेके जाना है नीचे लेके जाना है वी टू तक और बहुत 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 धीरे ये आप काम कर रहे हैं धीरे ये काम कर रहे हैं ठीक है सर कैसे धीरे धीरे कर रहे हैं आपने पिस्टन के ऊपर पहले एक सैंड का पार्टिकल रखा क्या रखा सैंड का रेत का एक दाना रखा एक दाना दाना क्या 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 रेत का एक भी भी रखेंगे उसका अपना कोई मास मास होगा इंक्रीज हो गया पिस्टन नीचे आएगा अरे सर पिस्टन इतना कम नीचे आएगा इतना कम नीचे आएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं एक और रेत का पार्टिकल रखा एक और एक और एक और एक और एक और एक और बहुत धीरे 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 एक एक करके रख रहे हैं ठीक है यहां तक आने के लिए मान लो एक करोड़ सैंड के पार्टिकल रखने पड़े पर ये तो काम बहुत धीरे धीरे होगा क्योंकि एक एक पार्टिकल रखना है बस ये प्रोसेस कौन सी है दैट इज अ प्रोसेस क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस इस प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं क्या होते हैं इक्वली में होते हैं पता ही नहीं चलता कि सिस्टम है कि सराउंडिंग है सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस हमारी टेंथ से इलेवंथ क्लास थी बिल्कुल सही है जब इलेवंथ शुरू हुई थी और जब इलेवंथ खत्म हुई थी क्या तुम्हारी नॉलेज में कोई डिफरेंस आया था सारे जाने एक जवाब बोलेंगे नहीं 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 पता ही नहीं चला सर पता नहीं चला इलेवंथ बड़ी धीरे धीरे तो बीती इलेवेंथ बहुत धीरे धीरे बीती सर बट नॉलेज में कोई चेंज आया नहीं चेंज आया ऐसा लग रहा था टेंथ के बाद जितनी नॉलेज है इलेवेंथ के बाद भी उतनी ही नॉलेज है क्योंकि नॉलेज में तो कोई चेंज आया ही नहीं था है ना बस यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं इक्वली में होते हैं बिल्कुल 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 ठीक है सर ऐसा समय तो बड़ी मुश्किल से बीतता है बिल्कुल सही कह रहे हैं ये वैसी एक प्रोसेस है ये वैसी एक प्रोसेस है जब आपके पिताश्री आपसे आपकी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं ऐसा लगता है उनका एक एक क्वेश्चन कई सालों से चलता आ रहा है ना उनके साथ बिताए हुए दस मिनट भी दस सालों की तरह लगते हैं जब आपके पिताश्री आपकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं ना ऐसा लगता है दस मिनट बात करने के बाद भी मन बहुत भारी होने लगता है चक्कर आने लगते हैं ठीक है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना बहुत धीरे 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 समय बीतता है और ये कौन सी प्रोसेस है सर अब की बार मैं अपने पिताश्री से नहीं मैं उससे बात कर रहा हूं जिसके लिए मैं स्कूल जाता हूं बिल्कुल बिल्कुल यहां पर समय सर उससे घंटों भी बात करते हैं तो फोन रखते टाइम ऐसा लगता है अरे तीन घंटे कैसे तीन मिनट में बीत गए बस वो एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक इिवर्सिबल प्रोसेस है ठीक है आइए 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 रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है खासकर काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इधर लिख रहा हूं मैं इर रिवर्सिबल प्रोसेस इधर लिख रहा हूं मैं रिवर्स बल प्रोसेस पहला डिफरेंस ये टेक प्लेस करती है फाइनाइट स्टेप्स में हा बिल्कुल सर कुछ ही चीज में टाइम में ये चीजें खत्म हो जाती है बिल्कुल और ये इनफाइनाइट टाइम है ना फाइनाइट टाइम लिख लो या प्रोसेस लिख लो वैसे टाइम वुड बी बेटर ये इनफाइनाइट टाइम है और ये फाइनाइट टाइम है ठीक है सेकंड ये एक रियल प्रोसेस है और ये इमेजिनरी है। ठीक है थर्ड क्या क्या डिफरेंस लिख लिया है अरे हां भाई इलेवंथ के लिए देख सकता है बिटवीन टू स्टेट्स जो डिफरेंस है वो फाइनाइट है फाइनाइट और ये दो स्टेट्स में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है बहुत ही कम है इन फाइनाइट सिमली स्मॉल इनफाइनाइट सिमली स्मॉल बहुत कम डिफरेंस है ना बताए ना ये इलेवेंथ की पढ़ाई के बारे में बात हो रही है ऐसा लग रहा है इलेवंथ तो पूरी निकल गई बट डिफरेंस तो अपनी नॉलेज में कुछ खास आया नहीं है ठीक है ये ग्राफ के ऊपर प्लॉट नहीं करी जा सकती इसके लिए ग्राफ बनाया जा सकते कैन बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ यह बहुत फास्ट होती है ये काफी स्लो होती है लिखी दिया सर जब आपने ये फाइनेट स्टेप्स में होनी है या इनफाइनेट स्टेप्स में होनी है तो ऑब्वियसली ये बहुत फास्ट होगी और वह बहुत क्या होगी दैट इज स्लो होगी ठीक इसको पहचानेंगे कैसे न्यूमेरिकल आएगा आप कैसे पहचानेंगे कि इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात हो रही है या तो कोई न्यूमेरिकल में लिखी दिया है कि प्रोसेस इर्रिवर्सिबल है बहुत बढ़िया बात है नहीं तो आप ऐसे पहचानेंगे कहीं पे लिखा होगा ना कि प्रोसेस हो रही है फाइनाइट स्टेप्स में ऐसे लिखा हुआ है प्रोसेस बहुत सडनली हो रही है बहुत फास्ट हो रही है सडनली यहां प्रोसेस बहुत फास्ट हो रही है अगर ऐसे वर्ड यूज किए होंगे फाइनाइट स्टेप्स सडनली फास्ट ठीक है या अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में हो रही है बाहर का प्रेशर कॉन्स्टेंट है और इस केस में प्रोसेस हो रही है इन फाइनाइट स्टेप्स में स्लो हो रही है infinite, timely, slowly. अगर इन फाइनाइट सिमली स्लोली अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज किया गया है या ऐसा भी कह सकते हो ग्राफ है ना कि इसके लिए ग्राफ बनाया जा सकता है मतलब ग्राफ दे रखा है तब भी रिवर्सिबल प्रोसेस है ग्रेजुअली हो रही है ग्रेजुअली का भी मतलब धीरे धीरे होता है अगर कोई ऐसा वर्ड यूज किया गया तो प्रोसेस रिवर्सिबल है अगर ऐसा यूज किया गया तो प्रोसेस इ है ठीक है चलिए आपका टैलेंट दिखाने का मौका आ गया है पार्टिसिपेट करिए और बताइए आंसर एबीसीडी में ही देना है हर्मोडाइनामिक्स में एक प्रोसेस को रिवर्सिबल कब बोला जाता है सराउंडिंग और सिस्टम एक दूसरे में बदल जाते हैं ऐसा पिक्चरों में ही होता होगा सर देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बड़े ही बेवकूफ ऑप्शन दे रखे हैं द सिस्टम हाँ, so, और सराउंडिंग में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ठीक है अंदर और बाहर सब कुछ एक जैसा ही लगता है ठीक है। जी बिल्कुल चौथी भी पढ़ने, system, surrounding में बदल जाता है वाह वाह ऑप्शन वा, बड़े तगड़े बनाए हैं जिसने भी बनाए हैं ठीक है आइए 95 परसेंट बच्चों का सही है जी ठीक है आइए आइए एक और एक बारी होर अपना जलवा दिखाएगा बताइए जी जल्दी जल्दी वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें ना कोई हीट आती है और ना ही कोई सिस्टम से हीट जाती है प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम हाँ दैट इज एडियाबैटिक आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता, इसमें होता इसमें है. है इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है यही so, है इसमें हीट कांस्टेंट होती है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सेवेंटी परसेंट बच्चों का सही है गलत बात है यार ये तो सही होना चाहिए था बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में जो है हमारा इंटरनल एनर्जी कौन सा इंटरनल एनर्जी आपको पता है हमें गैसियस सिस्टम के बारे में पढ़ना है यस yes. गैस के बारे में पढ़ना है यस yes. एक गैसियस सिस्टम में जो गैस पार्टिकल्स हैं गैसियस सिस्टम में जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो एनर्जीज हैं उन सारी एनर्जीज का सम उन सारी एनर्जीज का सम क्या कहलाएगा दैट इज इंटरनल एनर्जी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कैनेटिक एनर्जी है ना हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो भी पोटेंशियल एनर्जी में आता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में आता है जितने भी प्रकार की एनर्जीज हो सकती हैं उन सारी एनर्जीज का जो सम होता है उसे क्या बोलते हैं आप इंटरनल एनर्जी ठीक है, चाहे रोटेशनल हो वाइब्रेशनल हो मूवमेंट के कारण हो ठीक है या इंट्रैक्शन के कारण कोई भी हो उन सारी एनर्जीज़ का जो सम होता है वो क्या कहलाता है इंटरनल एनर्जी सेकंड, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है डिपेंड किसके ऊपर करता है ठीक है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम अगर आप इंटरनल एनर्जी चेंज करना चाहते हो या तो टेम्परेचर चेंज करो या वॉल्यूम चेंज करो तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी अदरवाइज इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी ठीक है मैं बताऊं कैसे आया ये टेम्परेचर और वॉल्यूम कहां से आया अगर आपने पढ़ रखा है कनेटिक एनर्जी का फॉर्मला कनेटिक एनर्जी का फॉर्मला क्या होता है पर मॉलिक्यूल थ्री बाय टू आर टी क्या थ्री बाय टू पर मोल बोला है थ्री बाय टू आर टी थ्री बाई टू आर टी यानी कि ये कनेटिक एनर्जी के लिए लिखा है मैंने कनेटिक एनर्जी के लिए लिखा है ठीक यानी कि टेंचर चेंज होगा तो कनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी ठीक सर आपने ये वॉल्यूम को पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट रे, रे, कर पार्टिकल पास 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 तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम है तब उनका इंट्रैक्शन ज्यादा होगा चाहे वो अट्रैक्शन है चाहे वो रिपल्शन है वो ज्यादा होगा अगर यही वॉल्यूम बहुत ज्यादा है पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो ये वॉल्यूम हां से आया है टेम्परेचर यहां से आया है। ठीक है सर ठीक है ठीक है मान लेते हैं मान लेते हैं आइडियल गैस है कौन सी गैस है आइडियल गैस है अगर गैस आइडियल है तो इन आर्टिकल्स के बीच में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना रिपल्शन होती है ना अट्रैक्शन होती है ना रिपल्शन होती है ठीक है तो फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई जीरो क्योंकि पार्टी का ना दूरे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे ठीक है अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन हो गया किसका फंक्शन हो गया सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का और आइडियल गैस और आइडियल गैस अगर गैस आइडियल है तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी टेम्परेचर चेंज करोगे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी बट अगर गैस आइडियल नहीं है अगर कोई है, कोई सॉलिड है है लिक्विड या गैस आइडियल नहीं है तब इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी वॉल्यूम देखते हैं क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि आप कितना दिमाग लगा पाते हैं बता पाते हैं कि नहीं ध्यान से देखिए पानी लिक्विड है और पानी यहां पर गैस में जा रहा है यहां पर भी टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है यहां पर भी टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है बॉयल हो रहा है ना पानी जितनी भी हीट दे रहे हो तो वो सारी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के काम आ रही है क्या यहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज होगा यस और नो यस और नो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा यस और नो आंसर है यस ठीक है क्यों क्योंकि ये आइडियल गैस चलो इसे अगर कोई कह दे कि इसको आइडियल गैस मान लेना मान भी लूंगा मान भी लूंगा क्या ये आइडियल है क्या ये आइडियल है आइडियल ये तो लिक्विड है सर ठीक है तो ऑब्वियसली यहां से यहां जाने पर वॉल्यूम चेंज हो रही है हाँ हो रही है इसी कारण इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है इसी कारण इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है मैंने आंसर दिया है ठीक है मैंने आंसर दिया है मान के कि ये गैस आइडियल नहीं है वाकई आइडियल नहीं है ये ये गैस है गैस ही नहीं है तो आइडियल कहां से होगी ठीक है अच्छा क्वेश्चन था फोर्थ सर मान लीजिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रिएक्टेंट का स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशन एक्स मान लेते हैं प्रोडक्ट का वाई मान लेते हैं ठीक है थेके? तो बताइए इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे पता चलेगा इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे पता चलेगा सबमिशन सबमिशन मतलब ऐड कर दो इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके जो भी सोशियोमेट्रिक ऑफिशियंट है वन है तो वन से मल्टीप्लाई कर देना टू है तो टू से मल्टीप्लाई कर देना थ्री है तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देना पहले प्रोडक्ट का नहीं? अगर प्रोडक्ट का आना है तो चेंज हो जाएगा ना सर फिर दोबारा बता रहा हूं कमिशन सोशियोमेट्रिक ऑफिशियंट इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मान लो एक ही प्रोडक्ट है उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर देना तीन है तीन से मल्टीप्लाई कर देना एक है एक से मल्टीप्लाई कर देना माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साथ में मल्टीप्लाइड बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा जो भी ठीक है सर अगर डेल्टा यू पॉजिटिव आया क्या आया बेटा Positive, पहले पॉजिटिव का मतलब बताओ सर पॉजिटिव कैसे आएगा जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी ये वाली वैल्यू छोटी होगी मान लीजिए डेल्टा यू नेगेटिव आया नेगेटिव कब आएगा बेटा ये वाली वैल्यू छोटी होगी ये वाली कंप्लीट वैल्यू छोटी होगी ये बड़ी होगी छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं नेगेटिव आता है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी हम सिस्टम की सर हमारी बॉडी के टर्म्स में आंसर दे सकते हैं हमारी बॉडी के टर्म्स में आंसर दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं ठीक है थेके? ये बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो फिर अगले साल समझ आएगी ये आप हैं मैंने आपकी स्माइल या सैडनेस नहीं शो करी है ये है आपका रिजल्ट डे नीट का इस दिन मान लीजिए कोर ऐसा आया कि आपको पता चल जाए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर हो गई है ठीक उस समय मानना या ना मानना ठीक है मान लेते हैं आपके गार्जियन है जो भी मम्मा पापा जो भी है ठीक है उनकी देखना अपने आप ही बॉडी की एनर्जी जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी अपने आप ही हो जाएगी ना कुछ खास करना नहीं पड़ेगा अपने आप ही हो जाएगी है ना ऐसा ग्लो दिखेगा उनके चेहरे पे जो आज तक आपने देखा नहीं होगा फॉर sure, ठीक है और मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कहीं ऐसा रिजल्ट आ गया ठीक है ऐसा रिजल्ट आ गया जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा तो अपने आप ही उनकी बॉडी से एनर्जी जो है ना वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी वो एक ऐसा केस होगा ठीक है जब उनकी बॉडी से इंटरनल एनर्जी जो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी मैं तो चाहूंगा यही वाला केस हो ऑन द एंड ऑफ द डे यूनिट बता दो यूनिट बता दो इसका यूनिट बता दो सिक्स पॉइंट यहां लिख देता हूं इंटरनल एनर्जी का यूनिट बता दो सर जब ये एनर्जी है ऑब्वियसली तो इसका यूनिट क्या होगा जूल होगा सर जूल होगा जिसको कैपिटल जे से लिखा जाता है ऐसा यूनिट तो यही होगा सर कैलोरी हो सकता है हाँ हो सकता है क्या कैलोरी और जूल को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आता है हाँ सर वन कैलोरी इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन एट थ्री जूल फोर पॉइंट टू भी लिख देते हैं बट अप्रॉक्सिमेटली फोर पॉइंट टू भी लिख देते हैं बट वैसे अगर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना हो तो फोर पॉइंट वन एट थ्री से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और बताओ क्या इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है सर आपने बोला था जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो सारी एक्सटेंसिव होती हैं सारी एक्सटेंसिव होती हैं जब तक उसका यूनिट जूल है या कैलोरी है तब तक तो एक्सटेंसिव है ठीक है तब तक तो एक्सटेंसिव है ठीक है बट अगर 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 यही जूल पर मोल हो गया कैलोरी पर मोल हो गया तब ये क्या हो जाएगी इंटेंसिव हो जाएगी तब ये क्या हो जाएगी इंटेंसिव ठीक चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए ठीक है सर थ्री बाय टू आर टी वाला पॉइंट नहीं समझ आया प्लीज एक्सप्लेन कनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैसेस सिस्टम इज गिवन बाय थ्री बाय टू आर टी पर मोल पर मोल इंटरनल एनर्जी चेंज बताना है जब सिस्टम कहां से गया है ए से बी ये रहा ए से बी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया है फोर्टी किलो जूल पर मोल सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी बाय रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न टू ए बाय एन इिवर्सिबल पाथ अच्छा यहां से आ जाने पर फोर्टी किलो जूल मान लो प्लस में लगा था तो यहां माइनस में होगा अगर ये माइनस में था तो ये प्लस में होगा अब मुझे तो नहीं पता वुड बी ट नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है पाथ रिवर्सिबल है कि है है उस मैटर करता ही नहीं है, तो टोटल चेंज कितना आएगा अंडा टोटल चेंज कितना आएगा जीरो जीरो अगर ये प्लस फोर्टी था ये माइनस फोर्टी होगा ये माइनस फोर्टी था तो ये प्लस फोर्टी होगा है ना स्टेट फंक्शन है ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी लगभग 90 परसेंट बच्चों का सही है आइए नेक्स्ट बताइए इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज होगी क्या ये टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी ये कम होगी टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर चेंज करने से नहीं होगी या इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से कैलकुलेट होगी सर इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ता है इंटरनल एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है इंटरनल एनर्जी कम होती है ठीक है सो आएगा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर 88% परसेंट बच्चों का सही है नेक्स्ट बात करेंगे हीट के बारे में जिसको डिनोट किससे किया जाता है क्यू से किया जाता है किससे डिनोट किया जाता है क्यू से किया जाता है सबसे पहली बात हीट होती क्या है होती क्या है हीट मॉड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है मॉड होता है तरीका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग अगर आप चाहते हैं सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज कर जाए एनर्जी तो दो ही तरीके हैं या तो हीट या वर्क या हीट या वर्क अगर आपको लगे अगर आपको लगे यार मेरी बॉडी में ना एनर्जी बहुत कम कम सी लग रही है लो लग रहा है लो मुझे बहुत लो फील हो रहा है 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 एनर्जी कम है, हीट कम हीट बॉडी में एक एक बार एक बार अपने पिताश्री को अपने पास बुला के ये बता बोल दीजिए पापा मेरी ना तैयारी अच्छी नहीं चल रही क्या मेरी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है उसके बाद जितनी हीट की कमी पड़ेगी वो पिताश्री सा सारी आपको देंगे सारी आपको देंगे बस एक बार इतना बोलना है आपको सिर्फ एक बार इतना बोलना है कि पापा मेरी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है ठीक है बस फिर देखो कैसे एनर्जी का एक्सचेंज होता है पापा की बॉडी से आपकी बॉडी में ठीक है अगर ठंडी में भी गर्मी का एहसास ना दिला दिया पापा ने तो पापा का ही नाम बदल देना भाई है ना यस बढ़िया 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 ठीक है जी, ठीक है ठीक है हाँ बस 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 ये हीट एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग करने का एक तरीका है अगर आपको सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी तो देनी है या लेनी है तो हीट उसका एक तरीका हो सकता है हीट उसका एक तरीका हो सकता है सर एग्जाम्पल दीजिए एग्जाम्पल ये देखिए देखिए कंटेनर है इसके अंदर गैस के पार्टिकल है या तो इनको अपनी एनर्जी बढ़ानी है या कम करनी है तो उसके तरीका एक हीट हो सकता है कैसे या तो इन्हें गर्म कर दो गर्म करोगे तो बाहर से एनर्जी अंदर चली जाएगी ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे एब्जॉर्ब सर और कोई तरीका हाँ ये भी हो सकता है यही यही वाला गैसीय सिस्टम है इनके नीचे आग लगाने की बजाय आग लगाने की बजाय ठंडे ठंडे बाहर इनके आइस क्यूब्स लगा दो क्या लगा दो आइस क्यूब्स लगा दो आइस क्यूब्स लगा दो जितने में इनमें एनर्जी होगी वो सारे आइस क्यूब्स अपनी तरफ खींच लेंगे आइस क्यूब्स अपनी तरफ खींच लेंगे इन्होंने हीट लॉस कर दी है यहां पर इन्होंने हीट क्या कर ली है गेन कर ली है ठीक है हुआ दोनों में हीट का ही चेंज है ठीक है सर कैसे लिखा जाएगा हीट का चेंज हीट चेंज इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी सर एम क्या है एम मास सिस्टम भाई गैसियस मास आपने कितना लिया एक ग्राम दो ग्राम पांच ग्राम सौ ग्राम एस क्या है एस है स्पेसिफिक हीट ऑफ़ सिस्टम एक ग्राम गैस का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसे क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर दैट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ठीक है थर्ड पॉइंट अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा क्या करेगा सिस्टम क्या करेगा हीट एब्जॉर्ब करेगा हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम तो क्यू क्या होगा पॉजिटिव क्यू का होगा पॉजिटिव होगा ठीक है और अगर हीट रिलीज करेगा सिस्टम रिलीज 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 तो क्यू क्या होगा नेगेटिव ठीक है सर यूनिट बता दो अरे भाई ये एनर्जी है यार यूनिट ऑफ ही, हीट क्या होगा सर जूल होगा जूल होगा फिर भाई अगर जूल लिखा हुआ है तो ये एक्सटेंसिव है पर अगर यही जूल पर मोल लिख दूंगा तो इंटेंसिव हो जाएगी सर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम को हम पॉजिटिव लेंगे हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम को हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे क्या लेंगे नेगेटिव ठीक है दिमाग लगाएं और बताएं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दिखने में आसान लग रहा है क्वेश्चन आसान नहीं है ठीक है पार्टिसिपेट करिए और बताइए इसका आंसर मुझे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है यार वॉल्यूम आधी कर दिए कर दो स्पेसिफिक हीट विल बी इसका आंसर बी लिख के टॉप कर रहा हूं पोल फिर इसको डिस्कस करता हूं फिर इसको डिस्कस करता हूं एक मिनट चार ऑप्शन ऐसे नहीं होने चाहिए थे ऐसे होने चाहिए क्वेश्चन कोई और लिख दिया गया है, ऑप्शन कोई और लिख दिया गया इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार होने चाहिए थे मैं आपको बताता हूं कैसे वॉल्यूम आदि कर दिए स्पेसिफिक हाफ हो जाएगी फोर टाइम्स हो जाएगी ऐसा आना था कोई ऑप्शन ना क्वेश्चन कोई और लिख दिया गया मेरे ख्याल से और ऑप्शन को लिख दिए वॉल्यूम आदि कर दिए स्पेसिफिक हीट पे क्या फर्क पड़ेगा आ जाओ भाई आ जाओ इधर पहले वॉल्यूम थी 50 एम कितनी थी बाबू 50 एम इसके अंदर इधर वॉल्यूम बताइए आपने इसका मास क्या होगा इसका मास क्या होगा मास पता नहीं कितना होगा वो तो गैस के ऊपर डिपेंड करता है मैं कैसे बता सकता हूं मान लेता हूं ट्वेंटी ग्राम मान लिया लेट लेट का मतलब होता है मान लो मैं यही मान के पढ़ा रहा हूं कि आप एक सीरियस एक्सपीडेंट हैं आप इस साल सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं टाइम पास के लिए पढ़ नहीं रहे हैं आपने इसकी वॉल्यूम आदि कर दी कर दी सर वॉल्यूम हो गए ट्वेंटी फाइव फिर सर मास भी आधा हो जाएगा अब मास कितना हो जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव ग्राम हो जाएगा स्पेसिफिक क्या फर्क पड़ेगा स्पेसिफिक सर स्पेसिफिक हीट पता जाती है इसमें से एक ग्राम निकालो या इसमें से एक ग्राम निकालो एक ग्राम गैस का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है एक ग्राम के लिए यहां पर भी उतनी हीट लगेगी एक ग्राम के लिए यहां पर भी उतनी हीट लगेगी इसका मतलब स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी सेम रहेगी स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी सेम रहेगी तो इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हो गई ऑप्शन में यह क्वेश्चन था और यह उसकी चार ऑप्शन थे आइए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं वर्क के बारे में सबसे पहली बात वर्क क्या होता है भाई वर्क भी एक ऑफ ऑफ ट्रांसफर एनर्जी है क्या है मॉड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंड आप चाहते हैं सिस्टम और सराउंडिंग में अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो या तो हीट से कर लो और या वर्क से कर लो या हीट से कर लो या वर्क से कर लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना पिताश्री को अगर आप एक बार बात बोल दें एक बार एक बात बोल दें कि पिताश्री मेरी बॉडी में नहीं आप आप क्या बोल रहे थे हाँ मेरी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो हीट जो है वो अपने आप ट्रांसफर होने लगेगी पिताश्री की बॉडी से आपकी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ फ्लाइंग चप्पल्स है ना पता ना तो हीट बढ़ जाएगी भाई बड़े आराम से ठीक है एक आंसर ये भी हो सकता है जो मुझे लगता है कि इंडियन पेरेंट्स को अपनाना चाहिए अगर बच्चे ने बोला है मेरी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो उसको पहली बात तो प्यार से पास बिठाएं यही बहुत बड़ी बात है इंडियन पेरेंट्स के लिए मैं भी एक पेरेंट हूँ ठीक है इंडियन पेरेंट्स के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि पहले उसे प्यार से अपने पास बिठाएं ठीक है अगर वो रो रहा है या रो रही है पहले उसे छुप कराएं पानी दें फिर उससे प्यार से पूछे क्यों नहीं चल रही है हम अगले दो महीने में क्या कर सकते हैं कि तैयारी आपकी जहां पर भी है चाहे 200 नंबर पे हो 400 पे हो साढ़े पांच सौ पे हो 600 सौ पे हो हम उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं क्या कोई टेस्ट सीरीज कर सकते हैं क्या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं क्या किसी स्पेसिफिक चैप्टर्स पे काम कर सकते हैं क्या मैं कोई चीज तुमसे सुननी है मैं सिर्फ सुन सकता हूं क्या तुम्हें थ्योरी में हेल्प चाहिए कि तुम्हें न्यूमेरिकल्स में हेल्प चाहिए अगर ऐसा भी करें मेरे को लग रहा है काम करें तब भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा तब भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा आपकी बॉडी से पिताश्री की बॉडी में और पिताश्री से आपकी बॉडी में बट बड़ बड़ा कंस्ट्रक्टिव चेंज होगा कंस्ट्रक्टिव है ना क्यों नहीं हो रही पढ़ाई यस 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 अच्छा 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 बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें वॉल्यूम आधी करिए मास तो सेम ही रहेगा अरे बढ़िया यार सॉरी यार बट कॉन्सेप्ट सही लगाया हमने वॉल्यूम उतनी है मास उतना ही रहेगा भाई मास उतना ही रहेगा मास उतना ही रहेगा ना पच्चीस ग्राम ही रहेगा पहले भी पच्चीस ग्राम था अब भी पच्चीस ग्राम है बट स्पेसिफिक आंसर पर कोई चेंज नहीं आएगा ये बात आप बट आपकी बात सही है यू आर राइट ऑन यूर बार्ट वॉल्यूम आधी करिए मास थोड़ा आधा किया हमने आइए वर्क इज ए मॉड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड ठीक है सर डन का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी कैसे पूरे थर्मोडाइनेमिक्स में हमें दो प्रकार की ही वॉल्यूम पढ़नी है हमें दो प्रकार का ही वर्क डन पढ़ना है दो प्रकार का ही वर्क डन पढ़ना है या तो वर्क डन एक्सपेंशन का या कंप्रेशन का इस पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी हम कहेंगे गैस एक्सपेंड हो गई है और पिस्टन को नीचे ले आएंगे तो हम कहेंगे क्या वॉल्यूम कम हो गई है गैस कंप्रेस हो गई है डेल्टा भी कैसे निकालेंगे फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम फिर ये क्या है पी एक्सटर्नल बाहर का प्रेशर यहां का ये यह, ये यह, यहां का प्रेशर जो होगा यहां का वो गैस के कारण हो सकता है मान लो आपने यहां पर पांच किलोग्राम वेट रख दिया तो पांच किलोग्राम वेट का और गैस का दोनों को मिला के हो सकता है ठीक है उसे बोलेंगे आप पी एक्सटर्नल ध्यान से सुनना जब प्रोसेस रिवर्सिबल होती है क्या बोला प्रोसेस रिवर्सिबल होती है तब सर आपने अभी अभी बोला था सिस्टम और सराउंडिंग में फर्क नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग में फर्क नहीं होता है। ध्यान सुनो ध्यान से सुन। मान लीजिए प्रोसेस रिवर्सिबल है तो जो अंदर का प्रेशर है गैस का गैस का वही बाहर का प्रेशर भी होगा यस तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं जितना बाहर का प्रेशर है उतना ही अंदर का प्रेशर होगा यानी कि प्रेशर ऑफ गैस अंदर गैस ही है ना तो सर यह फॉर्मूला चेंज हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस प्रेशर इन इंटरनल इंटू डेल्टा वी इंटरनल मतलब गैस का प्रेशर ये गैस का प्रेशर है ये कब यूज कर सकते हैं जब प्रोसेस क्या होगी रिवर्सिबल सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं यानी कि इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम होगा ठीक है सर ठीक है सर हम लोगों को यह भी पता है पी वी इज इक्वल टू एनआरटी तो क्या पी वी को हम डेल्टा एन आर टी लिख सकते हैं बिल्कुल चेंज इन वॉल्यूम इज ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कौन से मोल्स कौन से सर गैस के गैस के गैस के सर ये कैसे निकालोगे चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के अच्छा सर आ, ऐसा भी तो हो सकता है चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर बिल्कुल बिल्कुल तो ये सारी चीजें यहां पर रख दो सारी चीजें यहां पर रख दो पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा n आर टी लिख दो लिख सकते हैं? P डेल्टा वी की जगह एन आर डेल्टा टी लिख दो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए रिवर्सिबल होनी चाहिए ये डेल्टा एनजी निकालते कैसे हैं निकालते कैसे है? आओ ना निकाल लेते हैं मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है इसमें डेल्टा एनजी निकाल के दिखाओ डेल्टा एनजी क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले पहले रिएक्टेंट के गैस वाले बताओ रिएक्टेंट तो है बट ये गैस नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे रिएक्टेंट तो है बट ये गैस नहीं है नहीं लिखेंगे जीरो आ गया सर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले प्रोडक्ट तो है बेटा सॉलिड आना सॉलिड जेड एन एस सॉलिड बट ये गैस नहीं है नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट तो है गैस है ठीक है ये लिखेंगे कितने मोल्स हैं इसके वन तो बताओ भाई डेल्टा एन जी कितना आ गया एनपीजी माइनस एनआरजी या दैट इज वन आ गया तो किसी भी गैस के लिए आप निकाल सकते हैं ठीक फोर्थ पॉइंट यूनिट क्या होगा वर्क का पर क्या बातें कर रहे हो आप वर्क मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है तो वर्क का यूनिट तो जूल ही होगा ना सर ये एक्सटेंसिव होगा बिल्कुल कह सकते हैं जी आप फिफ्थ मान लीजिए डेल्टा वी पॉजिटिव है डेल्टा वी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पहले वॉल्यूम कम है बाद में वॉल्यूम ज्यादा है ये ज्यादा है ये कम है सर एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेंशन गैस क्या Expand हो रही है एक्सपैंड हो रही है बाबू अगर ये पॉजिटिव होगा पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन क्या होगा नेगेटिव वर्क डन क्या होगा नेगेटिव ठीक अगर डेल्टा नेगेटिव होगा नेगेटिव इसका मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा होगी बाद में कम होगी कंप्रेशन हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है यही से एक पॉइंट लिख रहा हूं जो आपके फिजिक्स में आप एज इट इज रिवर्स पढ़ते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब समझो पिस्टन को ऊपर से पकड़ेंगे और नीचे ले आएंगे ऊपर से पकड़ेंगे नीचे ले आएंगे सर यानी कि डेल्टा भी नेगेटिव है बिल्कुल इसको नेगेटिव रखोगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव हो जाएगा डन पॉजिटिव लिया जाएगा पॉजिटिव डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है केमिस्ट्री में डन बाय द सिस्टम यह पिस्टन नीचे था गैस उसको ऊपर भेज देगी यानी कि डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा ये पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा यानी कि डब्ल्यू नेगेटिव आएगा डब्ल्यू नेगेटिव आएगा ठीक है जी बच्चे कह रहे हैं ओ पी दैट इज ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप आइए शुरू करते हैं प्रिडिक्ट साइन ऑफ वर्क डन चार क्वेश्चन दे रखे हैं इन द फॉलोइंग रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर वाटर पहले गैस में है बाद में लिक्विड में चला गया ऑब्वियसली ये वाली वॉल्यूम ज्यादा है ये वाली वॉल्यूम कम है, है ना ये ज्यादा है और ये क्या है कम क्या डेल्टा वी कम में से ज्यादा गए सर नेगेटिव आएगा यस क्या वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा हाँ सर वर्क डन का फॉर्मूला यही है माइनस पी डेल्टा भी ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव सर सॉलिड से गैस में जा रहा है यहां वॉल्यूम वी वन यहां वॉल्यूम वी टू सॉलिड से कोई चीज गैस में जाती है तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज होती है डेल्टा भी क्या होगा वी टू माइनस वी वन ये बड़ा है ये छोटा है तो पर पॉजिटिव आएगा ये पॉजिटिव होगा पॉजिटिव को नेगेटिव से करो तो नेगेटिव हो जाएगा सर नेक्स्ट लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है सर जनरली बात करें जनरली जब भी कोई सब लिक्विड से सॉलिड में जाती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है ठीक है, है? वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती है बट यहां पर इंक्रीज होगी आइस के बारे में बात हो रही है आइस आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वॉटर वॉल्यूम ज्यादा होती है और डेंसिटी कम होती है डेंसिटी कम होती है ठीक है वॉल्यूम ज्यादा होती है इसका मतलब इसमें भी डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा और डन नेगेटिव आएगा यहां पर देखिए कोई गैसियस मोल्स है ही नहीं एन आर जी जीरो यहां पर एक गैसियस मोल्स है। एक एक एन पी जी वन क्या डेल्टा एन जी एन पी जी माइनस एन आर जी वन आएगा वर्कडन का फॉर्मूला था माइनस डेल्टा एन जी आर टी ये पॉजिटिव में है पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब वर्कडन नेगेटिव आएगा चार क्वेश्चन हमने कर लिए हैं डन के ऊपर कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा ठीक है सी ऑप्शन रिपीट कर दीजिए बता देते हैं बेटा आइस इन्हें शायद नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे इज लेस डेंस देन वाटर सुने ना आइस फ्लोट करती है वाटर पे क्यों क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है डेंसिटी होती किसके बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम जिसकी डेंसिटी कम है उसकी वॉल्यूम ज्यादा होती है उसकी वॉल्यूम ज्यादा तो आइस मोर वॉल्यूम देन वाटर ज्यादा ये ज्यादा ये कम डेल्टा भी पॉजिटिव डन नेगेटिव चलिए चार क्वेश्चन हमने ये भी कर लिए नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो ठीक है आइए बात करते हैं फर्स्ट लॉ टू अनदर जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये एक गैसियस सिस्टम है इसके अंदर राइट नाउ जो टोटल एनर्जी है वो किससे रिप्रेजेंट करी जाएगी सर यू से किससे यू से मैंने उसे यू वन लिख लिया अब मैं इसकी एनर्जी को चेंज करना चाहता हूं चेंज के दो ही तरह चेंज का मतलब क्या होता है या तो इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो या इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो मैं मान रहा हूं कि मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं क्या कर रहा हूं इंक्रीज कर रहा हूं ठीक है तो दो तरीके हो सकते हैं या तो इसे हीट दे दो हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी मान लो पहले 50 जूल थी अब 20 जूल और हीट दे दी तो कितनी हो जाएगी 50 प्लस 20, ठीक है सर सर एक तो एनर्जी को चेंज करने का तरीका था हीट दूसरा था वर्क दूसरा था वर्क मैंने वर्क डन ऑन द सिस्टम कर दिया ऑन द सिस्टम कर दिया ऑन द पिस्टन नीचे ले आऊंगा डेल्टा भी नेगेटिव होगा डेल्टा नेगेटिव होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है अभी इंटरनल एनर्जी uh, थी यू वन प्लस क्यू अब कितनी हो जाएगी जितना वर्क डन हुआ है है जितना वर्क डन हुआ क्या अब टोटल एनर्जी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी यू वन प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू क्या यू टू हो यस yes. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बिल्कुल क्या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बिल्कुल यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग फ्लॉट बोल देते हैं उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना यहां पर नजर आ भी रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां पर एम्बिग्विटी आएगी यू रोट डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इन द केमिस्ट्री एग्जाम तुमने तो कहा था फर्स्ट लॉफ में डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू माइनस टू डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू होता है अरे मैंने कहा था बट वो किसमें कहा था मैंने फिजिक्स में कहा था बिल्कुल 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 है ना केमिस्ट्री में नहीं प्लॉट को अप्लाई करते हैं सारी प्रोसेस में सारी प्रोसेस में साइक्लिक में आइसोथर्मल में एडियाबैटिक में आइसोकोरिक में आइसोबेरिक में सब में हम इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे आइए शुरू करते हैं। क्या हमने यही लिखा है पिछले पेज पे डेल्टा यूज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बिल्कुल जल्दी से बताइए अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक है तो क्या होगा सर अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो होता था सर जीरो जीरो इसका मतलब डेल्टा यू जीरो होगा डेल्टा यू क्या होगा जीरो होगा अगर ये जीरो होगा तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू क्यों किसके बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू आ जाएगा हां सर ये जीरो रखेंगे तो क्यू सिक माइनस डब्ल्यू इसका मतलब क्या है जितनी हीट एब्सॉर्ब करेगा जितनी हीट एब्सॉर्ब करेगा उस सबका क्या कर देगा वर्क दन, उस सब सबका क्या कर देगा डन ठीक है सर मान लेते हैं प्रोसेस साइक्लिक नहीं है आइसोथर्मल है आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो होता है यस आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है सर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू क्यों किसके बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू जीरो रखूंगा क्यू जी माइनस डब्ल्यू आ जाएगा प्रोसेस मान लीजिए एडियाबैटिक है एडियाबैटिक 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 प्रोसेस के लिए क्या होगा क्यू जीरो होता है अगर ये जीरो होगा तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा पर प्रोसेस मान लीजिए आइसोकोरिक है क्या है आइसोकोरिक कोरिक आइसोकोरिक में डेल्टा वी जीरो होता है क्या होता है डेल्टा वी जीरो होता है अगर डेल्टा वी जीरो होगा वागडन बी जीरो होगा तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा क्यू के है ना इसकी जगह क्या रख दूंगा जीरो रख दूंगा ध्यान से देखना क्या मैं इस Q को Q V बोल सकता हूं सर Q तो समझ आ गया दैट इज हीट चेंज ये V क्या लिखा है आपने V लिखा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो कभी भी थर्मोडाइनेमिक्स में लिखा हो हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या लिखा हो हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो उसका मतलब डेल्टा U के बारे में बात हो रही है ठीक है नेक्स्ट आइसो बैरिक प्रोसेस सर आइसो बैरिक प्रोसेस में क्या होता है चेंज इन प्रेशर जीरो होता है प्रेशर जीरो चेंज होने से ना ये जीरो होता है ना ये जीरो होता है ना ये जीरो होता है तो सर पूरा लिख दूंगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू क्या क्यू को क्या डेल्टा टी जीरो है तो क्यू भी जीरो होगा इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इदर आओ. कोई तुम्हारी नजर उतारे ना उतारे मैं उतार देता हूं काला जादू शू है ना खत्म कर दिया बेटा मैंने अब अगली बार से तुम तो ऐसी बेवकूफों वाली बात कभी नहीं करोगे अगर तुम क्लास शुरू से अटेंड करोगे तो ठीक है छू छू है ना सभी जाने बोलेंगे आबरा का क्वेश्चन करते समय फॉर्मूला याद नहीं आता बेटा कृपा वहीं पे अटकी हुई है कृपा वहीं पे अटकी हुई है ठीक है ऐसे ऐसे बच्चे मिल जाते हैं बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत जो है वो सारी सफल हो रही है है ना? आओ, तुम्हारा स्वागत करते हैं क्लास में लगभग सवा दो घंटे के बाद जब कोई बच्चा ये बात बोलता है तो समझ आ जाता है कि उसका स्वागत जो है वो सवा दो घंटे बाद ही तूने यहाँ तो नहीं पूछा कि डेल्टा टी जीरो है आ गया यार डेल्टा टी जीरो है यहाँ पर क्यों जीरो क्यों नहीं है फिर यहाँ पर क्यों नहीं पूछा यहां पर भी नहीं पूछा तूने यहां पर भी नहीं पूछा क्यू जीरो है बट यहां पर डेल्टा डी तो जीरो नहीं है कभी पॉजिटिव आ रहा है कभी नेगेटिव आ रहा है डिपेंड कर रहा है कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है बट इसी से पता चलता है दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है नीट के फॉर्म बढ़ते जा रहे हैं हर साल इसी कारण बढ़ रहे हैं ठीक है कभी कभी याद आ जाता है कि हमने नीट का फॉर्म भरा ओ पढ़ना है चलिए फिर सवा दो घंटे हो गए हैं क्लास में आइए चलते हैं देखिए प्रोसेस में डेल्टा पी होगा तो ये 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 भी 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 नहीं 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 है ये भी जीरो नहीं है है बिकॉज़ प्रेशर का ना हीट वर्क या डेल्टा यू से कोई लेना देना नहीं कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर तो तो बिल्कुल क्लास की तुमने याद दिला दी मेरे को क्लास के बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते डेल्टा टी जीरो जीरो होना चाहिए ना नाइन्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है भाई मैं बड़ा मतलब कि मेरे मन में ना बड़ा आदर सत्कार है जो टेंथ तक के टीचर होते हैं ना सही बात बता रहा हूं आपको नाइन्थ टेंथ की केमिस्ट्री एज ए टीचर स्टूडेंट नहीं एज ए टीचर बहुत टफ है बहुत टफ है नाइन टेंथ की एज ए टीचर क्यों क्योंकि लॉजिक है ही नहीं लॉजिक इज है नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए लॉजिक इज वेरी लेस 11, 12th की में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जमीन से कुछ टॉपिक्स कुछ आसमान से निकल रहे हैं कुछ आजू बाजू से आ रहे हैं ठीक है सारे एक दूसरे को मिल रहे हैं और टीचर कह रहे पढ़ा इसे पढ़ा ठीक है यहां पर तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है अगर आप क्लास में शुरू से प्रेजेंट हैं तो ठीक है आओ भाई लोग बताओ इन्हें कि तुम लोग शुरू से जुड़े हुए हो इसका आंसर बताओ आउट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है w state function है स्टेट फंक्शन नहीं क्यू जीरो साइक्लिक के लिए साइक्लिक के लिए चेंज इन स्टेट फंक्शन होता है ये तो पाथ फंक्शन है ये भी रॉन्ग है डेल्टा यू जीरो होगा साइक्लिक के लिए यस सर डेल्टा यू जीरो होगा साइक्लिक के लिए चेंज इन स्टेट फंक्शन जीरो होता है चेंज इन स्टेट फंक्शन यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नाइंटी फाइव परसेंट बच्चों सही है अगला बताइए अगला बताइए सिस्टम को दी गई है पचास जूल हीट अच्छा सिस्टम को दी गई है पचास जूलों हीट तो क्यू प्लस फिफ्टी होगा प्लस क्यों लिखा हीट एब्सॉर्ब करी है सिस्टम ने तो पॉजिटिव में आ गया। ही लॉस करी होती तो नेगेटिव में आती एंड वर्कडन ऑन द सिस्टम टेंटम प्लस में लिखा जाता है बाय द सिस्टम माइनस में लिखा जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा हुआ है डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा फिफ्टी प्लस टेन सिक्सटी आंसर आ जाएगा साठ ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बढ़िया 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 हाँ आगे आइए और बताइए हम्म वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस वर्क डन जब गैस एक्सपैंड हो रही है पहले वॉल्यूम कम थी अब वॉल्यूम ज्यादा होगी वॉल्यूम ऑफ फोर डेसीमीटर क्यूब टू सिक्स डेसीमीटर क्यूब पहले वॉल्यूम थी बेटा फोर बाद में वॉल्यूम हो गई है सिक्स अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर क्या यह बात आपको पता चल गई कि जब भी लिखा होगा कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर तो बात हो रही है इरिवर्सिबल की किसकी इर कितना प्रेशर दे रखा है बाहर का आपसे वर्कडन पूछा हुआ है सर वर्कडन का फॉर्मुला होता है माइनस एक्सटर्नल डेल्टा भी अगर यही प्रोसेस रिवर्सिबल होती तो यह प्रेशर गैस का हो जाता है इंटरनल हो जाता है इंटरनल मतलब गैस का हो जाता अभी तो बाहर का ही है बाहर का प्रेशर थ्री है। डेल्टा भी निकालो डेल्टा तो भी होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम दैट इज सिक्स माइनस फोर सिक्स माइनस फोर माइनस सिक्स आ जाएगा इसका यूनिट क्या दे है एटीएम इसका लीटर है लीटर वन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वन लीटर तो ये लीटर एटीएम दे रखा है सर आंसर हमें जूल में दे रखा है कभी भी लीटर एटीएम को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 100 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना 100 1.3 से अरे 100 से कर देना यार बट एप्रोक्सीमेटली 100 से एग्जैक्ट करना हो तो वन से तो सिक्स को वन से करूंगा तो आ जाएगा 607.8 जिसको 608 लिख सकते हैं जूल में जूल में जूल में जूल में ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए आइए एम्स का क्वेश्चन है करके दिखाइए ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे एक मोल लिया है ब्यूटेन का ब्यूटेन का हीटेड अच्छा एच टेन को हीट किया है और सीओ टू और एच टू निकला अच्छा 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 कमशन कराया यानी कि एक तो निकला सीओ टू एक निकला एच टू ये लिक्विड में होता है ये, गैस में, ये भी गैस में इसको भी मैं गैस मान के चल रहा हूं सीओ टू एन एस टू लिक्विड इस फॉर्म वर्क डन पूछा होगा वर्क डन सर वर्कडन के तीन फॉर्मले होते हैं माइनस पी डेल्टा वी माइनस एन आर डेल्टा टी और माइनस डेल्टा एन जी आर टी सर ये नहीं लग सकता क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं दे रखा ये नहीं लग सकता क्योंकि टेंपरेचर में चेंज नहीं दे रखा इनिशियल टेंपरेचर दे रखा है फाइनल नहीं दे रखा सर ये वाला फॉर्मूला लगेगा कारण क्या है मैं डेल्टा एन जी निकाल सकता हूं क्या निकाल सकता हूं डेल्टा एन जी निकाल सकता हूं बैलेंस करना आता है यस सर यह आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाय फोर फाइव बाई टू प्लस फोर फाइव बाई टू प्लस फोर कितना होता है यार एट प्लस फाइव थर्टीन बाई टू ये फोर f5 850 8 और 5, 5 13 ठीक है आइए निकालिए बेटा डेल्टा एनजी निकालिए डेल्टा एनजी एनपीजी प्रोडक्ट है गैस है मोल्स कितने दे रखे हैं चार प्रोडक्ट है लिक्विड है इसके मोल्स काउंट नहीं करेंगे एनआरजी निकालो प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट है गैस है कितने मोल्स दे रखे हैं एक रिएक्टेंट है गैस है मोल्स कितने दे रखे हैं फिफ्टीन बाई टू हो जाएगा चार में से फिफ्टीन बाई टू जाएगा रखो वैल्यू रखो एनजी माइनस सेवन बाई टू हो गया इन्होंने आर की वैल्यू ये जो वर्क डन है लीटर एटीएम में दे रखा है तो जो हमें आर है वो भी लीटर एटीएम में रखना है जिसे पॉइंट जीरो एट टू वन बोला था या वन बाय ट्वेल्व भी बोला था वन 12 भी बोला था वन बाई ट्वेल्व रख देता हूं टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस दे रखा है Kelvin में रखना है टू एट आएगा अप्रॉक्सीमेट आंसर बता रहा हूं अगर ये तीन सौ होता अगर ये थ्री हंड्रेड होता तो ये पच्चीस आ जाता 12 ट्वेल्व के डेबल में ट्वेंटी फाइव पे चला जाता ट्वेंटी 25 को 2 से डिवाइड करते ट्वेल्व पॉइंट आ जाता 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग 88 के आसपास 88 के आसपास शायद ये आंसर हो सकता है इसका शायद ये आंसर हो सकता है इसका बी हो सकता है मोल्स नेगेटिव भी होते हैं क्या अच्छा बेटा मैंने मोल्स नेगेटिव सिखा दिए ये तो फिर बेटा मैं कोई मेरे को लग रहा है मैं ही नॉबल प्राइज लेके जाऊंगा मैं ही लेके ले जाऊंगा आप नहीं मैं लेके जाऊंगा क्योंकि बताया आपने है छापूंगा मैं इसे है ना कि मोल्स हैं करती है मैंने।, मैंने तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स बताए हैं तुमने उसे मोल्स समझ लिया तो फिर मैं क्या कर सकता हूं मैंने कहा तुम्हारी जेब में पांच रुपए थे उसमें से दो रुपए कम हो गए क्योंकि तुमने खर्च कर दिए तुम पता क्या कह रहे हो तुम्हारी जेब में पांच रुपए थे तुमने दस रुपए खर्च कर दिए थे पांच खर्च कर दिए दस तो ये तुम ही कर सकते हो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा कोई नहीं है तुम ही हो तुम ही हो तुम क्यों हो वो तो मुझे नहीं पता बट तुम ही हो आइए आंसर बताइए ठीक है आंसर बताइए डेल्टा यू किसके बराबर होता है एडियाबैटिक वर्क के? नहीं सर एडियाबैटिक में डेल्टा यू हां डब्ल्यू के बराबर आया था यार सही है? होता ना? सही है होता ना आइसोथर्मल वर्क नहीं सर आइसोथर्मल में तो डेल्टा यू भी जीरो क्यूज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता था, तो था रॉन्ग आइसोकोरिक नहीं सर आइसोकोरिक में तो वर्क डन वर्कडन जीरो तब डेल्टा यू क्यू के बराबर होता था पर तो यह भी नहीं है आइसोबैरिक नहीं सर आइसोबैरिक में तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता था ये भी रॉन्ग है ये भी रॉन्ग ये सही है सर है ना Q जीरो था Q जीरो था सॉरी यार Q जीरो था तो डेल्टा U इक्वल टू डब्ल्यू आ गया था अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है क्या वर्क स्टेट फंक्शन होता है नहीं सर अच्छा वर, वर्क वर्क पॉथ बताना है सही है यार वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है फंक्शन तो पहला हा हाँ, सर सारे स्टेट फंक्शन होते हैं जब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट स्पेसिफाई हो हाँ, बिल्कुल इनिशियल भी दे रखी हो फाइनल भी दे हो तभी डेल्टा चेंज निकलेगा बिल्कुल वर्क अपेयर एट द बाउंड्री ऑफ सिस्टम बिल्कुल वर्क होता ही इसके कारण है ये पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तभी तो वर्कडन होगा पिस्टन नहीं है या पिस्टन रिजिड है क्या वोलू? पिस्टन रिजिड है ना पिस्टन ऊपर जा सकता ना नीचे आ सकता बाउंड्री हिल ही नहीं सकती वर्कडन होगा ही नहीं कभी वर्कडन कभी होगा ही नहीं तो यह बात बिल्कुल सही है वर्क अपेयर बाउंड्री ऑफ द सिस्टम ठीक है बाउंड्री ऑफ द सिस्टम अगला क्वेश्चन करिए नीट 2023 का क्वेश्चन है पिछले साल की गलतियों से अगर कुछ सीखा है आपने तो बताइए जल्दी जल्दी बताइए विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंथाल्पी एंड चेंज इन एंथाल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच ओहो अच्छा 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 अभी एंथाल्पी पढ़ानी है सॉरी वैसे मैं बता देता हूं ये यही है यही है यही ये 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 डेल्टा एच ही होता है पर पढ, पढ़ाना है अभी मेरे को पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है डेल्टा सबर रखो, सबर रखो, एच इसकी जगह रख देता हूं डेल्टा एन जी आर टी और ये रहा डेल्टा यू ये ये हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल्टा एच ही होता है डेल्टा एच किसके बराबर आ गया डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी अब वो ऑप्शन कौन सी दे रखी है सर ये रहा ये वही है वही है हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट चेंज एड कॉन्टेंटर बट अभी पढ़ाना भी है मेरे को पढ़ाना भी है थोड़ा जल्दी ले आया मैं क्वेश्चन ये क्वेश्चन यहाँ पे होना नहीं चाहिए था थोड़ा आगे होना चाहिए था फिर भी सेवेंटी थ्री परसेंट बच्चों का सही है क्योंकि कईयों को पता होगा कि हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को ही ये बोलते हैं ये रहा एंथालपी चेंज अगला टॉपिक हमारा वही था अगला टॉपिक हमारा वही था आइए बात करते हैं ब्रेक कब मिलेगा सर बेटा आप अभी जाओ। अभी जाओ जाओ आराम से एश करो आ जाना। जब तुम्हारा मन करे दो चार सालों बाद इसी वीडियो में पढ़ाता हुआ मिलूंगा मैं इसी वीडियो में ठीक है आप जा सकते हैं आराम से जा सकते हैं बट प्लीज जिन्होंने पढ़ना है उनको पढ़ने दो है ना थोड़ा मतलब कि ऑर्ड लग रहा है मुझे पचास दिन एग्जाम के बचे हो और मेरे में अगर पचास दिन पहले भी सीरियसनेस नहीं आ रही तो समझ जाइएगा मैं तैयारी कर रहा हूं 2025 की इसकी तैयारी कर रहा हूं मैं 2025 की क्योंकि 24 का एग्जाम तो हो गया मेरे लिए ठीक है मेरी बातें कड़वी जरूर लग रही होंगी बट मैं सच बोलता हूं ना इसी कारण कड़वी लग रही है बेटा ठीक है आपके पचास दिन बचे हैं बच्चे में तो इतनी सीरियसनेस होनी चाहिए जिसका कोई हिसाब ही नहीं और वो चैट बॉक्स में अगर लिख रहा है कि ब्रेक कब मिलेगा सर ब्रेक कब मिलेगा सर और बार बार लिख रहा है तो यहां तो वो बच्चा 2025 की तैयारी कर रहा है या फिर एक पेड स्पैमर है अगर पेड स्पैमर है देन इट्स ओके देन इट्स फाइन ठीक है बट अगर वो रियालिटी में बच्चा है दो में तो वो दो के लिए नहीं पच्चीस के लिए बात कर रहा है ठीक है बात करते हैं एंथालपी के बारे में वैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस हो गया बट फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूं ही प्रेशर देखो हीट चेंज ऐसे लिखा जाता था कांस्टेंट प्रेशर होता था तो ऐसे लिखा जाता था ये यही यही चेंज इन एंथाली सर कोई और लिखने का तरीका है हां बिल्कुल से प्रोडक्ट बन रहा है इसका स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशियंट एक्स है इसका स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशियंट वाई है तो डेल्टा एच कैसे निकालूंगा एंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशियंट तभी तो टोटल एंथाल्पी पता चलेगी प्रोडक्ट की माइनस एंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट वही स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशियंट तभी तो टोटल एंथाल्पी पता चलेगी रिएक्टेंट की ठीक है इंथालपी का यूनिट क्या होगा यूनिट यूनिट वही होगा जूल होगा और ये एक्सटेंसिव होगी एक और तरीका भी है एंथाल्पी के बारे में लिखने का ये रहा रिएक्टेंट ये रहा प्रोडक्ट इंथाल्पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू प्लस पी वी सर तो यह कहां से आ गया दो मिनट का टाइम दीजिए मैं अपने आप बता दूंगा कहां से आ गया अभी बस लिख लो दो मिनट में बताता हूं एंथल्पी रिएक्टेंट की यह ये एंथाल्पी ये रिएक्टेंट किसके बराबर होगी इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की प्लस प्रेशर और वॉल्यूम भी रिएक्टेंट की इसी तरह से एच पी ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है एंथल्पी है प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट की प्लस प्रेशर वॉल्यूम भी किसकी प्रोडक्ट की डेल्टा एच कैसे निकालोगे ये एचपी माइनस एच आर स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशन वन एचपी माइनस एच आर एचपी हो गया यूपी प्लस पीवीपी एच आर हो गया यूआर पी पी पी, यू और प्लस पीवीआर माइनस है तो साइन माइनस हो जाएंगे यूआर पीवीआर क्या इसको डेल्टा एच लिखेंगे यस यूपी माइनस यू आर को डेल्टा यू लिखेंगे यस yes. पी जो है कॉमन निकाल लूंगा इन दोनों में से पी कॉमन निकाल दूंगा वीपी माइनस वी आर को डेल्टा वी लिखेंगे सर अभी अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले वर्क डन वाले में पी डेल्टा वी की जगह पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं यस एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं यस yes. जगह नहीं है आप मतलब करना आप मतलब करना आप मतलब करना मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख आप मतलब करना बेटा थोड़ा अच्छे तरीके से किसी को दिख सके ना इसी कारण मैंने यहां लिख दिया पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी बोला था आपने वही लिख दिया मैंने सर पी डेल्टा वी की जगह आपने बोला था वर्कडन में एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं मैंने वही लिख दिया अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा जिसे मैंने बोला था मैं दो मिनट में बताऊंगा कि ये कहां से आया ये कहां से आया या, आप यह कह सकते हो ये कहां से आया ये यही लाइन है भाई ये यही लाइन है इसी लाइन को यह लाइन है सेम सेम क्या हमने प्रो सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या इसको क्यूपी लिखा था यस yes. क्या क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू हो गया यस yes. क्या वर्कडन का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा भी होता है yes. डेल्टा वी को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस हो जाएगा और क्या ये डेल्टा एच है समझ गए भाई ये कोई नई चीज नहीं है नई चीज नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए दोबारा लिखा मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए दोबारा लिखा मैंने ठीक है टिक में क्यू जीरो होगा आपने क्यूज इक्वल टू डब्ल्यू लिख दिया कहा लिख दिया बाबू बाबू ये राइडियाबैटिक का है। ये है है ये ये एरो ये आइसोथर्मल का है ना ऐसी बकवास बकवास लाइनें लड़कियों को नहीं कहनी होती हैं ठीक है ठीके? हाँ बशरते, बशरते आपकी शक्ल ऐसी हो जो मुझे लगता नहीं है मुझे लगता है कि आप काफी अकल के और अकल के धनी होंगे ठीक है शक्ल इतनी बेकार हो तब लड़कियों को ऐसी बातें बोली जा सकती हैं, बट वैसे नहीं है ना आइए अगर बोला जाए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सो आता कब है मैं बताता हूं अगर एच पी लेस देन एच आर ओ तो डेल्टा एच क्या आएगा तो डेल्टा एच होता है एच पी माइनस एच आर ये कम है ये ज्यादा है तो डेल्टा चाहेगा नेगेटिव हीट क्या होगी रिलीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकलेगा हीट रिलीज होगी बीकर गर्म हो जाएगा चारों तरफ धुआं धुआं हो जाएगा ठीक है हीट रिलीज होगी हम कहेंगे रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक ठीक उल्टा भी बोल सकते हैं अगर मान लीजिए एच पी ग्रेटर है एच आर से ये बड़ा है ये छोटा है डेल्टा एच पॉजिटिव होगा हीट क्या होगी एब्जॉर्ब होगी एब्जॉर्ब रिएक्शन कौन सी होगी एंडोथर्मिक कौन सी होगी एंडोथर्मिक टाइप्स ऑफ प्रोसेस में लिख रही है आइए एक बार देख लेते हैं बेटा एंडियाबैटिक में बेटा मैंने क्यू जीरो ही लिखा है पता नहीं कहां कह रहे हैं बेटा अगर फिर वही पेड़्स स्पैमर है तो इसी तरह से पेट भरते रहिए अगर कोई जेन्युअन डाउट है तो मैं आपसे सॉरी बोलता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि आपने कहाँ पे पूछा ये ठीक है थीके? पहले ही सॉरी बोल लेना आइए इस प्रोसेस के लिए आपको डेल्टा एच निकाल नहीं नहीं डेल्टा एच दे रखा है डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन ये दे रखा है Value of internal energy change, निकालना है. है. दे रखा जूल में कर लो यार पहले तो इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर लो जैसे ही थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे वन थ्री डबल सिक्स फाइव डबल जीरो हो जाएगा जूल पर मोल डेल्टा यू निकालना है क्या डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू सर पी डेल्टा भी होता है या एन आर डेल्टा टी होता है और यहां डेल्टा एनजीआर होता है डेल्टा एन जी आर टी होता है है ना डेल्टा एन जी आर टी होता है ठीक है सर यहां पर डेल्टा एनजीआरटी ही लगेगा मैंने कहा क्यों सर रिएक्शन दे रखी है ना डेल्टा एनजी निकालना आसान है बहुत सही या डेल्टा यू इसी के बराबर हो जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी वैल्यू रखो डेल्टा एच वन थ्री डबल सिक्स फाइव डबल जीरो प्रोडक्ट है गैस में दो ये काउंट नहीं करूंगा क्योंकि लिक्विड में रिएक्टेंट ये तो लिक्विड में काउंट नहीं करूंगा ये रखूंगा रिएक्टेंट है गैस में कितने मोल्स हैं उसके तीन माइनस तो वन आ गया रखो फिर माइनस वन आर की वैल्यू जूल में रखनी है जूल में क्योंकि सबको जूल में रखा मैंने ट्वेंटी फाइव बाई थ्री जूल पर कैल्विन पर मोल सर जिसको एट पॉइंट थ्री वन फोर भी बोलते थे एप्सोलूटली राइट टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस है यानी कि थ्री हंड्रेड कैलविन है आइए जल्दी से बताइए कर दो भाई माइनस वन थ्री डबल सिक्स फाइव डबल जीरो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2500 तो इसमें ऐड कर दो 136 में 2500 ऐड करोगे तो 136 कितना हो जाएगा 9000 जूल पर मोल पर सर हमें आंसर किलो जूल में दिया हुआ है तो थाउजेंड से डिवाइड कर दो 1369 किलो जूल पर मोल यही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी मुझे एक चीज बतानी है पहले मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूं

सिस्टम लिया फिर इस गैसियत सिस्टम के अंदर कितनी गैस है बेटा मुझे खुद भी नहीं पता एक ग्राम सौ ग्राम पांच सौ ग्राम दो सौ तेईस ग्राम जितनी मर्जी कंप्लीट सिस्टम है जितनी मर्जी आपकी मन मर्जी। मैंने दो सौ ग्राम मान लिया इसका टेम्परेचर राइट नाउ मान लेता हूं थर्टी डिग्री सेल्सियस है मुझे इसको गर्म करके थर्टी वन पे लेके जाना यानी कि चेंज इन टेम्परेचर फाइनल टेंपरेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस है जितनी हीट देनी पड़ेगी ताकि पूरे गैसियर सिस्टम का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए एक डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए वो क्या कहलाएगी हीट कैपेसिटी? क्या कहलाएगी हीट कैपेसिटी? पूरे गैसियर सिस्टम का टेंपरेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है एक डिग्री सेल्सियस जितनी हीट देनी पड़ेगी ठीक है जितनी हीट देनी पड़ेगी उसे क्या बोलेंगे आप हीट कैपेसिटी सर स्पेसिफिक हीट ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है हीट कैपेसिटी को मैं कैपिटल से डिनोट करूंगा इस पूरे गैसियस इस पूरे गैसीय सिस्टम में से एक ग्राम गैस निकाल लो बाबू कितनी कितनी दोबारा बोलो दोबारा बोलो कितनी गैस निकाल लो जितना भी था ये 44 ग्राम था 250 ग्राम था 503 ग्राम था जितना मर्जी हो यार मुझे नहीं पता उसमें से सेम्परेचर एक, एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है कितना बढ़ाना है एक डिग्री सेल्सियस जितनी हीट देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको एस से लिखेंगे या कई बुक्स में इसको सी एस से भी लिखा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आइए अब बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी बेटा यहां पर मुझे नहीं पता एक मोल है दस मोल है पचास मोल है तीन हजार मोल है नहीं पता मुझे नहीं पता बट मुझे इतना पता है कि मैं इसमें से कितना निकालूंगा एक मोल कितना एक मोल उसका टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है कितना वन डिग्री सेल्सियस बनाना है जितनी हीट लगेगी उसको बोलूंगा स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक वर्ड हटा भी सकता हूं मोलर हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी भी बोल सकते हैं सीएम पिछला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया बेटा चेक कर लेते हैं आप बता दो क्या गलती है मैं सही कर दूंगा ओहो ये माइनस में है और ये प्लस में है मैंने दोनों को ऐड कर दिया मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो पच्चीसों कम कर दो यार पच्चीसो कम करूंगा तो चार आ जाएगा सिक्स फोर आ जाएगा लो उसमें कौन सी बड़ी बात है थैंक यू बेटा बताने के लिए तो छोटी छुट छोटी गलती है मतलब कि अब आप, आप कह सकते हो जूल में था जूल में बट जूल में था ना सिक्स फोर डबल सिक्स आएगा डबल सिक्स फोर हाँ तो थर्टीन हाँ, वन थ्री कितना है सिक्स फोर ही आएगा सर पच्चीस सौ गया इसमें से सिक्स फोर ट्रिपल जीरो तो वन थ्री सिक्स फोर किलो जूल आ जाएगा लीजिए ठीक है ये तो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है यार इसमें क्या इतना दिमाग लगा रहे हो तुम लोग भी केयरलेस उसने सुना नहीं तभी तो दोबारा आया आइए आगे बढ़ते हैं बेटा <laughs> इसी रिएक्शन को दोबारा करा रहा हूं यहां पर भी एक मोल है यहां पर भी टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है बस फर्क यह है जब आप यह हीट दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर दे रहे हो या एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर दे रहे हो या एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रहे हो यह दो टाइप की हो सकती है एक बार मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एक बार मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या पूरा पेज क्लियर है क्या पूरा पेज क्लियर है पूरे गैसीय सिस्टम का टेंपरेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है हीट कैपेसिटी एक ग्राम का टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक मोल का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है मोलर हीट कैपेसिटी ये दो टाइप की हो सकती है एक कांस्टेंट प्रेशर पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे Adiabatic में क्यू जीरोबारा पढ़ रहे हैं ध्यान से सुन हीट ही मतलब समझ आ गया हाँ सर पूरे गैसियर सिस्टम का टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है डेफिनेशन आपने लिख दिया सर। इसका फॉर्मूला देखना फॉर्मूला फॉर्मूला देखना ये समझ आया ये फॉर्मूला कैसे आया ये ये फॉर्मूला कैसे आया जितनी हीट लगेगी जब ये चेंज इन टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस है उसी हीट को हम हीट कैपेसिटी बोलेंगे उसी हीट को हम हीट कैपेसिटी बोलेंगे ठीक है सर हो गया फार्मूला क्लियर हो गया ये वन डिग्री सेल्सियस है ये वन होगा तो सी इज इक्वल टू डेल्ट क्यू आ जाएगा ठीक है सर हम्म हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया ना ये वाला क्वेश्चन हो गया याद है ना अरे यार जिसके ऑप्शन आज गलत लिखे हुए थे वॉल्यूम हाफ हो गई है स्पेसिफिक हीट हीट स्पेसिफिक ही उतनी ही रहेगी इट विल रिमेन कांस्टेंट ये क्वेश्चन हो गया अगर जो क्लास में शुरू से थे उन्हें पता होगा क्या मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हो गई हाँ सर इस कंटेनर के अंदर एक मोल है एक मोल इसका टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना जितनी ही लगेगी, हीट लगेगी चेंज इन हीट डी ठीक एक मोल है एक मोल एक मोल के लिए एक मोल के लिए सर फॉर्मूला क्लियर है ये वन होगा जितनी हीट लगी है एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वो मोलर हीट कैपेसिटी है सर ये आगे दो टाइप की थी बिल्कुल दो टाइप की थी एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पे एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे और एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी लिखी है मोलर हीट कैपेसिटी नहीं हीट कैपेसिटी लिखी है हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी लिखी है दो दो प्रकार की है दो प्रकार की ये पूरा कंटेनर है हो सकता है इसके अंदर दस मोल है पचास मोल हैं दो मोल है मुझे कुछ नहीं पता इतना पता है कि कुछ है डेल क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम खत्म और अगर यही कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होती तो अगर यही कॉन्स्टेंट प्रेशर भी होती तो ये सीपी हो जाता ये पी हो जाता एट कॉन्स्टेंट प्रेशर खत्म खत्म डेफिनेशन एक बार आपने देख ली डेफिनेशन एक बार आपने देख ली वही डेफिनेशन रहेगी डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगी ये भी हीट कैपेसिटी है बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेंपरेचर बढ़ाना है या फिर वन डिग्री सेल्सियस से कम भी कर सकते हैं जब भी हीट दोगे हीट दोगे अगर अगर प्रोसेस आइसोथर्मल थर्मल नहीं है तो टेंपरेचर बढ़ेगा यार कम कैसे हो जाएगा हीट दे रहे हैं दे रहे हैं गर्म कर रहे हैं तो टेंपरेचर बढ़ेगा अगर प्रोसेस आइसोथर्मल थर्मल नहीं है प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है वो तो पता ही है आ जाओ अब रिलेशन बिटवीन सीपी एंड टीवी सीपी होता है ये अभी अभी लिखा जस्ट अभी अभी लिखा है जस्ट अभी अभी क्या भाई इसको ऐसे लिख दू बोलो हा या ना हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर डीएच होता है ठीक है सर बिल्कुल सही रहे हो तो डीएच इक्वल टू सीपी पी टी आ गया क्या सीपी और सीपीएम का रिलेशन बता सकते हो पहले बताओ सीपी क्या होता है पहले बताओ सीपी क्या होता है पूरे गैसियस सिस्टम का टेंपरेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है जितनी हीट लगेगी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये क्या ये क्या ये क्या सर पूरे गैसियस सिस्टम का एक मोल है या एक मोल गैसियस सिस्टम एक मोल है एक मोल का टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये मोर हीट कैपैसिटी एट कॉन्स्टेंटेंट प्रेशर ये हीट कपैसिटी एट कॉन्स्ट प्रेशर ये मोलर हीट कैपैटी है ठीक है सर दोनों का आपस में रिलेशन ये बोलो भाई ये क्लियर हुआ नहीं सर नहीं क्लियर हुआ अब होगा अब होगा यहां पर मैंने एक मोल लिया बाबू कितना लिया है दोबारा बोलना है एक बार जरा एक मोल और यहां पर मैंने लिया यहां पर यहां पर लिया मैंने दस मोल दस मोल कितना दस मोल यहां पर टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है वन डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है जितनी हीट कैपेसिटी यहां पे लगेगी क्या वो इसका दस गुना होगी क्या वो इसका दस गुना होगी क्या वो इसका दस गुना होगी बोलो यस नो जवाब दो कुछ ना कुछ यस नो नो ही बोल दो बट बोलो तो सही

वैल्यू रखना सर वैल्यू डीएच इज इक्वल टू एन टीपीएम डी टी सर लार्ज चेंज के लिए बताओ डीएच हो गया स्मॉल चेंज लार्ज चेंज डेल्टा एच इज इक्वल टू एन टीपीएम डेल्टा टी सिमिलरली यहां पर भी क्या ये हमने अभी अभी पढ़ा था डेलक्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है आज हमने प्रूव किया अब बार बार इसको लिख क्यों रहे हो हो तो गया वॉल्यूम चलिए ठीक है कोई बात नहीं क्या मैं यहां से लिख सकता हूं डी इज़ इक्वल टू सीवी डी टी क्या मैं सीवी की जगह एन लिख दू हां लिख दू लिख दो डी यू इज इक्वल टू एन डेल्टा यूज इक्वल टू एन डेल्टा टी ठीक बाबू ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सामने लिखा भी हुआ वैसे तो ये दस मोल के लिए या पचास मोल के लिए बीस मोल के लिए अठारह मोल के लिए. डिपेंड कर रहा है कितने मोल ये एक मोल के लिए सीपी हमेशा सीवी से ग्रेटर होता है इनके मैं पहले तो एम लिख देता हूं और फिर बताता हूं क्यों होता है पहले एम लिख देता हूं फिर बताता हूं क्यों होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर होता है डेरिवेशन करना नहीं है हम लोगों को पर इसकी जगह एन सी रखूंगा इसकी जगह एन रखूंगा एन कॉमन निकालूंगा यहां से कैंसल आउट हो जाएगा पता चल रहा है कि सीपी जो है सीपी जो है वो सीवी से ज्यादा है सर क्यों ज्यादा है वो बताओ ना हाँ आ जाओ आ जाओ अब बताते हैं इधर आ जाओ इतना तो पता चल गया कि सीपी जो है वो सीवी से ज्यादा है सीपीएम सीवीएम से ज्यादा है यानी कि सीपी सीवी से ज्यादा है बात तो एक ही है बट क्यों ज्यादा है सर क्यों ध्यान से सुनिए समझिए पहले मैं टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर और एक ये कंट है यहां पर भी टेम्परेचर वन डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहा हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम जाओ भाई आ जाओ दोनों आमने सामने देख लो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये ज्यादा क्यों है ये कम क्यों है आ जाओ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस वॉल्यूम है तो डेल्टा जीरो डन यही होता था माइनस पी डेल्टा वी यस बाबू ये जीरो है तो वर्कडन जीरो हो गया। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आ गया सर क्यू वी भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है जितनी हीट दो गे वो सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा बोलो भाई हाँ या ना जितनी हीट दोगे वो सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी इंटरनल एनर्जी तभी बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है यानी कि जितनी हीट दे रहे हो वो सारी टेम्परेचर को बढ़ाएगी टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा जल्दी बढ़ जाएगा जल्दी बढ़ जाएगा बोलो यस और नो ये पता क्या ये ये पता कौन सी कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन ये वो कंडीशन है जब आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पापा जो हैं वो जस्ट आपके पीछे बैठे हुए उस समय जितना भी इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप और कौन सा बच गया यूट्यूब पे जो बेकार टाइम वेस्ट होना है वो सारा जीरो हो जाएगा सारा जीरो हो जाएगा ठीक जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो दिमाग में अपने आप घुसता रहेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी बोलिए यस और नो ठीक अब इधर आ जाते यहां पर भी वही है सर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो डेल्टा एज चीज इक्वल टू डेल्टा यू ऐसा लिख लो कोई फर्क नहीं है दोनो, दोनों 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 सेम 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 निकाल लो पे जितनी हीट दोगे कुछ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी कुछ डन में चली जाएगी कुछ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी कुछ डन में बढ़ी जाएगी यानी कि इंटरनल एनर्जी कम बढ़ेगी टेम्परेचर कम बढ़ेगा इसका मतलब जो है हीट ज्यादा देनी पड़ेगी हीट ज्यादा देनी पड़ेगी बात समझ आ गई ये कौन सा समय है जब पापा घर पर नहीं है घर वाले घर नहीं हमें किसी का डर नहीं पंद्रह मिनट हम क्लास में लगाते हैं पंद्रह मिनट हम क्लास में लगाते हैं बीस पच्चीस मिनट हम व्हाट्सएप पे स्क्रॉल करके आते हैं फिर वापस आते हैं फिर लगता है समझ नहीं आ रहा यार है ना टीचर कोई पढ़ाना नहीं आता होगा शायद ठीक है फिर हम लिख देते हैं कि एडियाबैटिक में क्यू जो है वो जीरो कैसे हो गया वहां पर तो डेल्टा टी जो है वो जीरो नहीं है ठीक है क्या ये वही कंडीशन है क्या ये वही कंडीशन है क्या ये वही कंडीशन है जितनी हीट दे रहे हो वो इंटरनल एनर्जी को नहीं बढ़ा रही कुछ वर्क डन में भी जाती जा रही है कुछ वर्क डन में जाती जा रही है इसका मतलब हीट सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा नहीं रही इंटरनल एनर्जी कम बढ़ेगी टेम्परेचर कम बढ़ेगा अमर आ गया जी सबको बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ये तो पता चल गया कि सीपी जो है वो ज्यादा होगा सीवी से क्यों होगा वो हमने एक्सप्लेन कर दिया ठीक है सर ये सी पी एम सी एम की जरूरत ही क्यों पड़ी जरूरत ही क्यों पड़ी इसके कारण इसके कारण आज से है ना ये सब क्या होता है पॉइजन रेशो वगैरह हमको कहा पता है? मैं बताता हूं बताता हूं ठीक है पॉइजन रेशो को लिखा जाता है पॉइज़न है ये पॉइजन नहीं है, है ना आज से लगभग सौ सवा सो साल पहले हमें गैसेस के बारे में जानकारी नहीं थी ये कोई भी साइंटिस्ट कोई भी नई गैस जो है डिस्कवर कर लेता था तो उसकी अटोमिसिटी नहीं बता पाता था कि क्या वो मोनोअटोमिक है क्या वो डाइटिक है क्या वो ट्राइटिक है क्या वो एटॉमिक है ना पांच एटम है तीन एटम है दो एटम है एक एटम है ये नहीं बता पाता था नहीं बता था, पाता था उस समय उस समय तो उस समय यूज की जाती थी गामा किसी भी साइंटिस्ट ने किसी भी साइंटिस्ट ने कोई नई गैस डिस्कवर कर ली तो उससे बोला जाता था जा इसका सीवीएम निकाल के ला सीपीएम निकाल के ला सीवीएम निकाल के ला सीपीएम निकाल के ला हम बताएंगे तुझे कि इसमें कितने आइटम है इसमें कितने आइटम है वही पॉइजन रेशो था सीपीएम और सीवीएम की रेशो मोनोअटोमिक गैसेस के लिए एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होगा सर जैसे हीलियम जैसे नियॉन जैसे आर्गन हाँ इस तरह की कहीं सी भी हो सकती है TVM की वैल्यू थ्री बाई टू आर होती है तो सीपीएम कितना होगा सर अभी अभी तो पिछले पेज पे लिखा है सीवीएम प्लस आर लसार दोनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो फाइव बाई टू आर आ जाएगा तो गामा कितना हो जाएगा गामा पी एम बाय सीवीएम फाइव बाई टू आर डिवाइडेड बाय थ्री बाई टू आर डिवाइड करूंगा तो ऊपर चला जाएगा टू से टू गया आर से आर गया फाइव बाई थ्री आ जाएगा ये किसके लिए किसके लिए मोनोअटोमिक गैसेस का गामा कितना आता था 1.66 कोई भी नया साइंटिस्ट आया उसने बोला मैंने ना एक नई गैस डिस्कवर कर ली है मुझे इसकी अटोमिसिटी नहीं पता उसकी सीवीएम निकालता था पी निकालता था फिर गामा निकालता था अगर गामा 1.66 आ जाता था तो वो कह देता था मेरी गैस मोनोअटोमिक है मेरी गैस मोनोअटोमिक है ठीक है और अगर यही डाइटोमिक होती थी या डायटोमिक गैसेस के लिए डाइटोमिक का मतलब ये देखो H2 गैस, N2 गैस O2 गैस ओ टू गैस सी एल टू गैस 2R तो CPM कितना होगा That is CVM बाई टू आर में आर ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो सेवन बाई टू आर आ जाएगा तो गामा कितना आ जाएगा CPM माइनस सीवीएम को इससे डिवाइड करोगे टू से टू कैंसल आउट आर से आर कैंसल आउट सर सेवन बाय फाइव आ जाएगा सर वन पॉइंट फोर आ जाएगा इसी गैस का अगर गामा निकालते थे वन पॉइंट फोर आता था तो हम कहते थे गैस डाइएटॉमिक होती है डाइटोमिक एटॉमिक या एटॉमिक के लिए भी ये यूज किया जा सकता है ये हो गई जैसे ओजोन इसका सीवीएम आता था थ्री आर तो सीपीएम कितना होगा थ्री आर प्लस आर गामा कितना हो जाएगा ऊपर फोर आर नीचे थ्री आर आर से आर कट गया वन पॉइंट थ्री थ्री अगर किसी गैस का गामा वन पॉइंट थ्री थ्री आ जाता था तो हम कहते थे सीपी माइनस सीवी टू आर बाय कैसे आया ये सर एक पी वाई क्यू है नंबर ऑफ मोल्स दे दिए अब तुम कर लेना भाई अप्रॉक्सीमेटली थ्री आवर्स हो चुके हैं आप ऑलिटॉमिकली वन वॉइट थ्री थ्री यूज कर सकते हैं बाबू बोला था मैंने कि आप वीडियो में दोबारा सुन सकते हैं आपको सीवीएम की वैल्यू कहां से मिली क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं कर लिया तुमने क्वेश्चन ज़्यादा मतलब कि पूछ लिया तुमने है भाई ये एक मोल गैस ली मैंने इसका टेम्परेचर चेंज वन डिग्री सेल्सियस लाना है मेरे को मैंने इसको हीट दी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितनी हीट आई वही सीवीएम है भाई डेफिनेशन भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफी उच्च कोटि के होते जा रहे हैं क्वेश्चन भी आइए जरा सबसे पहले अभी पोल की स्थिति देखें सौम्य के बारह क्वेश्चन सही हैं सूफियान के ग्यारह विश्वजीत के ग्यारह फैजल हैं विवेक हैं ईशान हैं ऑक्टो हैं मानवी नाज़नीन सौम्य चाह बहुत सारे हैं जी है ना यों के रैंक अब भी होते जा रहे हैं एप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स का टाइम हो गया है मेरे ख्याल से एक छोटा सा ब्रेक आप लोगों को देते हैं ताकि जिन्होंने डिनर करना हो वो कर ले ठीक है नहीं तो दूसरा ब्रेक काफी लेट मिलेगा दो ही ब्रेक दिए जाते हैं मेरी क्लास में आपको जनरली पता है ठीक है अभी टाइम हुआ है लगभग 8:03 ठीक है सी यू एट 5825 लास्ट मौका है जी है ना हर्मोडाइनामिक्स करने का करना हो तो आपकी इच्छा नहीं तो 2025 में भी एग्जाम होगा नीट का उसमें भी आप कर सकते हैं कोई ऐसी जल्दी नहीं है हा जिनको 2024 में करना हो उनके लिए लास्ट चांस है 2025 वालों के लिए अभी बहुत सारा समय बचा है वो तब भी कर सकते हैं ठीक है मेरे ख्याल से किसी भी चीज की शुरुआत करना और अंत करने में डिफरेंस इतना ही होता है शुरुआत बहुत सारे लोग करते हैं अंत सिर्फ जो है वो विनर्स करते हैं ठीक है थीके? तो मिलते हैं आप सबसे एट ट्वेंटी फाइव पे ठीक है शेर आ गया सर ये वही वाला है क्या इंस्टाग्राम वाला शेर जो ऐसे कर करता है शेर ये वही वाला है, वही वाला है क्या है भाई वही वाले शेर हो क्या जो काफी फनी फनी वीडियो पोस्ट करता रहता है पड़ेगा बढ़िया 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 डेल्टा टी जीरो होने से डन जीरो क्यों नहीं होता कह है भाई, सही कह रहे भाई बताएंगे इसके ऊपर रिसर्च चल रही है यह रिसर्च आज शाम को पांच बजे खत्म हो गई थी पांच से आठ बजे के बीच में बता दी हुई है शुरू करें भाई लोग बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं अब हमें पढ़ना है चार चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वर्क इंटरनल एनर्जी एंड वर्क हो गया हीट, इंटरनल एनर्जी एंड एंथाल्पी अलग अलग प्रोसेस में इनके फॉर्मूले क्या होंगे सबसे पहले हमें पढ़ना है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में पहले बता दो तीनों वर्ड का मतलब समझ आ गया क्या तीनों वर्ड का मतलब समझ आ गया आइसोथर्मल सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा रिवर्सिबल सर रिएक्शन बहुत धीरे धीरे हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्वलीब्रियम में है एंड थर्ड क्या लिखा हुआ है एक्सपेंशन पहले वॉल्यूम कम थी अब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसमें चारों चीजें फाइंड आउट करनी है वर्गन भी हीट भी इंटरनल एनर्जी भी और एंथलपी भी आइए तर सबसे पहले सबसे आसान डेल्टा यू क्योंकि टेम्परेचर चेंज जीरो है टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा डेल्टा यू क्या आएगा जीरो सेकेंड क्या इसका W कहा? वर्क का हां डन का फॉर्मूला होगा माइनस एन आर नेचुरल लॉग क्या है ये नेचुरल लॉग V2 टू वी वन मान लो क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम नहीं दे रखी है प्रेशर दे रखा है तो हम सबको पता है होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस यानी पर लिखा हुआ है वहां पर पी वन बाय पी टू लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग को जब भी ओपन करते हैं तो आता है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग बेस टेन तो आप चाहे तो नेचुरल लॉग को ओपन करके टू पॉइंट थ्री जीरोक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा यस W पता चल गया है बस उसमें माइनस का साइन लगा दो तो क्यू पता चल जाएगा माइनस लगाऊंगा तो यहां पर प्लस हो जाएगा एन आर नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन एन आर नेचुरल लॉग ऑफ पी वन बाय पी टू सर डेल्टा एच कैसे पता चलेगा भाई डेल्टा यू क्या होता था सर एन सीवीएम डेल्टा टी डेल्टा यू क्या था एन सीवीएम डेल्टा टी डेल्टा टी जीरो था तो डेल्टा यू भी जीरो आ गया सिमिलरली डेल्टा एच भी क्या होता है एन सी पी एम डेल्टा टी डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा एच भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा सर ये बात हो रही है एक्सपेंशन के बारे में मान लो पेपर में क्वेश्चन आया क्वेश्चन आ गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन के बारे में तो साइन ऑपोजिट कर देना साइन ऑपोजिट कर देना जहां माइनस नजर आ रहा है वहां प्लस कर देना जहां प्लस नजर आ रहा है वहां माइनस कर देना कंप्रेशन के लिए क्या करना साइन चेंज कर देना चेंज कर देना चेंज अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बस दो फॉर्मुले यहां पे दे रखे हैं एक ये उसी से ये निकल जाएगा क्योंकि साइन ऑपोजिट है और एक ये ठीक है आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का ठीक है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का अभी क्वेश्चन करेंगे करेंगे ना और ये भी समझ गए होंगे मी एंड मी बॉय बो, माई बॉय ट्राइंग टू तो मेमोराइज वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है फिजिक्स में बट केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, है ना जैसे केमिस्ट्री में ही वो ओ ना? है ना केमिस्ट्री होती ओपी है ऑन द सिस्टम वाला पॉजिटिव होगा और फिजिक्स वो आपको पता ही है जैसे केमिस्ट्री ओपी है वैसे जो फिजिक्स होती है वो वैसे ही जो फिजिक्स होती है वो बीपी होती है ना फिजिक्स पढ़ते हो बीपी अपने आप हाई हो जाता है ना वहां पर बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग आइसोथर्मल रिवर्सिबल नहीं आइसोथर्मल इिवर्सिबल एक्सपेंशन है रिवर्सिबल और इ का डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं आज इसमें सारे फॉर्मूले बताइए सर इसमें भी सारे फॉर्मूले बताइए पहला दूसरा सबको क्लियर है डेल्टा यू यहां पर भी जीरो होगा डेल्टा यू यहां पर भी जीरो होगा बिकॉज डेल्टा यू किसके बराबर था एन सीवीएम डेल्टा टी एन सीवीएम डेल्टा टी डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू जीरो होगा डेल्टा एच एन सी पी एम डेल्टा टी डेल्टा टी जीरो है, तो डेल्टा एच भी जीरो होगा। सर वर्क डन का फॉर्मूला एन आर टी वन माइनस पी टू बाई पी वन और सर फिर वही क्यू का कितना हो गया डेल्टा यू किसके बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू ये जीरो है जीरो जीरो तो क्यू किसके बराबर आ गया माइनस डब्ल्यू माइनस ये जो W का फॉर्मूला दे रखा है बस इसमें साइन माइनस का लगा दो आपको Q का फॉर्मूला पता चल जाएगा सर ये P1 क्या है ये P2 क्या है P1 है इनिशियल प्रेशर P2 है फाइनल प्रेशर फाइनल या ध्यान रखना P2 है फाइनल प्रेशर आप किसी गैस को एक्सपैंड कर रहे हो पहले प्रेशर पी वन था यहां पे वो सेम होगा तभी तो ये पिस्टन रुकेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं सर नहीं तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होता पिस्टन ऊपर जाता जाता बाहर का प्रेशर ज्यादा होता पिस्टन नीचे आता रहता तो ये जो पीटू है पीटू वो जितना फाइनल प्रेशर है अंदर का उतना ही बाहर का है इसका मतलब P2 पता क्या है P एक्सटर्नल P2 क्या है P एक्सटर्नल आपने हमें सिखाया आइसोथर्मल इसिबल एक्सपेंशन पेपर में आ गया आइसोथर्मल इवर्सिबल कंप्रेशन तो कंप्रेशन के लिए साइन क्या कर दीजिएगा चेंज कर दीजिएगा साइन क्या कर दीजिएगा चेंज कर दीजिएगा जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव कर देना जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव कर देना का माइनस पी एक्सटर्नल होता है वेल well डन अंकुर ठीक है और मैंने वही लिखा है बाबू ठीक है बस वैल्यू रखी है वी किसके बराबर हो जाएगा बाबू है ना अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट बच्चे कम होते हैं और मैं सच में कह रहा हूं आपकी बार मजाक नहीं कर रहा हूं वी टू टू तो वी टू किसके बराबर हो जाएगा बाबू NRT आर टी बाई अगर ये पी वन वी वन होता वी वन की जगह क्या आ जाता NRT आर टी बाई वही लिखा बाबू मैंने वही लिखा बस आपने NRT को कॉमन निकाल दिया वेल well डन अच्छा क्वेश्चन था तभी मैंने तुम्हारा नाम भी लिया प्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस पहली बात एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है गैस एक्सपेंड हो रही है बट सर फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है फ्री एक्सपेंशन का मतलब है गैस एक्सपेंड होती जा रही है 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 बाहर कोई चीज है ही नहीं बाहर कोई चीज है ही नहीं कोई रोकने वाला है ही नहीं घर पे अगर कोई रोकने वाला ना हो तो तुम लोग जब रायता फैलाते हो बस उसे फैलाते ही जाते हो फैलाते ही जाते हो फैलाते ही जाते हो यहां पर भी ऐसा हो रहा है गैस एक्सपैंड हो रही है बाहर कोई गैस है ही नहीं बाहर कोई गैस है ही नहीं कभी भी ये पिस्टन रुकेगा ही नहीं रुकेगा ही नहीं रुकेगा ही नहीं यानी कि बाहर का प्रेशर जीरो है इसका मतलब एक्सपेंशन वैक्यूम में हो रहा है अंदर गैस है बाहर कुछ है ही नहीं अंदर गैस है बाहर कुछ है ही नहीं तो क्या वर्क डन जीरो आ गया बिल्कुल सर वर्क डन का फॉर्मूला था माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, पी एक्सटर्नल कितना है जीरो तो डन कितना हो गया जीरो ठीक क्यू भी क्या होगा जीरो डेल्टा यू भी क्या होगा जीरो डेल्टा एच भी क्या होगा जीरो फ्री एक्सपेंशन जब भी वैक्यूम में होगा सारी चीजें क्या होंगी जीरो ब्रैकेट वाला साइन चेंज कैसे होगा ठीक है बेटा जब एक्सपेंशन होता है वीटू माइनस वी वन ये बड़ा होता है डेल्टा भी पॉजिटिव होता है और जब कंप्रेशन होता है वीटू लेस देन वी वन होता है तब डेल्टा वी नेगेटिव होता है डेल्टा वी का साइन चेंज होगा डब्ल्यू का साइन चेंज हो जाएगा लास्ट को शुरू से देखें सारी चीजें समझ आएंगी आइसो कोरिक प्रोसेस में क्या आइसो कोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी जीरो था क्या वर्क डन जीरो हो जाएगा यस क्या डेल्टा यू क्यू के बराबर हो जाएगा यस आप चाहो तो इसको क्यू वी भी, भी लिख सकते हो दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम सर तो इसका फॉर्मूला आप बता चुके हो एन सीवीएम डेल्टा टी बहुत सही डेल्टा एच क्या था सर क्यू टी जो कि डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू भी था ठीक है सर उसको सॉल्व करके आपने ये बता चुके हो बहुत सही में प्रेशर जीरो होता है प्रेशर गलत बोल दिया चेंज इन प्रेशर जीरो होता है चेंज इन प्रेशर जीरो होता है प्रेशर थोड़ा जीरो होता है चेंज इन प्रेशर जीरो होता है डेल्टा यू है एन ईवीएम डेल्टा टी डेल्टा एच पता ही है एन ई पी एम डेल्टा टी कौन सा रह गया क्यू रह गया ना तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू क्यू कौन सा है क्यू पी है क्यू पी ये ना ये डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच ठीक आगे बढ़े कभी भी आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हो क्या दिया हो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हो और आपसे एरिया पूछा जाए क्या पूछा जाए एरिया पूछा जाए सॉरी वर्क डन पूछा जाए वर्क डन इन पीवी ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है क्या होगा वो एरिया के बराबर होगा क्या होगा एरिया के बराबर होगा जैसे 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 मान लीजिए यहां कर देता हूं नीचे कर देता हूं क्वेश्चन अगर आपको ये ग्राफ दे रखा है पीवी का कभी भी अगर आपसे वर्क डन पूछा गया है तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए क्या हमें एरिया निकालना आता है ट्रायंगल का यस सर दैट इज दाफ इंटू बेस इन दी हाइट कितनी है दैट इज एबी क्या हम ए भी निकाल सकते हैं हाँ सर इनिशियल वॉल्यूम पता हो फाइनल वॉल्यूम पता हो निकल जाएगा क्या ए भी निकाल सकते हैं इनिशियल प्रेशर पता हो फाइनल प्रेशर पता हो हम ए भी निकाल सकते हैं सर अगर यही अगर यही ऐसा होता सर ऐसा ऐसा होता ए बी सी डी बेटा तब भी एरिया निकाल लेते तो उसमें कौन सी बड़ी बात है क्या आपको रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकालना आता लेंथ इन टू ब्रेथ सर यह स्क्वायर होता तो बेटा लेंथ का स्क्वायर हो जाता है ना कोई भी हो बस आप सर सर मान लो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है मान लो कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है जैसे ट्रायंगल है जैसे ये रेक्टेंगल है स्क्वायर है ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है नहीं है नहीं है फिर कैसे निकालते तरीका तो सेम ही रहेगा जैसे ये देखिए ये देखिए ए से बी जा रहा है ये देखिए ये देखिए ये, ये 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 ये, ये। बिल्कुल क्लियर जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको वर्क डन निकालना है पीवी ग्राफ में वो एरिया के इक्वल है एरिया कैसे निकालेंगे वर्क डन मॉड में निकाल रहा हूं मैं दैट इज हाफ इंटू ए सी इंटू ए बी बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ए सी कैसे निकलेगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम वी बी माइनस बी ए बी कैसे निकलेगा फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर ये वाला निकल जाएगा पी बी माइनस पी बस सॉल्व हो जाएगा उसमें कौन सी बड़ी बात है मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग प्रोसेस में इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है ठीक है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है start. हम सबसे कर रहे पहले कर रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या कर रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ठीक है तो पीवी ग्राफ कुछ ऐसा होगा तो हमने पढ़ा है बॉयल स्ला का यही ग्राफ होता था बहुत बढ़िया ये है आइसो थर्मल एक्सपेंशन इसमें पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है जिससे पी वन वी वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ठीक है सर ठीक है ठीक है सर अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है एडियाबैटिक बेटा उसका भी ग्राफ का नेचर सेम रहेगा ग्राफ सेम नहीं है ग्राफ का नेचर सेम रहेगा उसे थोड़ा नीचे आएगा सर, दोनों में फर्क किसका है स्लोप का सर क्यों स्लोप का डिफरेंस है क्योंकि इसकी स्लोप जो है वो वन से दी जाएगी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम की पावर वन है इसमें होता है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट गामा की वैल्यू ग्रेटर देन वन है गामा की वैल्यू ग्रेटर देन वन है ठीक है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है मुझे बताओ इसमें डन ज्यादा होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में सर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अगर वर्क डन निकालना है अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन निकालना है तो ये एरिया आएगा ये आप मत लिखना ये वाला एरिया समझाने के लिए बता रहा हूं एरिया थोड़ा ज्यादा है और अगर एडियाबैटिक में निकालना होता है एडियाबैटिक में थोड़ा कम आता है ये पिंक वाले के नीचे आता है ठीक है ऑब्वियसली तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाले में एरिया ज्यादा आ रहा है तो वहां वागडन जो होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा मान मान लो माल लो आइसोकोरिक 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 प्रोसेस होती आईसो कोरिक, आईसो कोरिक में वॉल्यूम रहता है ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकता ठीक है यहां पर वागडन जीरो है सर बिल्कुल देखो ये स्टेट लाइन है बिल्कुल बिल्कुल स्टेट लाइन है आपको पता है यहां पर कोई एरिया आएगा ही नहीं सर आइसोबैरिक होता आइसोबैरिक होता आइसोबैरिक में ऐसा तो क्योंकि आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है वॉल्यूम तो चेंज हो रही है बट प्रेशर चेंज नहीं हो रहा यहां वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही बट प्रेशर चेंज हो रहा है पहले प्रेशर ज्यादा था अब प्रेशर क्या है कम ये आइसोकोरिक है सबसे ज्यादा एरिया कहां पे आ रहा है सबसे ज्यादा एरिया कहां पे आ रहा है तो सबसे ज्यादा एरिया यहां पे आ रहा है आइसोबारिक एक्सपेंशन में यहां पर वर्क डन सबसे ज्यादा है फिर उससे कम आइसोथर्मल में उससे कम एडियाबेटिक में आइसोकोरिक कोरिक में तो पता ही है डेल्टा वी जीरो होता है तो वर्गन जीरो होता है इन चारों को याद रखने के लिए आप यह याद रख सकते हैं बत्तक बत्तक बी है बैरिक आइसो बैरिक एक्सपेंशन है आइसो थर्मल एक्सपेंशन ए है एडिया बैटिक एक्सपेंशन टी है आइसो कोरिक एक्सपेंशन एक। पी टी का ग्राफ से डन का फॉर्मूला क्या होगा PV इक्वल टू एनआरटी लगा लेना वहां से पी डेल्टा भी निकाल लेना डन आ जाएगा PV ग्राफ का एरिया चेंज इन वर्क डन होता है बेटा आपने वर्क डन लिखा है थैंक यू बेटा बताने के लिए उज टी टू कामवर्क में लड़ी जल्दी से बताइए एक गिवन मास ऑफ गैस है ठीक है एक्सपैंड कर रहा है रिवर्सिबली फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी बाय थ्री पाथ, पाथ वन टू एंड थ्री कंपेयर द वर्क डन कंपेयर द वर्क डन जल्दी जल्दी बताइए कहां वर्क डन ज्यादा होगा कहां वर्क डन कम होगा सर ए से बी अगर इस रास्ते से जाएंगे तो ये वाला एरिया सबसे ज्यादा है वर्क डन सबसे ज्यादा होगा टू वाले पाथ में एरिया कम है वर्क डन थोड़ा कम होगा थ्री वाले पाथ में एरिया सबसे कम है वर्क डन सबसे कम होगा तो वर्क डन वन इज ग्रेटर is वर्क डन टू इज ग्रेटर ठीक वन इज ग्रेटर बेटा वेल डन शाह बातों को आप सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है ये क्वेश्चन भी करके दिखाइए जी न्यूमेरिकल है थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहा हूं वर्क डन ड्यूरिंग आइसो रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ वन मोल ऑफ एन आइडल गैस 10 एटीएम टी एम टू वन ए कितना होगा माइनस एन आर नेचुरल लॉग ऑफ पी वन बाई पी टू एक्सपेंशन है ना हाँ पी वन टू पी टू माइनस ऊपर चला जाएगा एन की वैल्यू कितनी है वन आर की वैल्यू कितनी है 25 फाइव बाई थ्री की वैल्यू कितनी है एन आर टी है ना थ्री तो थ्री और थ्री कट जाएगा हंड्रेड ट्वेंटी बस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ये वर्क डन माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग को ओपन करेंगे तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आ जाता है बिल्कुल एन की जगह वन आर की जगह ट्वेंटी फाइव बाई थ्री पी की जगह थ्री हंड्रेड लॉग ऑफ पी वन बाई पी टू पी वन बायपी और टेन की वैल्यू वन होती है लॉग टेन की वैल्यू वन होती है तो ऑब्वियसली फाइव थाउजेंड से अब आएगा थोड़ा सा फाइव थाउजेंड से थोड़ा सा अब आएगा ठीक है तो फाइव थाउजेंड से थोड़ा सा अब यही आंसर है भाई इतना हो जाएगा माइनस फाइव सेवन फोर फोर पॉइंट वन जू ठीक एस सी एस सी ऑप्शन नंबर हाँ नाइनटी टू परसेंट बच्चों का सही है जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आइए एनसीआर का क्वेश्चन है एडियामेटिक प्रोसेस है नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्यू तो जीरो हो गया चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन अच्छा फ्री एक्सपेंशन हो रहा है ये देखो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है अंडर एडियामेटिक कंडीशन यू जीरो है सर प्री एक्सपेंशन में सब कुछ जीरो होता था डेल्टा डी भी जीरो होता था डब्ल्यू भी जीरो होता था क्यू भी जीरो होता था यू भी जीरो होता था ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करने का मजा कुछ और है ना अरे वाह इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू मोनोटॉमिक गैसेस ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मिक्सड रेशियो पूछी हुई है सीपी और सीवी की आओ सी पी मिक्सचर का पता किसके बराबर होता है एन वन सी पी वन एन टू सीपी टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू आपने दो अलग अलग गैसेस को मिक्स किया पहले के मोल्स के दूसरे के मोल्स पहले का सीपी दूसरे का सीपी डिवाइडेड बाई टोटल थ्री आ जाता सर फोर होती यहां एन फोर आ जाता ऊपर एन फोर सीपी फोर आ जाता ठीक है सर ठीक है इसी तरह से टीवी मिक्सर फिर आई एम सो सॉरी एक्सक्यूज टीवी के लिए भी ऐसे ही करेंगे और गामा भी ऐसे ही करेंगे सीपी मिक्सचर आई सीवी मिक्सचर वॉल्यूम सेम है टेम्परेचर और प्रेशर पे तो मोल्स भी सेम होंगे यानी कि ये भी वन है ये भी वन है ये भी वन है ये भी वन है वन इंटू सी वन जल्दी जल्दी बताना यार जल्दी जल्दी बताना सी वन कितना होगा मोनोटॉमिक गैस के लिए सर थ्री बाय टू आर थ्री बाय टू आर डिवाइडेड बाय वन प्लस वन सर सी पूछा था तो फाइव बाय टू आर फाइव था वो थ्री बाय थ्री बाई टू आर डिवाइडेड बाई वन प्लस वन क्या सीपी मिक्सचर निकालूंगा सीवी मिक्सचर निकालूंगा आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा टू टू सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा क्या ये फाइव बाई थ्री ही बच जाएगा क्या वन पॉइंट सिक्स सिक्स ही होगा क्या यही है आंसर सर वन पॉइंट सिक्स सेवन है एक ही बात है को जब राउंड ऑफ करते हैं तो यही आता है ट 2021 का क्वेश्चन है हाँ भैया विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है जब सी और सी वी वन बोल के लिए तो ये सीपी थोड़ा है सर ये सी है ये सी थोड़ा है सर ये सीवीएम है सीपीएम माइनस सीवीएम आर के बराबर होता था आर के बराबर होता था सीपीएम ये 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 नहीं नहीं है ये है 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 लिखा हुआ ना एक मोल के लिए आंसर ऑप्शन नंबर जिसे A बोलेंगे आप लोग बहुत बढ़िया नाइन्टी फोर परसेंट बच्चों का सही है <laughs> आपने जितने भी अभी क्वेश्चन कराए मैंने कराए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए आइसोथर्मल इन एक्सपेंशन के लिए आइसोबैरिक के लिए आइसोकोरिक के लिए अब मुझे कराना है बेसिकली रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए एडियाबैटिक के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए दैट इज रिलेशन पी का टी के साथ पी का वी के साथ वी का टी के साथ ठीक है वो ये रहा इसके लिए ये रिलेशन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी और वी का रिलेशन है यानी कि पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा मैं रिपीट कर रहा हूं यह प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है एड रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए सर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन पी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि टी वन v1 की पावर गामा माइनस -1 इज इक्वल टू t2 v2 की पावर गामा माइनस -1 t1 इनिशियल टेम्परेचर है t2 फाइनल टेम्परेचर है v1 इनिशियल वॉल्यूम है v2 फाइनल वॉल्यूम है गामा तो आपको पता ही है पॉइसन रेशियो सर किसका बच गया टेम्परेचर और प्रेशर का p p की पावर 1 गामा गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट p1 p1 की पावर 1 गामा गामा इज इक्वल टू t2 टू की पावर वन माइनस गामा अपॉन गामा ठीक है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए भी वही चारों चीजें फाइंड आउट करनी है Q डेल्टा U W और डेल्टा सर एडियाबैटिक प्रोसेस है सर Q जीरो होगा वेल्डन well बेटा सर डेल्टा U का फॉर्मूला बताओ थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने एन टीवीएम डेल्टा टी जहां पर सीवीएम है वहां पर आर पॉन गामा माइनस वन भी लिख सकते हैं कैसे 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 प्रूफ कर रहा हूं प्रूफ कर रहा हूं क्या ये आज हमने प्रूफ किया है यस yes. क्या सीवीएम से दोनों तरफ डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड से भी मैंने सीवीएम से डिवाइड किया राइट हैंड साइड पे भी मैंने सीवीएम से डिवाइड किया क्या ये गामा आ गया यस yes. क्या ये वन आ गया यस yes. तो जहां सीवीएम लिखा हो क्या मैं वहां पर आर अपॉन गामा माइनस वन लिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकते हैं सर एन आर अपॉन गामा माइनस वन डेल्टा टी सर डेल्टा एच का फॉर्मूला पता है हम लोगों को एन सी डेल्टा टी सर डन नहीं बताया आपने डन बेटा डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू अगर Q जीरो है तो डेल्टा U और W बराबर होंगे डेल्टा U और W बराबर होंगे ये भी लिख सकते हो एनआर गामा माइनस वन डेल्टा टी फॉर्मूला भाई एक ही है एक ही है तो बस उसको चारों से रिलेट कर रखा है जिनको लग रहा है ये चार फॉर्मूले हैं, उनके लिए अचार डाला गया है जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा उनको मरेगा मिलेगा नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम इर रिवर्सीबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए सेम फॉर्मूले लिखने हैं भाई सेम फॉर्मूले सेम सेम टू सेम कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन करोगे अब अब क्वेश्चन करोगे आओ करो मेरे साथ टू मोल ऑफ एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं दो गामा भी दे रखा है वन पॉइंट फोर अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली अच्छा रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ठीक है फ्रॉम वन लीटर टू थर्टी टू लीटर पहले वॉल्यूम है वन लीटर बाद में वॉल्यूम हो गई है थर्टी लीटर पे ये क्या दे रखा है टेम्परेचर पहले कितना दे रखा है सेवन डिग्री सेल्सियस बेटा फाइव ट्वेंटी सेवन कितना टू सेवेंटी थ्री ऐड करोगे एट हंड्रेड कैलविन हो जाएगा, जाएगा। आपसे मोलर एन चेंज पूछा हुआ है डेल्टा एच इज इक्वल टू एन पीपीएम डेल्टा टी सर क्या गामा वन पॉइंट फोर है इससे पता चल गया कि ये गैस डाया yes. इससे ये पता चल गया कि सीपीएम की वैल्यू सेवन बाई टू आर होगी हाँ सीपीएम था उसमें ऐड करेंगे सर हमें एक मोल के लिए निकालना है एन वन रखूंगा सीपीएम ये रखूंगा समझ गए ना मोलर एन थाल पूछा है एक मोल के लिए पूछा है ये मत कहना कि दो मोल दे रखा है भाई एक मोल के लिए पूछा है मोलर का मतलब होता है एक के लिए एन रखूंगा सीपीएम भी पता चल गया डेल्टा टी सर डेल्टा टी होता है टी टू माइनस टी वन सर टी वन भी दे रखा है बस टी टू निकाल लो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सर कैसे निकाल लो भाई ये रिवर्सिबल एडियामेटिक एक्सपेंशन है अभी अभी सिर्फ पांच से सात मिनट पहले ये फॉर्मूला बताया टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन टी टू वी टू की पावर गामा माइनस वन टी वन आठ सौ है वी वन कितना बेटा वन वी टू कितना है थर्टी टू इधर ले आऊंगा माइनस वन टी टू आ जाएगा तो आप ऐसा भी कर सकते थे आप करना जा रहे आ, क्या बोलूंगा इसे गामा कितना वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर माइनस वन क्या हम यहां से टी टू निकाल सकते हैं ये कितना होता है यार टू की पावर कितना करूं बताना जरा टू की पावर फाइव होगा ना टू वन जो टू का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा फोर टू की पावर थ्री करूंगा तो एट फिर सिक्स हाँ ये सही है सर टू की पावर फाइव इंटू पॉइंट फोर ही वन पॉइंट फोर में से वन 1 गया टू 1 की पावर फाइव को मल्टीप्लाई करना टू की पावर पॉइंट फोर से सर फाइव को पॉइंट फोर से कर दो ना कितना होता है फाइव को पॉइंट फोर से करो तो टू होता है ठीक तो टी टू किसके बराबर आ गया एट हंड्रेड इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टू का स्क्वायर आता है, टू का स्क्वायर फोर टू तो हंड्रेड आ जाएगा रख दो भाई वैल्यू। ये 1, ये कितना था, कितना था? टी कितना होगा टू हंड्रेड माइनस एट हंड्रेड सेवन बाई टू आर माइनस सिक्स हंड्रेड थ्री हंड्रेड आ जाएगा 300 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी वन हंड्रेड आ जाएगा ट्वेंटी नंबर बी बी बेटा बी एक मोल के लिए निकालना है एक मोल के लिए अगर यही दो मोल के लिए पूछा होता तो आंसर फोर्टी टू हंड्रेड आ रहा था माइनस में एक क्वेश्चन नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन का है ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे होमवर्क में क्वेश्चन कैसे दे दिया गया दोबारा क्वेश्चन क्यों दे रखा है यही वाला थोड़ी देर पहले हो गया ना क्वेश्चन हाँ हो गया ये क्वेश्चन सर दो मोल है इतनी बार समझा दूं कि क्वेश्चन में मोलर एंथाल्पी पूछा हुआ है मोलर का मतलब होता है एक मोल के लिए निकालना है आ, लिखे जाओ लिखे जाओ दो मोल है दो मोल दो मोल है दो मोल है दो मोल है, है लिखे जाओ पंद्रह करोड़ बार लिखो फिर आंसर चेंज करूंगा भगवान कुछ जाने ऐसे बिहेव कर रहे हैं हाँ कोई गलती सिली मिस्टेक हो सकती है मुझसे भी हो सकती है तुमसे भी हो सकती है बट कुछ जाने ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि 2035 के लिए तैयारी हो रही है 2024 के लिए नहीं 2035 के लिए एसिस के बारे में बात कर रहे हैं एसिस कहता है यार ध्यान से सिर्फ सुनिए समझिए मान लीजिए आपको ए से डी बनाना है। सीधा बना लो इसका डेल्टा कुछ भी मान लेता आया। जूल किलो जूल जूल मान लेता हूं चलिए एक तो यह तरीका है कि ए से डी सीधा बना लो बना लिया सर एक ही स्टेप में बनाया और एक ये तरीका है कि पहले ए से क्या बनाओ बी फिर बी से क्या बनाओ C से क्या बनाओ D इसका डेल्टा एच आया डेल्टा एच वन इसका डेल्टा एच आया डेल्टा एच टू इसका डेल्टा एच आया डेल्टा एच थ्री यह है इक्वेशन वन टू थ्री मैंने तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया कर दिया सर कर दिया कर दिया जैसे ही ऐड करूंगा रिएक्टेंट सारे ऐड हो जाएंगे प्रोडक्ट सारे ऐड हो जाएंगे रिएक्टेंट में भी बी है प्रोडक्ट में भी बी है कैंसिल आउट हो जाएगा रिएक्टेंट में भी सी है प्रोडक्ट में भी सी है कैंसिल आउट हो जाएगा क्या दोबारा यही बन गया है यहां पर भी ए से डी बना है एक स्टेप में यहां पर भी ए से बी बना है तीन स्टेप्स को ऐड करके जब आप रिएक्शंस को ध्यान से सुनना जब आप रिएक्शंस को एड करेंगे तो डेल्टा एच बी एड हो जाएगा डेल्टा एच बी एड हो जाएगा यही हैसी स्लॉ है अगर आप रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो डेल्टा एच बी एड हो जाएगा ठीक है ठीक है थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ छोटे छोटे लॉज हैं इन्हीं के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है पहला लॉ मैंने ये बता ही दिया क्या बताया मैंने यहां पे अगर आपने रिएक्शन को ऐड किया तो उनका डेल्टा एच ऐड हो जाएगा यही लिखा यही बताऊंगा अगर आपने रिएक्शन को क्या किया है एड उनके डेल्टा एच भी हो जाएंगे एड ए गिव्स यू बी था इसका डेल्टा एच डेल्टा एच वन था बी गिव्स यू सी था इसका डेल्टा एच डेल्टा एच टू था आपने दो को कर दिया आड़. जब एड करेंगे जब करेंगे, तो रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट reactant वाली साइड ऐड हो जाएंगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाली ऐड हो जाएंगे तो डेल्टा एच बी ऐड हो जाएगा डेल्टा एच बी ऐड हो जाएगा सेकेंड लॉ क्या है ये क्या कहता है किसी रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या करेंगे सब? बेटा सब्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं या रिवर्स भी बोल सकते हैं हम किसी रिएक्शन को किसी रिएक्शन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या रिवर्स कर रहे हैं सिर्फ कर रहे हैं या रिवर्स कर रहे हैं तो उसका डेल्टा एच भी रिवर्स हो जाएगा डेल्टा एच का भी क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा करके कर दिखाओगे बिल्कुल मान लीजिए कोई रिएक्शन थी जब सी से e बन रहा था, इसका डेल्टा एच है प्लस 500 जूल बट अगर आपने रिवर्स कर दिया रिवर्स का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया या और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जगह आ गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जगह तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा माइनस फाइव जूल थर्ड रिएक्शन ऐड करेंगे एच ऐड होगा रिएक्शन सब्रैक्ट होंगे या रिवर्स होंगे तो डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा अगर आपने स्टोशियोमेट्रिक को किसी से मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई तो डेल्टा एच को भी उसी से मल्टीप्लाई कर देना तो मैं समझा नहीं मैं समझा रहा हूं मान लीजिए कोई रिएक्शन है टू बी यू थ्री सी इसका डेल्टा एच है एक्स जूल ये है ना सोशियोमेट्रिक ऑफिशियंट बी का कितना है टू सी का कितना है थ्री आपने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया और बी सिक्स सी इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा ये फोर हो जाएगा इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा ये सिक्स हो जाएगा इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा सर उसको भी टू से मल्टीप्लाई कर देना टू जूल हो जाएगा सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा अप्लाई कर रहा हूं अगर मैंने कहीं पे को डिवाइड कर दिया टू से डिवाइड किया थ्री से डिवाइड किया फाइव से डिवाइड किया तो डेल्टा एच को भी उसी से क्या कर देना डिवाइड कर देना सर जैसे टू बी गिव्स यू थ्री सी इसका डेल्टा एच है एक्स जूल आपने सोशियोमेट्रिक को, को टू से डिवाइड कर दिया इसको भी टू से डिवाइड करूंगा इसको भी टू से डिवाइड करूंगा तो डेल्टा एच भी टू से डिवाइड हो जाएगा तर ये वन हो जाएगा। हाँ ये थ्री बाई टू हो जाएगा हाँ कोई बात नहीं ठीक आइए अलग अलग एंथाल्पिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यही सारी में में से और में से और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप पिछला इतिहास देखेंगे कंपैरिजन करेंगे ये इस चैप्टर का सबसे आसान हिस्सा है और मैक्सिमम इंपॉर्टेंट हिस्सा है ठीक है आपने कभी अगर एनालिसिस किया होगा फिजिकल केमिस्ट्री का तो आपने ये बात पाई अगर किया है नहीं किया होगा तो आपको लगेगा कि टीचर पता नहीं क्या बोल रहा है बीस साल हो गए पढ़ाते हुए बट पता नहीं क्या बोल रहा है ठीक है अगर आपने कभी एनालाइज किया होगा आपने ये बात पाई होगी फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर के जो हाफ पोर्शन के बाद वाला हिस्सा है बड़ी मॉडर्न लाइन बोल रहा हूं समझ उन्हीं को आएगी जिन्होंने कभी एनालाइज किया होगा चैप्टर के हाफ पोर्शन बाद का जो हिस्सा है मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आते हैं कोई देख लो। में ये बात पार्शली ट्रू है अटोमिक स्ट्रक्चर में हंड्रेड परसेंट ट्रू है थर्मोडाइनमिक्स में यह बात हंड्रेड परसेंट ट्रू है इक्विलिब्रियम में यह बात हंड्रेड परसेंट ट्रू है सॉल्यूशन में यह बात हंड्रेड परसेंट ट्रू है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पार्शली ट्रू है आ, केमिकल कैनेटिक्स में एट्टी टू 90 परसेंट ट्रू है अरे तो है ही छोटा सा चैप्टर इस कारण मैंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं बच्चा बता रहा है एक सौ अट्ठारह में से बासठ क्वेश्चन इसी में से ये आसान पोर्शन भी है और इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है ठीक है चलिए आइए आइए इसी कारण कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा समझिएगा शुरू का पोर्शन थोड़ा जो है वर्गन वाला वाला उसमें फॉर्मूले ज्यादा है इसमें तीन या चार फॉर्मूले में पूरे टॉपिक में तीन या चार फॉर्मूले सिर्फ तीन होंगे चार होंगे पता नहीं अब मेरे को माइंड में आ नहीं रहा जैसे से करता जाऊंगा तो पता चलेगा हो सकता है पांच निकल आए बट उसी पांच फॉर्मुले के अंदर पूरी की पूरी थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी ठीक है स्टैंडर्ड इंथाली ऑफ फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा एक मोल कंपाउंड बनाना है आपको कहां से बनाना है एलिमेंट से ऑब्वियसली कंपाउंड बनते कहां से हैं एलिमेंट से और वो एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में होना चाहिए एलिमेंट्री स्टेट मतलब जैसा नेचर में पाया जाता है एक मोल कंपाउंड बनाएंगे एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट से जो भी एंथाल्पी चेंज आएगा उसको बोलेंगे एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन सर मुझे कुछ समझ नहीं आया आप समझ आएगा ना तो पहले H2O के लिए समझाता हूं एक मोल वाटर बनाना है सर कहां से बनाओगे अरे इसके एलिमेंट कौन से हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में लेने हैं हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है सर H2 गैस ऑक्सीजन की एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है टू गैस ऑक्सीजन गैस होती है हाइड्रोजन भी गैस होती है एक मोल के हिसाब से बैलेंस कर दो सर यहां वन आएगा यहां हाफ आएगा इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वो क्या कहलाएगा एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी वाटर की किसकी वाटर की सर एक और एग्जांपल, एक, एक और बिल्कुल आइए आइए वन मोल एच बनाना है मुझे क्या बनाना है एच ठीक है कहां से बनाऊंगा हाइड्रोजन एलिमेंट्री स्टेट में क्लोरीन एलिमेंट्री स्टेट में हाइड्रोजन कैसे पाया जाता है सर गैस गैस क्लोरीन कैसे पाया जाता है गैस. है ठीक हाइड्रोजन एलिमेंट्री स्टेट में है? तक दिया क्लोरीन एलिमेंट्री स्टेट में बैलेंस किसके हिसाब से करना है वन मोल के हिसाब से वन तो यहां पर हाफ एच टू होना चाहिए यहां पर हाफ सी एल टू होना चाहिए वो कहलाएगा एंथलपी ऑफ किसका एच सी एल का एग्जाम्पल एक एक दे दो बिल्कुल दे देंगे वन मोल अमोनिया बनाना है क्या अमोनिया कहां से हाइड्रोजन इन एलिमेंट्री स्टेट और नाइट्रोजन भी एलिमेंट्री स्टेट में नाइट्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट नाइट्रोजन गैस होती है हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट एच टू गैस होती है वन मोल के हिसाब से बैलेंस करना है तो यहां पर हाफ एंड टू आएगा तीन हाइड्रोजन चाहिए तो यहां पर थ्री बाई टू आएगा इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा चाहेगा वो क्या लाएगा मेरे ख्याल से तीन तीन एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कर दिए हैं ठीक है यह बात आपको समझ आ गई होगी एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपने पढ़ा दिया ये क्या है स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बनाया जाएगा जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बनाया जाएगा सर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं टेम्परेचर टू नाइनटी एट कैलवेन एंड प्रेशर वन एटीएम सर आपने जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब आपने एस टीपी को बोला था स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वहां पर टेम्परेचर आपने टू सेवेंटी थ्री कैल्विन लिखवाया था अब टू नाइनटी एट कैल्विन कह रहे हो दोनों अलग अलग चीजें हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है एस टीपी या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर ये स्टैंडर्ड कंडीजन है टेम्परेचर और प्रेशर की ये रूम टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर ये टू नाइनटी एट कैलविन होगा ठीक सर स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैसे लिखा जाएगा ऐसे ये लिख दूंगा ये ये तो स्टैंडर्ड ऑफ़ फॉर्मेशन हो जाएगा स्टैंडर्ड 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 मतलब ये रिएक्शन कहां पे हो रही होगी जब टेम्परेचर 298 नाइनटी होगा और प्रेशर 1 एटीएम होगा प्रेशर 1 एटीएम होगा ठीक मुझे जल्दी से एक बात बताइए मुझे जल्दी से एक बात बताइए एच बी आर बनाना है, गैस की फॉर्म में हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट क्या होती है एच टू गैस वन बनाना है तो यहां पर हाँ आएगा। और देखना ध्यान ध्यान से से देखना से, ब्रोमीन की क्या होती है पाया जाता है वैसे ब्रोमीन एलिमेंट्री स्टेट में लिक्विड में पाया जाता है तो ये बी आर टू लिक्विड आना बी आर टू गैस नहीं बी गैस अगर बी आर टू गैस लिख दिया तो इसका डेल्टा एच जो होगा वो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच बी आर नहीं होगा क्योंकि ब्रोमीन की स्टेट बी लीकुण है। लीकुण, लीकुण, अब इसका डेल्टा एच जो होगा वो एंथल ऑफ एच बी आर स्टैंडर्ड कंडीशन पे किया होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बोल देंगे ठीक आइए एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन के एम लिखते हैं फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं दे धनाधन पहला जितने भी एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट स्टेट में पाए जाते हैं तर हर एक एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में पाया जाता है हाइड्रोजन भी हीलियम भी है ना कभी तो कभी तो पाया जाता है ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट हैव स्टैंडर्ड ऑफ़ फॉर्मेशन जीरो जीरो कितना जैसे हाइड्रोजन के एलिमेंट्री स्टेट बताओ सर H2 गैस इसका डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन जीरो हीलियम की एच गैस सर लिथियम की एल आई सॉलिड सर सोडियम की एन ए सॉलिड सर ऑक्सीजन की ओ टू गैस सर सी एल टू की सी एल टू गैस बी आर टू की बी आर टू लिक्विड आयोडीन की आयोडीन सॉलिड पाया जाता है I2 सॉलिड इन सब का डेल्टा नॉट फॉर्मेशन जीरो होगा जीरो होगा जीरो होगा आप तो उनके लिए बता रहे हो जो एक एलिमेंट एक ही फॉर्म में पाया जाता है जैसे हाइड्रोजन है वो H2 गैस में पाया जाता है बट सर जिनके एलोट्रॉप पाए जाते हैं जैसे कार्बन है कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म में भी पाया जाता है कार्बन डायमंड में भी पाया जाता है कार्बन जो है फुल रेंज में भी पाया जाता है उनके लिए क्या करोगे उनके लिए मोस्ट कॉमन या मोस्ट स्टेबल मोस्ट कॉमन या मोस्ट स्टेबल फॉर्म का डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन जीरो दे रखा है जैसे कार्बन का ग्रेफाइट कार्बन डायमंड का डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन जीरो नहीं है कार्बन ग्रेफाइट का डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन क्या है जीरो फॉस्फोरस की भी तीन फॉर्म पाई जाती है व्हाइट जिसको येलो भी बोल देते हैं रेड या ब्लैक यहां पर वाइट के बारे में बात हो रही है या येलो भी लिखा हो सकता है बात एक ही है व्हाइट और येलो एक ही ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है इसकी इसका डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन जीरो होगा सर सल्फर सल्फर की भी कई फॉर्म होती है सल्फर का रोम्बिक वाला डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन क्या होगा जीरो होगा ठीक <coughs> मुझे जल्दी से बताइए किस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन होगा सीओ टो का ऊपर वाला या नीचे वाला यहां पर कार्बन ग्रेफाइट लिया मैंने यहां पर कार्बन डायमंड लिया कौन से वाला करेक्ट है ऊपर वाला या नीचे वाला एक मोल कंपाउंड को बनाना है एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में होने चाहिए कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट कार्बन ग्रेफाइट है ऑक्सीजन की गैस है है तो सर सर रिएक्शन का जो डेल्टा एच नॉट होगा वो ऑफ ऑफ फॉर्मेशन यहां पर कार्बन एलिमेंट्री स्टेट में नहीं है कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट कार्बन ग्रेफाइट होती है कार्बन डायमंड नहीं, नहीं होती है नहीं होती है नहीं होती है ठीक सेकेंड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रिएक्टेंट दे रखा है उसका एक्स है ये प्रोडक्ट दे रखा है उसका स्टोशियोमेट्रिक भी डेल्टा एच नॉट पूछ लिया जाए इसका भी स्टैंडर्ड ऑफ़ फॉर्मेशन दे रखा है इसका भी दे रखा है तो एक्स इन टू स्टैंडर्ड फॉर्मेशन प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा

इए एनसीआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथालपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दे रखा है पता है ना स्टैंडर्ड एंथालपी ऑफ फॉर्मेशन में एक मोल के लिए करना है एलिमेंट होने चाहिए एलिमेंट्री स्टेट में नाइट्रोजन के एलिमेंट्री स्टेट एन गैस है हाइड्रोजन के एलिमेंट्री स्टेट H2 गैस है यहां पर आप आ जाएगा बेटा यहां पर 3 बाई टू आ जाएगा इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है किलो जूल पर मोल आपसे एंथाल्पी चेंज इसका पूछा हुआ इसका टू एन एच गैस एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस हमने लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा है सबसे पहली बात बताइए क्या हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है प्रोडक्ट जो था वो यहां रिएक्टेंट में आ गया जो रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट में आ गया है यस yes. सर जैसे ही रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं ये साइन ऑपोजिट हो जाता है साइन ऑपोजिट हो जाता है यानी कि माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा ठीक सर दूसरी बात स्टोशियोमेट्रिक कोफिशियंट को आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया को आपने से मल्टीप्लाई कर दिया है कर दिया है ठीक है? तो से मल्टीप्लाई अगर आपने कर दिया है टू से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो स्टोशो डेल्टा इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सर इसको भी टू से कर देंगे सर वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज वन किलो जूल आराम से आराम से बट सर आंसर इन्होंने आंसर इन्होंने जूल पर मोल में दे रखा है पर मोल में दे रखा है ये तो पूरी रिएक्शन के लिए है ना एक मोल के लिए कितना हो जाएगा सर टू से डिवाइड कर दूंगा टू से डिवाइड कर दूंगा जैसे ही टू से डिवाइड करूंगा क्या नाइनटी वन पॉइंट एट हो जाएगा किलो जूल पर मोल कुछ बच्चे कह रहे हैं डी मेरे ख्याल से आंसर तो होना चाहिए वन ये क्या कर दिया इन्होंने ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिए ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिया अच्छा है। ये जूल में है ये किलो जूल में है जूल में हमारा तो किलो जूल में आया ना तो फिर टू है सर जीरो लॉ क्या है फिजिक्स वाले सर से पूछना बेटा केमिस्ट्री का कभी सिलेबस पढ़ना समय मिले तो जिंदगी में कभी टाइम मिले पता चलेगा जीरो लॉ जो है तो हमारे सिलेबस में है नहीं हमारे सिलेबस में थर्ड लॉ थर्मोडाइनेमिक्स है जब फिजिक्स का सिलेबस पढ़ेंगे तब आप देखेंगे उसमें थर्ड लॉ थर्मोडानेमिक्स नहीं पढ़ा होगा लिखा होगा हो वो केमिस्ट्री के सिलेबस में फर्स्ट और सेकंड दोनों में ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन सी दे रखी है

क्या इक्वेशन वन को एज इट इज रखू और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दू मैंने अभी भी बोला था सब्ट्रैक्ट करना या रिवर्स करना बात एक ही होती है बात एक ही होता है तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन थर्ड बन जाएगी बोलो हाँ ना एज इट इज रखू फर्स्ट इक्वेशन रख ली सर कार्बन ग्रेफाइट प्लस ओ टू यू सीओ टू गैस इसमें से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दी सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है रिवर्स करना रिवर्स का क्या मतलब है जो प्रोडक्ट है सेकेंड का उसे रिएक्टेंट में लिख दो जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में लिख दो देखो जरा क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा सर कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट गया हाफ ओटू से ये वन ओ टू था वन ओ टू हाफ चला जाएगा वन ओ टू में से हाफ ओ टू चला जाएगा तो क्या हाफ ओ टू बच जाएगा बिल्कुल क्या हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई थर्ड इक्वेशन यही बननी थी यही बननी थी बताओ फिर इसका डेल्टा एच कैसे निकलेगा फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रखी है तो उसका डेल्टा एच भी एज इट इज रख दूंगा सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करिए सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट का मतलब है साइन चेंज कर देना ये माइनस वाई प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा माइनस वाई थर्ड इक्वेशन जेड इज इक्वल टू

डेल्टा एच नॉट किसके बराबर आएगा पहले एंथलेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ़ प्रोडक्ट प्रोडक्ट में कौन है सीओ सीओ का मल्टीप्लाई करूंगा सोशियोमेट्रिक इन वन स्टैंडर्ड एंथाली ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच टू एच टू का कितना दे रखा है भाई माइनस टू फोर्टी वन माइनस स्टैंडर्ड स्टैंडेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ़ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में CO2 है उसका सोशियोमेट्रिक ऑफिशन वन हैच टू सर ये एलिमेंट element है एलिमेंट्री स्टेट में एलिमेंट element है एलिमेंट्री स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेशन जीरो होता है सर जीरो 241 और 110, 341, 341 में 1.3523 uh, uh, 352.3 आ जाएगा। उसमें से प्लस कर दो 393.5 सर अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास आंसर आ जाएगा प्लस में 40 के आसपास आंसर प्लस में ये रहा 41.2 क्या है ये किलो जूल में किसमें किलो जूल पर किलो जूल पर मोल ठीक एक क्वेश्चन अब आप करेंगे होमवर्क में नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ कमस्टन एंथाल्पी ऑफ कमस्टन ऐसे लिखा जाएगा स्टैंडर्ड होगा तो ऐसे लिखा जाएगा ठीक है सर सर इसमें बताइए क्या करेंगे वन मोल कंपाउंड वन मेल नहीं है सर वन मोल है जी वन मोल कंपाउंड का कंबशन कराएंगे कंबशन का मतलब है कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे प्रोडक्ट बनेंगे ऑब्वियसली जो भी एंथाल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा एंथाल्पी ऑफ कंबशन एक मोल कंपाउंड लिया उसका कंबस्टन कराया जो भी एंथाल्पी चेंज जा आएगा उसे बोलेंगे एंथाल्पी ऑफ कंबस्टन अगर यही स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कराया है तो स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ कंबस्टन सर एग्जांपल दीजिए बेटा कौन सा कंपाउंड रखे सर मीथेन रख लो लो भाई मीथेन का करा दो कंबस्टन सर किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन कराते हैं तो हमेशा सीओ और एच तो बनता ही बनता है बिल्कुल इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वो एंथलपी ऑफ कंबशन होगा मीथेन का स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड ऑफ कंबशन हो जाएगा सर एक एग्जाम्पल और बिल्कुल बार इथाइन का करा दो इथाइन का लो वन मोल इथाइन का कराया बनेगा टू गैस एच टू इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा हम उसे बोलेंगे एंथाली ऑफ कंबशन एंथाली ऑफ कंबशन किसका सी टू एच टू का अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे कराया तो स्टैंडर्ड एंथल्पी ऑफ कंबशन बोल देंगे ठीक आइए इसके भी छोटी सी ही चीज है चलो तो एक क्वेश्चन पूछता हूं पहले पहले क्वेश्चन पूछता हूं देखते हैं आप दिमाग कितना लगाते हैं मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कंप्लीट स्टेटमेंट क्या यह ट्रू है या फॉल्स है कार्बन ग्रेफाइट का मैंने कंबशन कराया बन गया सीओ टू इस रिएक्शन का डेल्टा एच एंथल ऑफ कंबशन होगा कार्बन ग्रेफाइट का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है तो ऑफ हो जाएगा इसमें तो देखो कोई गलती है नहीं मैं आगे पूछ रहा हूं ये देखो ध्यान से सोच के समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं टाइम पास नहीं कर रहे हैं क्या इसी रिएक्शन के डेल्टा एच को एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूं सीओ टू का बोलो हाँ या ना हा स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है ट्रू है फॉल्स है देखिए यहां तक तो ट्रू है ही यहां तक तो ट्रू है ही उसमें कोई दोहरा है ही नहीं मैं ये पूछ रहा हूं क्या एंथाल्पी ऑफ कमर्शन ऑफ ग्रेफाइट को एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीओ टू बोल सकते हैं 99 बच्चों का आंसर सही है ये स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है क्यों सर पहले कंबेशन के बारे में बात कर रहे हैं क्या एक मोल कंबन हो रहा है कार्बन ग्रीफाइड का हो रहा है ऑफ 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 बोलेंगे बोलेंगे क्या फॉर्मेशन फॉर्मेशन बोल सकते हैं सर कैसे बोलेंगे? कभी भी में वन मोल कंपाउंड का बनना चाहिए सर वाकई वन मोल बन भी रहा है किससे बन रहा है एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट सर बिल्कुल सही है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एमआईटी लिखते कोई रिएक्शन है एक्स आर गिवस यू वाई पी ध्यान से सुनना ध्यान से दोबारा बोल दू ध्यान से सुनना ध्यान से अगर क्वेश्चन के अंदर इंथाल्पी ऑफ कंबशन गिवन है क्या बोला दोबारा बोलो दोबारा बोलो मेरे साथ बोलो अगर क्वेश्चन के अंदर एंथल्पी ऑफ कंबशन गिवन है तो फॉर्मूला एंथाल्पी ऑफ कंबशन का लगेगा फॉर्मेशन गिवन है फॉर्मेशन का लगेगा हाइड्रोजिनेशन गिवन है हाइड्रोजिनेशन का लगेगा सॉल्यूशन गिवन है सॉल्यूशन का लगेगा जो भी गिवन है उसी का फॉर्मूला लगेगा उसी का जो क्वेश्चन में गिवन है फॉर्मूला उसी का लगेगा जो क्वेश्चन में गिवन है उसी का फॉर्मूला लगेगा अगर कंबशन गिवन है तो फिर वही एंथाल्पी ऑफ कंबशन रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होता तो पहले प्रोडक्ट था फिर रिएक्टेंट था कंबशन है तो पहले रिएक्टेंट है फिर प्रोडक्ट है पहले रिएक्टेंट फिर फिर वही यहां पर स्टोशोमेट्रिक ऑफिशन वाई है प्रोडक्ट का रिएक्टेंट्स का एक्स है सम्मिशन तो आना ही आना है हिंदी में कहीं साइड में लिख लो क्वेश्चन में जो गिवन है फॉर्मूला उसी का लगेगा फॉर्मेशन गिवन है फॉर्मेशन का कमर्शन गिवन है कमर्शन का हाइड्रेशन गिवन है हाइड्रेशन का सॉल्यूशन गिवन है सॉल्यूशन का हाइड्रोजिनेशन गिवन है हाइड्रोजिनेशन का ठीक है आइए क्वेश्चन देखिए जिससे यह कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा आपको स्टैंडर्ड एंथल ऑफ कम्बन कार्बन ग्रेफाइड का गिवन है कम्बशन हाइड्रोजन गैस का गिवन है कम्बशन मीथेन का गिवन है आपसे पूछा हुआ है फॉर्मेशन पूछा हुआ है फॉर्मेशन फॉर्मेशन में हमेशा वन मोल कंपाउंड का बनाते हैं एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट कार्बन की एलिमेंट्री स्टेट ग्रेफाइट होती है हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट H2 गैस होती है बैलेंस कर लिया हमने गिवन क्या है कंबशन तो फॉर्मूला कंबशन का लगेगा सर हमें फॉर्मेशन पूछा हुआ है तुझे नई बात समझ आई मैंने क्या बोला जो गिवन है फॉर्मूला उसी का लगा लगेगा कंबशन गिवन है कंबशन का फॉर्मेशन गिवन है फॉर्मेशन का हाइड्रेशन गिवन है हाइड्रेशन का सर हमें कंबशन गिवन है तो कंबशन का ही फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला क्या था कंबशन का पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्स है तो एक्स लिखेंगे प्रोडक्ट का सोशियोमेट्रिक कॉफिशेंट y है y तो y लिखेंगे आओ भाई यहां पर रिएक्टेंट का सोशियोमेट्रिक कॉफिशेंट 1 इसका इंथाल्पी ऑफ कमर्शन कितना गिवन है माइनस एक्स प्लस हाइड्रोन का सोशियोमेट्रिक कॉफिशेंट 2 इसका एंथाल्पी ऑफ कमर्शन माइनस वाई लो भाई रिएक्टेंट हो गए सर सारे माइनस प्रोडक्ट प्रोडक्ट का सोशियोमेट्रिक कॉफिशेंट वन इसका एंथलपी ऑफ कमर्शन माइनस एट माइनस एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड जेड माइनस एक्स माइनस टू वाई किसमें जूल में तो आंसर भी किसमें किस आ जाएगा किलो जूल में ठीक म क्वेश्चन है पूछने का तरीका अलग है आपकी बार फॉर्मेशन गिवन है ठीक है और पूछा देखो कमशन हुआ है ना कमशन हुआ है ना पूछा कमशन सर हमें नहीं मैटर करता क्या पूछा हुआ जो है जो गिवन है उसी उसी हिसाब हिसाब से जो गिवन है से जल्दी से बताओ फॉर्मेशन में क्या था सर पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट इसका फॉर्मेशन कितना है माइनस वाई है. प्लस सोशोमेट्रिक ऑफिशन टू इसका एंथालपी ऑफ फॉर्मेशन कितना गिवन है ये z है z z माइनस z तो वही प्रोडक्ट हो गए सर अब रिएक्टेंट इसका सोशोमेट्रिक ऑफिशन वन इसका स्टैंडर्ड एंथालपी ऑफ फॉर्मेशन ये रहा माइनस एक्स सर इसका सोशोमेट्रिक ऑफिशन टू सर इसका स्टैंडर्ड ऑफ एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं गिवन है अरे भाई ये एलिमेंट element है एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है जीरो 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 तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस वाई माइनस टू जेड ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा सर आंसर आ गया एक्स माइनस वाई माइनस टू जेड है किलो जूल में तो ये भी किलो जूल पर मोल जाएगा नेक्स्ट एंथल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन दो ही एंथालपी में सबसे ज्यादा टाइम लगना था एंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथाल्पी ऑफ कम्बस्टन सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी एंथल में इन्हीं दोनों में से आते हैं फॉर्मेशन और कंबस्टन बट बाकी सारी बतानी है तो डेफिनेटली बताएंगे वन मोल अनसेड कंपाउंड है सर अनसेचुरेटेड क्या होता है जिसमें में कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन hydrogen डालेंगे और वन मोल सैचुरेटेड कंपाउंड बनाएंगे उसे क्या बोलते हैं एंथाल्पी चेंज को एंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन सर अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होगा तो स्टैंडर्ड एंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोल देंगे उसमें क्या सर एग्जांपल देंगे बिल्कुल ना चलिए इथीन ले लीजिए इथीन ये होता है सी डबल बॉन्ड सी वन एच टू डालेंगे बन जाएगा सी एच थ्री सी एस थ्री तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगी सैचुरेटेड का मतलब है कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगी तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोजन डाल के जो इंथालपी चेंज आएगा उसे बोलेंगे इंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजीनेशन किसका सी टू एच फोर का सर तो तो एक और एग्जाम्पल बिल्कुल आपकी बार प्रोपाइन ले लीजिए लीजिए प्रोपाइन ले लीजिए यहां पर एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना था तो एक एस टू लगा यहां पर दो पाई बॉन्ड पता है तो दो लगेंगे सर यहां पर पांच पाई बॉन्ड होती पांच एस टू लगते तीन पाई बॉन्ड होती तीन एस टू लगते उसमें कौन सी बड़ी बात है एस थ्री एच टू एस थ्री इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा चाहेगा वो कहलाएगा लाएगा ऑफ हाइड्रोजीनेशन एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच सर इसका फॉर्मूला बताइए न्यूट्रिकली बताऊंगा हमेशा याद रखिएगा जितनी भी गिवन है कंबशन को छोड़ के हमेशा फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कंबशन को छोड़ के अभी बॉन्ड एनर्जी भी आनी है बट कंबशन को छोड़ के फॉर्मूला हमेशा क्या होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस सर कंबशन में क्या होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ठीक है सर एंथाल्पी ऑफ हाइड्रो हाइड्रेशन वो हाइड्रोजिनेशन था एक मोल एनहाइड्रस कंपाउंड को हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाने के लिए सर हाइड्रेटेड कैसे बनेगा हाइड्रेटेड कैसे बनेगा बस थोड़ा सा पानी के छींटे मारने ऐसा नहीं करना कि एनहाइड्रस कंपाउंड लिया उसको बाल्टी में डाल के होली के रंग की तरह घुमा दिया मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं यहां पर एनहाइड्रस कंपाउंड लिया उसके ऊपर सिर्फ पानी के छींटे मारे जैसे कोई बेहोश हो जाता है ठीक है और बन जाएगा 1 मोल हाइड्रेटेड कंपाउंड <laughs> हाइड्रेटेड कंपाउंड इस रिएक्शन का जो डेल्टा चाहेगा वो एंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा कर एग्जाम्पल दीजिए ये देखिए क्या आपको पता है कॉपर सल्फेट जब एनहाइड्रस होता है तो वो वाइट कलर का होता है देख रहे एनहाइड्रस मतलब उसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है नहीं है नहीं, नहीं। व्हाइट होता है और ये एन हाइड्रस कॉपर सल्फेट है इसमें वाटर डालेंगे थोड़ा सा पानी लेंगे कुछ तो छींटे मारेंगे इसके ऊपर और ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू यह है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है सर आपने इसे बैलेंस नहीं किया है ये देखिए यहां पर फाइव है नहीं लिखना है जब भी हाइड्रेटेड को बैलेंस करेंगे ये एच टू ओ नहीं लिखने हैं नहीं लिखने हैं नहीं लिखने हैं ठीक है इस रिएक्शन का जो डेल्टाच आएगा वो क्या लाएगा एनथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन कॉपर सल्फेट का सर एक और एग्जाम्पल बनता है आइए बेटा ठीक है ये सोडियम सल्फेट इस है राइट नाउ वाटर डालेंगे ये दस मॉलिक्यूल लेता है पर मॉलिक्यूल एन ए टू एस ओ फोर डॉट टेन टू ओ इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वो कहलाएगा डेल्टा एच हाइड्रेशन एन ए टू एस ओ फोर का ठीक सोडियम सल्फेट <coughs> ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं इसे, जी बिल्कुल सर इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है यहां पर क्या था आपने एनहाइड्रस कंपाउंड लिया और उसके ऊपर सिर्फ कुछ छींटे मारी बूंदें की बूंदों की पानी के बूंदों की और वो हाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कैसा है ये बिल्कुल होली के रंगों की तरह है एनहाइड्रस कंपाउंड लेंगे उसे बाल्टी के अंदर डाल के घुमा देंगे पूरा का पूरा तो बन जाएगा दैट इज सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाएगा सर जैसे एन सॉलिड लिया उसको पानी में डाला ऐसा भी कर सकते हैं कॉपर सल्फेट वाला एग्जाम्पल देता हूं कॉपर सल्फेट सॉलिड में अब पानी की बाल्टी के अंदर डाला बन जाएगा कॉपर सल्फेट एक्वस इसका एंथाल्पी चेंज जो आएगा वो कहलाएगा एंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं हाई ड्रेशन में क्या था ये भी सॉलिड था और ये भी सॉलिड ही है ये भी सॉलिड था ये भी सॉलिड ही है यहां पर सॉलिड से ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है क्लास कब स्टार्ट हुई है थोड़ी देर पहले ही हुई है बेटा सिर्फ पांच दस मिनट ही हुए हैं। तुमने थोड़ा पांच दस मिनट का मिस कर दिया है बाकी तुम्हें समझ आ जाएगा इंटेलिजेंट लग रहे हो तुम बातों से आइए ऑफ क्या होगा नाम से ही पता चल रहा है नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें चीजें क्या हो जाएंगी जो भी चीजें वो क्या हो जाएगी आयोनाइज हो जाएगी आयोनाइज आय में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे आपने नमक को पानी में डाला और ये NaCl एक्वस नहीं बना रहा एन ए पॉजिटिव एक्वस बना रहा है आयन में कन्वर्ट हो गया और क्लोराइड आयन भी एक्वस बना रहा है ठीक थी? है जी क्या बोलेंगे इंथालपी ऑफ आयोनाइजेशन छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं सबसे ज्यादा टाइम लगाना था हमने फॉर्मेशन पे और कंबेशन पे फॉर्मेशन पे और कंबस्टन पे ठीक कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एस टू ओ प्लास्टर ऑफ पैरिस होता है नहीं बेटा ये बात सुनने के बाद मुझे अपने दिमाग में को प्लास्टर ऑफ पैरिस में डालना पड़ेगा आइए। ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नाम पढ़ो नाम क्या लिखा हुआ है? एलोट्रॉप का ट्रांसफॉर्मेशन है एक एलोट्रॉप से दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट करना है सर जैसे 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 ये वही था ना कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एस टू को बोल रहा है क्या बोल रहा है भाई क्या बोला था भूल तो बोल भी गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बेटा एक्सपेरिमेंट तुम्हें अपने घर पे करके देखना है ये तुम्हारे लिए है स्पेशल तुम्हें क्या करना है घर से मम्मी या पापा का है ना कोई भी डायमंड के रिंग होगी डायमंड के टॉपस होंगे ठीक है उसको कार्बन ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर देना है ठीक है एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा अगली बार से ऐसी कोई गलतियां नहीं करोगे अगर जिंदा बच गए तो अगर जिंदा बच गए तो क्योंकि जब डायमंड से ग्रे फाइट में कन्वर्ट करोगे तो हड्डियों का चूरा तो अपने आप हो ही जाएगा हे भगवान मेरी पहली बलि कबूल करना भगवान मुझे माफ करना भगवान माफ करना पहली बली कबूल करना भगवान ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉपर सल्फेट को बोल रहा था भगवान इसका डेड वर्ट प्लास्टर बना दो भगवान आइए है ना डायमंड को ग्रेफाइट में ठीक है डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन है कौन सी डायमंड से ग्रेफाइट बनाने की इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है फॉस्फरस वाइट से फॉस्फरस रेड बना रहे हो तो ये भी एंथाल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन है फॉस्फोरस रेड व्हाइट से फॉस्फोरस रेड की या डायमंड से ग्रेफाइट की ठीक एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है वन मोल सॉलिड लेंगे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट वन मोल लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे जितना एंथालपी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे हम इंथालपी ऑफ फ्यूजन सर इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है वन मोल लिक्विड का लेंगे लाइक एच टू ओ लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे वन मोल गैस में लाइक एच टू ओ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट जितना एंथाल्पी चेंज आएगा उसे बोलेंगे एंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन सर ऑफ सब्लिमेशन क्या है फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है वेपोराइजेशन में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है और सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है जो भी एंथाल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये ऑब्वियसली अगर बात करें तो उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो सॉलिड सबलाइमेबल सॉलिड होते हैं जो हीट करने पर सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं हीट करने पर सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं सर कुछ सबलाइमेबल सॉलिड्स के नाम बता सकते हैं आप बिल्कुल एक तो सबलाइमेबल सॉलिड का एग्जाम्पल भी आपने जस्ट दो दिन पहले देखा है पूरे इंडिया की न्यूज बनी है ये देखा ना वो गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर में उन्होंने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड्स दे दी थी है ना ग्राहकों को ठीक है जो भी वहां पर कस्टमर आए थे और उनकी पूरी जीप वगैरह जल गई कईयों की फूड पाइप जो है जल गई है ना तो पता होना चाहिए था देने वालों को भी और अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूं लेने वालों को भी थोड़ा सा बेसिक चीजें शायद हम सबको पता होनी चाहिए कि वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी ड्राई आइस थी है ना जैसे ही उन्होंने वो टंग पे रखी सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई गैस में जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है एब्जॉर्ब वही टंग से उन्होंने हीट क्या कर ली एब्जॉर्ब कर ली इतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली कि बिल्कुल ठंडी पड़ गई होगी जो भी टिश्यूज वगैरह होंगे वो डेड हो गए होंगे बर्न हो गए होंगे बिल्कुल सुना तो होगा सबने ना एक्सपेंशन है ना तो यहां पर यह माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा करेक्शन कर लीजिएगा और कौन सा अमोनियम क्लोराइड भी एक सबलाइमेबल सॉलिड होता है सर आयोडीन भी एक सबलाइमेबल सॉलिड होता है सर तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं एलोट्रॉप में ग्रेफाइट से डायमंड नहीं हो सकता बिल्कुल हो सकता है जैसे डायमंड से ग्रेफाइट हो सकता है वैसे ग्रेफाइट से डायमंड हो सकता है पेंसिल की जो निब होती है उसको भी डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं सबलीमेशन में रियलिटी में है क्या पहले फ्यूजन होगी फिर वेपोराइजेशन होगी दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड कर देंगे तो इसी के ऊपर बेस एक क्वेश्चन दे रखा है एन सी आर टी एग्जाम्पलर में आइए इसका आंसर देते हैं एंथाली ऑफ सब्लिमेशन सब्सटेंस का किसके बराबर होता है एंथल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पहले सॉलिड से लिक्विड में फिर लिक्विड से गैस में दोनों को ऐड कर देंगे तो इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओहो बहुत सारे बच्चों का सही है तो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट बच्चों का सही है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंथाल्पी ऑफ सॉरी एंथल्पी किसकी बोलती फॉर्मेशन uh, और कम्बन की उसके बाद यही इंपॉर्टेंट है दैट इज बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी सर बॉन्ड एनर्जी होती क्या है पहले ध्यान से सुनिएगा समझिएगा वन मोल मोल डाई एटॉमिक कंपाउंड है आइसोलेटेड गैसियस एटम्स दिया क्या इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वही बॉन्ड एनर्जी गलाएगी समझाता हूं समझाता हूं समझाएंगे डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी ध्यान से देखिए क्या हमने वन मोल एक डायऑटोमिक कंपाउंड लिया है गैसियस स्टेट में यस yes, सर वन मोल डायटोमिक है और गैसियस स्टेट में है गैसियस स्टेट में इसको किसमें कन्वर्ट करना है आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में H2 का मतलब क्या है एक H और दूसरे H ने एक H और दूसरे H ने आपस में क्या बना रखी है बॉन्ड बना रखी है ठीक है तो क्या होगा इस बॉन्ड को तोड़ देंगे जो भी डेल्टा एच आएगा वो क्या क्या बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच सर एक एग्जांपल और बिल्कुल वन मोल ओ टू गैस लेंगे यहां पर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या बना रखी है बॉन्ड बना रखी है ठीक है तो क्या होगा यहां पर दोनों ऑक्सीजन को अलग अलग कर देंगे आइसोलेटेड इस रिएक्शन का जो डेल्टा आएगा वो क्या कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ टू गैस कहलाएगा ठीक है जी कभी भी अगर बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो क्या दे रखी हूं कभी भी बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हो और डेल्टा एच निकालना हो बॉन्ड एनर्जीज दे रखी हो और डेल्टा एच निकालना हो जैसे एंथाल्पी ऑफ कंबशन में रिएक्टेंट पहले आता था वैसे ही यहां पर भी वैसे ही यहां पर भी रिएक्टेंट में रिएक्टेंट पहले आएगा रिएक्टेंट पहले आएगा एक्स इन बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की एक तो कंबशन में रिएक्टेंट पहले आता है एक बॉन्ड एनर्जी में रिएक्टेंट पहले आता है बाकी सब में प्रोडक्ट पहले आता है चाहे फॉर्मेशन हो चाहे हाइड्रोजिनेशन हो चाहे सॉल्यूशन हो कुछ भी हो ठीक है हमेशा प्रोडक्ट पहले आता है बस इन्हीं दोनों में आता है वाई इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट वाई इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ठीक है एक लाइन मैंने आपको गुरु मंत्र बोला था क्या कि आपको यह नहीं देखना है कि क्या पूछा गया है फॉर्मूला हमेशा उसी के हिसाब से लगेगा जो गिवन है जो गिवन है अभी दस पंद्रह मिनट पहले बोला था मैंने बोला भी था इसको लिख लेना इसको लिख लेना सी टू एच फोर गैस है एच टू गैस है इससे बन गया सी टू एच सिक्स आपको एंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजीनेशन पूछा हुआ है भाई जो मर्जी पूछा हो अगर बॉन्ड एनर्जी गिवन है तो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मला लगाऊंगा फॉर्मेशन गिवन होता फॉर्मेशन का फॉर्मला लगाता कम्बशन गिवन होता कमशन का फॉर्मला लगाता तो बताइए सर डेल्टा एच कैसे निकालेंगे कमिशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट ई टू एच फोर इथीन होता है इथिन इतनी बुरी हालत तो नहीं होगी कि इथीन का यह स्ट्रक्चर भी ना बना सके बन रहा है सी टू एच सिक्स ये इथेन है आइए सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की रिएक्टेंट में कौन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने बॉन्ड्स है यहां पे सिर्फ एक तो वन इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दैट इज एक्स दैट इज एक्स प्लस कार्बन हाइड्रोजन की कितनी बॉन्ड्स है सर वन टू थ्री फोर सर फोर इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन सर दैट इज डब्ल्यू प्लस वन इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच इंटू एच वन इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच इंटू एच दैट इज जेड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्टर यहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल कार्बन की एक है तो सिंगल कार्बन बॉन्ड कार्बन दट इज डब्ल्यू सॉल्व कर लेंगे इसे हम यस सर दैट इज एक्स प्लस फोर डब्ल्यू प्लस जेड माइनस वाई माइनस सिक्स डब्ल्यू सर x प्लस जेड आ जाएगा फोर डब्ल्यू में से सिक्स डब्ल्यू जाएंगे तो y है टू डब्ल्यू है ठीक है जो भी यूनिट होगा सर यूनिट जूल पर मोल में है तो ये भी किलो जूल पर मोल में आ जाएगा नीट 2018 का क्वेश्चन है आइए इसको सॉल्व करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक्स वाई और एक्स वाई का इस रेशो में दे रखी है वन रेशो पॉइंट फाइव रेशो वन डेल्टा एच फॉर्मेशन का एक्स वाई का इतना है इतना है आपसे फॉर्मेशन हमेशा कैसे बनाते है सर? में एक मोल कंपाउंड लेते हैं किससे एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट एक्स की एलिमेंट्री स्टेट एक्स टू दे रखी है वाई की एलिमेंट्री स्टेट वाई टू दे रखी है हमें वन मोल के हिसाब से बैलेंस करना है तो ये हा पाएगा पर भी हाफ आएगा तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है माइनस टू हंड्रेड ठीक है बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में लिख लो इसको सर बॉन्ड एनर्जी में फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट में एक्स टू है हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स टू हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाई टू माइनस वन इंटू बाउंड एनर्जी ऑफ एक्स वाई इनकी रेशो एक्स टू वाई टू और इसकी रेशो क्या दे रखी है वन रेशो पॉइंट फाइव रेशो वन यानी कि अगर ये ये X है X ये X है X2 वाली X है तो ये होगी x वाई टू और ये भी होगी X ये X2 की है ये Y2 की है और ये XY की है. अगर x2 वाले की मैंने x रखी है तो y2 वाले की क्या रखूंगा x बाय टू और x बाई वाले की भी क्या रखूंगा x इसकी वैल्यू माइनस टू हंड्रेड दे रखी है हाफ x और x बाई फोर एक्स बाई टू में x बाई फोर एड करूंगा तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स बाय फोर उसमें से एक्स माइनस कर दो सर माइनस एक्स बाई फोर माइनस एक्स बाय फोर की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस टू हंड्रेड सर ये कैंसल आउट हो जाएगा सर एक्स कितना आ जाएगा एट हंड्रेड क्या दे रखी है ऐसी कोई ऑप्शन यस सर ऑप्शन नंबर थ्री पी वाई क्यू करा रहे हैं एम्स के क्वेश्चन करा रहे हैं एन एग्जाम्पलर करा रहे हैं कोई ये ना कहे बस थ्योरी थ्योरी पढ़ाई और निकल गए हर एक क्वेश्चन करा रहे हैं ये क्वेश्चन गलत है यार बहुत सारे बच्चों का एक बच्चा रहा, कह रहा है पिछले क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एन ऑफ फॉर्मेशन जो H2 की जीरो होगी बिल्कुल सही कह रहे हैं ये फॉर्मेशन है बट यहां पे फॉर्मूला तो तुमने बॉन्ड एनर्जी का लगाया बात फॉर्मेशन की कर रहे हो पढ़ रामायण रहे हो क्वेश्चन महाभारत के पूछ रहे हो सर लीडर बोर्ड चेक करिए बहुत टाइम हो गया आइए देखते हैं लीडर बोर्ड क्लास के शुरू में हमने देखा था एक बार देखते हैं बच्चे कहाँ तक पहुंचे हैं जी ठीक है जी कॉम में सेवेंटीन क्वेश्चन में से फिफ्टीन करेक्ट हैं विवेक सिक्सटीन में से फोर्टीन करेक्ट हैं रैंक डब है फैजल रहमान है फोर्टीन में से सेवनटीन डॉक्टर ऑक्टो है और देख रहे हैं आप रैंक बीच बीच में क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं ठीक है बहुत सारे बच्चे हैं जी बहुत सारे देखो बीच बीच में रैंक डप रैंक डप रैंक डप और खासकर ऐसा क्वेश्चन जिसमें आइए अब आगे बात करते हैं बेटा एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सर पोल नहीं आता मेरे में पोल किसी में भी नहीं आता बेटा आपको आंसर बताना होता है बस एबीसीडी चैट बॉक्स में जहां आंसर बताते हैं वही आपका आंसर रिकॉर्ड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एंथालपी ऑफ एटोमाइजेशन ध्यान अच्छा एक बात वैसे मैंने बोल दी है बट फिर भी ना एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे तो वो ये जो फॉर्मूला लिखा ना आपने बॉन्ड एनर्जी का वैसे तो यहां पर लिखा ही हुआ है ये गैसिय स्टेट के लिए एप्लीकेबल है किसके लिए एप्लीकेबल है दोबारा दोबारा बोलो दुवारा बोलो किसके लिए एप्लीकेबल है सिर्फ गैसिय स्टेट के लिए ये गैसिय स्टेट में होना चाहिए तभी आप बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो तभी आप बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो अगर ये गैसियर स्टेट में नहीं है बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला नहीं लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा चलिए सर फिर बताइए एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगी एक मोल कंपाउंड का लेंगे सर कौन सा कंपाउंड कोई सा भी यार कोई सा भी तेरी इच्छा उसमें जितने भी बॉन्ड्स है ना सबको तोड़ दो सबको तोड़ दो ठीक है एक मोल कंपाउंड लो मीथेन लो इथेन लो हाइड्रोजन लो ऑक्सीजन लो ब्रोमीन लो जो तुम्हारा मन करता है लो उससे बना दो आइसो लेटेड गैसियस एटम्स सारी बॉन्ड्स तोड़ दो आप सारी बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हो मुझे सुनाई दे रहा है मेरे पापा कह रहे हैं नीट में सिलेक्शन हुआ तो सारी हड्डियां तोड़ दूंगा बस तभी कह रहा हूं भाई पढ़ लो ठीक है जितना एंथलपी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे आप एंथल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सर एग्जांपल एग्जांपल आइए ना एग्जांपल देते हैं वन सी गैस कितनी बॉन्ड्स है इसमें सर एक सीएल दूसरे सीएल से जुड़ा हुआ तोड़ दो भाई उसको तोड़ दो ले सर जो इसका एंथाल्पी चेंज आएगा वो कहलाएगा एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सी एल गैस सर रुको 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 दो पेज पीछे चलो अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे जैसे यहां पर अगर मान लो मैं क्लोरीन वाला एग्जांपल ले लेता वन सी एल टू गैस गिव यू टू सी गैस तो इसका डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एल गैस है हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है तो क्या 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 ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी के बराबर है हाँ है बॉन्ड एनर्जी के लिए क्या होता था एक मोल डाइटोमिक गैसियस फॉर्म में होना चाहिए उसको तोड़ दिया ठीक है सर आओ तो समझकर जवाब देना भगवान ने दिमाग हम सबको दिया है तो समझ के जवाब देना बी आर टू लिक्विड में लिया उससे टू बी आर गैस बनाया बाकी इसका डेल्टा एच एंथाली ऑफ एटोमाइजेशन है बी आर टू लिक्विड का बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल जितने भी बॉन्ड्स है ना कंपाउंड में तोड़ दो सर एक ही बॉन्ड है BR और BR के बीच में तोड़ दी सर हमने बहुत बढ़िया मैं ये पूछना चाहता हूं मेरा क्वेश्चन है है क्या बॉन्ड एनर्जी ऑफ लिक्विड कि नहीं हा या ना ट्रू या फॉल्स जल्दी से बताइए ये ट्रू है कि नहीं ये, ये यहां तक तो ट्रू है यहां तक ट्रू है ये ट्रू है कि नहीं यहां पर तो ये पूरा ट्रू है पूरा ट्रू है ये ट्रू है कि नहीं ट्रू है फॉल्स है ऑब्वियसली सर ये फॉल्स है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला तभी लगता था जब ये गैसियस स्टेट में हो किसमें हो gaseous state, तो liquid sir, liquid, liquid. Sir, ये तो लिक्विड है सर लिक्विड लिक्विड सर ये फॉल्स है प्लीज इसको हटा दीजिए प्लीज इसको हटा दीजिए बहुत बढ़िया अच्छा अगला मेरा क्वेश्चन क्या है अगला मेरा क्वेश्चन है मैं यहां से यहां जाना चाहता हूं ठीक है और बीच में बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला भी लगाना चाहता हूं अच्छा तो सर ऐसा करो मैं आपकी हेल्प करता हूं थोड़ी हेल्प करता हूं पहले तो इस लिक्विड को कर लो गैस में कन्वर्ट किसमें गैस में कोई ना कोई डेल्टा एच लगेगा 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 डेल्टा एच उसको डेल्टा डेल्टैच बोल दिया अब सर यहां से यहां जाओगे यहां से यहां जाओगे अब लगा सकते हो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मला इस स्टेप में इस स्टेप में लगा सकते हो क्योंकि ये किसमें दे रखा है गैसीय स्टेट में दे रखा है बताओ भाई बताओ क्या बी आर टू लिक्विड से बी आर गैस बनाने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं एक तो ये सीधा और एक क्या पहले इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करो फिर गैस से ये बनाओ हाँ सर तो डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू लॉ रिएक्शन को चाहे एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ टोटल डेल्टा एच सेम टू सेम रहेगा अगर ये बात समझ नहीं आई तो फिर सेम ऑन यू है ठीक है जी सर डेल्टा एच वन क्या होगा आप बताओ ना मुझे क्या मुझसे क्या पूछ रहे हो एक मोल लिक्विड को एक मोल गैस में कन्वर्ट कर अरे सर ये इंथाल्पी ऑफ वैपोराइजेशन है बी टू का अरे वाह भाई वाह सही कह रहे हैं आप सर ये डेल्टा एच टू क्या है सर ये तो बॉन्ड एनर्जी है एक मोल बी टू गैस से दो ब्रोमीन के आइटम बने हैं बोलो भाई बोलो क्या एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बी आर टू लिक्विड की इसी के बराबर होगी रिएक्शन को एक स्टेप्स में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ टोटल डेल्टा एच सेम रहेगा सर और एग्जांपल दीजिए एंथालपी ऑफ एटोमाइजेशन के देंगे ना क्यों नहीं देंगे ये देखो एक मोल कंपाउंड है सी एच फोर गैस इसमें जितनी भी बॉन्ड्स हैं सारी तोड़ दो सारी तोड़ दो लो सर तोड़ दी ये बेटा एच लिखा है गलती से अगर समझ ना आए तो मैं ऐसे कर देता हूं ये फोर है और ये एच है इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आएगा वो क्या क्या लाएगा ऑफ एक्टो सी एच फोर गैस का है कोई ऐसा जो बताए

ही नहीं है ये भी गैस फॉर्म में और ये भी चारों हाइड्रोजन अलग 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 है सर तो बस फिर क्या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्टोमाइजेशन आ गया सी एच फोर गैस का बोलो भाई बोलो जल्दी से बोलो एक और एग्जाम्पल कराते हैं हाँ, कार्बन वाला कराते हैं क्वेश्चन बताता हूँ इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन से और क्लैरिटी होगी एनसीआरटी एग्जाम्पलर का एज इट इज क्वेश्चन है करो 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 खुद करो एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दे रखी है बॉन्ड एनर्जी पूछी हुई है सर अभी अभी आपने बताया इसका एंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या था फोर इंटू बॉन्ड एनर्जी सर फोर इंटू बॉन्ड एनर्जी वन सिक्स सिक्स फाइव है तो बॉन्ड एनर्जी कितना होगा सर फोर से डिवाइड कर दो फोर आएगा फोर आएगा फोर आएगा ये रहा सर ऑप्शन नंबर टू आप चाहें तो क्वेश्चन को मैक्सिमम क्वेश्चन को थिंक विदाउटिंग से कर सकते हैं जस्ट पिछले पेज पे किया है हम लोगों ने जस्ट पिछले पेज पे। ऑफ कितना पेटोन फोर इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच कितना हो जाएगा Four से डिवाइड कर दीजिए फोर से डिवाइड कर दीजिए फोर वन अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं सिक्स के आसपास आएगा किलो जूल पर मोल ठीक नेक्स्ट है कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल सर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है आपको पता है फ्यूल किसे बोलते हैं येस सर जिनका हम कंबशन कराते हैं क्या कराते हैं हम लोग कंबशन कराते हैं और वहां से हमें हीट मिलती है उन्हें फ्यूल बोलते हैं सर एग्जांपल बेटा पेट्रोल उसे गाड़ी चलती है डीजल से गाड़ी चलती है कैरोसिन ऑयल से पिछले ज़माने में पुराने जमाने में सॉरी ठीक है अपना क्या चूल्हा वगैरह जलाया जाता था ठीक है गैस स्टोव वगैरह जलाया जाता था सॉरी गैस स्टोव वगैरह जलाया जाता था तो और फ्यूल किसे बोलते हैं वो तो चलिए पता चल गया ठीक है आज के जमाने का नए जमाने का फ्यूल है TNG, जो कुछ ही सालों से शुरू हुआ है लगभग दो दशक से आ, और भी सर यूज हो रहा है आजकल तो हाइड्रोजन फ्यूल वाली कारें भी चलनी शुरू हो गई हैं हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी वो आज से लगभग छह महीने साल पहले अपने घर से संसद भवन गए थे सर हाइड्रोजन फ्यूल वाली कार लेके हाँ तो फ्यूल किसे को बोलते हैं वो तो पता चल गया कैलोरफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल किसे बोलते हैं एक ग्राम फ्यूल का कंबशन कराओ जलाओ उसे ऑक्सीजन के साथ उससे जो हीट रिलीज होगी एक ग्राम के कंबशन से उसे बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कौन सा फ्यूल बेटर होगा कौन सा फ्यूल बेटर होगा जिससे ज्यादा हीट निकलेगी जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होगी ठीक है वो फ्यूल बेटर होगा आयर कैलोरिफिक वैल्यू जिसकी भी कैलोरिफिक वैल्यू हाई होगी वो फ्यूल क्या होगा बेटर होगा वो फ्यूल क्या होगा बेटर होगा सर कुछ क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल करेंगे क्यों नहीं करेंगे ऑफ मीथेन का इथेन का सॉरी मीथेन इथेन और इथेन का दे रखा है आपसे पूछा हुआ किसकी फ्यूल वैल्यू ज्यादा है हीट प्रोड्यूस्ड पर ग्राम यानी कि किसकी कैलोरफिक वैल्यू हाइएस्ट है सर एक मोल के लिए दे रखा है एक ग्राम के लिए पूछा हुआ है, मोलर मास मीथेन का कितना होता है सर सिक्सटीन ग्राम इसका कितना हो जाएगा चौबीस और चार 28 ग्राम इसका कितना हो जाएगा चौबीस और छह तीस ग्राम करो भाई एक ग्राम मीथेन से कितनी हीट निकलेगी ग्राम से इतनी निकलेगी तो एक ग्राम से कितनी निकलेगी माइनस एट नाइनटी बाई हीट रिलीज लिख रहा हूं तो साइनस आएंगे साइन की कोई जरूरत है नहीं मेरे को एक ग्राम सी टू एच सिक्स से कितनी निकलेगी वन फोर डबल वन बाई ट्वेंटी एट एक ग्राम तो ट्वेंटी एट नहीं थर्टी आएगा यहाँ पे कितनी निकलेगी वन फाइव सिक्स जीरो बाई थर्टी बताओ भाई कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है ये पचास से थोड़ी बड़ी है पचास से थोड़ी छोटी है और ये भी पचास से थोड़ी छोटी है मेरे ख्याल से आंसर ये होना चाहिए सी होना चाहिए बोलो तो तो पाँच नब्बे होता है कैलकुलेटर से देख लेते हैं 890 नाइन्टी डिवाइडेड बाई सोलह पचास अस्सी होता है यार क्या कर रहा हूँ मैं अभी सही है बेटा आप लोग सही हो सिक्स फाइव से एटी होता है ना मैं सिक्सटीन फाइव से नाइन्टी कर रहा था मगर मतलब 90 से थोड़ा कम आ रहा है ए है जी ठीक है ये टू आएगा मेरे ख्याल से ये फिफ्टी से भी कम आएगा वो फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स आ रहा है सही कह है रहे हैं आप ऑप्शन भी रॉन्ग है चेक कर लें बाबू अच्छा ये वाला इधर आएगा आंसर में फिर भी कोई चेंज नहीं आने वाला वैसे मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं आने वाला टी टू एच सिक्स वाला कितना है बाबू वन फाइव सिक्स जीरो तो डिवाइड किससे करना है थर्टी से टी टू एच फोर वाला कितना है वन फोर तो डबल वन डिवाइड किससे करना है ट्वेंटी एट से आंसर में फिर भी कोई चेंज नहीं आने वाला चलिए एक क्वेश्चन है अगला कोई काम करना है स्पेसिफिक वर्क के लिए एक पर्सन को कितनी एनर्जी लगती है 5615 किलो जूल ऑफ एनर्जी ठीक है कितने किलोग्राम ग्लूकोस के उसको खाने पड़ेंगे अगर सारी एनर्जी ग्लूकोस से चाहिए ठीक है एन्थैल्पी ऑफ कंबशन इतनी दे रखी है ग्लूकोस की अच्छा कितनी है 2808 किलो जूल पर मोल एक मोल ग्लूकोस का खाएगा तो इतनी एनर्जी निकलेगी 2808 के लिए एक मोल चाहिए तो 5615 के लिए कितना चाहिए सर ये इसका डबल है यानी कि दो मोल चाहिए दो मोल ग्लूकोस का मतलब क्या हो गया एक मोल ग्लूकोस का मतलब होता है एक मोल ग्लूकोस का मतलब होता है उसका मोलर मास 180 तो दो मोल के लिए कितना हो गया टू इन वन सर थ्री ग्राम हो गया पर सर किलोग्राम में आंसर दे रखा है थ्री सिक्सटी को थाउजेंड से डिवाइड करेंगे सर पॉइंट थ्री सिक्स आ जाएगा कहने को न्यूमेरिकल है बट आप बिना पेन उठाए आंसर निकाल सकते हैं बट फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं करके दिखाता हूं टू एट जीरो किलो जूल ऑफ एनर्जी गिवन बाय कितना वन एट्टी ग्राम ऑफ ग्लूकोज क्योंकि इसका मोलर मास वन ग्राम फाइव सिक्स वन फाइव कितने से आएगी पहले तो एक किलो जूल कितने से आएगी इतने से फिर फाइव सिक्स वन फाइव कितने से आएगी ये अप्रोक्सीमेटली दो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली थ्री सिक्सटी ग्राम हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट थ्री सिक्स के जी हो जाएगी ठीक

हाइड्रोजिनेशन कराएंगे सी सिक्स एस ट्वेल्व बन जाएगा फिर वही जो पूछा हुआ है वो मैटर नहीं करता क्या दे रखा है कंबस्टन दे रखा है तो फॉर्मूला लगेगा कंबस्टन वाला फॉर्मूला लगेगा कंबस्टन वाला कंबस्टन में क्या था रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट पहले पहले वो जल्दी जल्दी बताओ जरा सी का कंबस्टन कहां दे रखा है पहले हाइड्रोजन का है फिर साइक्लो का और फिर साइक्लो का ये वन इंटू माइनस यहां पर भी वन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 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 का टू फोर्टी वन ले रखा है टू फोर्टी वन माइनस सी सिक्स एच साइक्लोहेक्सेन दूसरे नंबर वाला वन इंटू माइनस थ्री नाइन टू जीरो कितना हो जाएगा फोर जीरो फोर वन ये कितना हो जाएगा थ्री नाइन टू जीरो फिर कितना हो जाएगा माइनस वन ट्वेंटी वन सही कह रहे हो ना हाँ सर वन ट्वेंटी वन किलो जूल पर मोल ए है ए है बिल्कुल ए है एन्थालपी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है बेरियम क्लोराइड सॉलिड का और बेरियम क्लोराइड बीएससीएल2 डॉट2एस2 हाइड्रेटेड का बेरियम क्लोराइड का और एनहाइड्रस का दोनों का एन्थैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपको इसका हाइड्रेशन पूछा होगा इतनी बार बोला जाए जो पूछा हुआ है वो मैटर नहीं करता है मैटर ये करता है क्या दे रखा है एंथलपी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है कोई भी चीज दे रखी हो फॉर्मूला हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होगा सिर्फ कमस्टन और बॉन्ड एनर्जी को छोड़ के कमस्टन और बॉन्ड एनर्जी को छोड़ के यहां पर भी वही होगा इसका एंथल वन इंटू एट पॉइंट एट माइनस रिएक्टेंट वाले का एंथलपी ऑफ सॉल्यूशन वन इंटू माइनस ट्वेंटी पॉइंट सिक्स ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर हो जाएगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर एट और सिक्स फोर होना चाहिए यार प्लस में और प्लस में हाँ ट्वेंटी फोर होना चाहिए ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स दे रखा है चलिए कोई बात नहीं वो तो इतना छोटी सी बात है ठीक सी है सी है सी है अच्छा टॉपिक है ध्यान से सुनिएगा समझिएगा रॉन्ग है ये है माइनस कैसे आया बाबू कैसे माइनस कैसे आएगा ये माइनस और माइनस प्लस नहीं हो जाएगा प्लस में प्लस ऐड करूंगा तो प्लस ही तो होगा अगर जब तक ये माइनस नहीं दे रखा है तब तो फिर आंसर ही चेंज हो जाएगा अगर ये माइनस होगा तो फिर तो 20.6 में से 8.8 चला जाएगा तो मेरे ख्याल से शायद फिर आ, ये आंसर हो जाएगा ठीक है फिर तो आंसर ही चेंज हो जाएगा चलिए आप कहते हैं तो ये आप लोगों का लास्ट ब्रेक है भाई ठीक है लास्ट ब्रेक ठीक जिन्होंने नहीं किया हुआ डिनर वो कर लें भाई कितना टाइम हो रहा है टेन ट्वेंटी एट हो रहे टेन फोर्टी फाइव मर्जी आपकी है इस साल पेपर देना हो तो मोस्ट वेलकम वापस आइएगा सोच रहे हैं दो तीन साल और लगाने हैं तो फिर कोई बात नहीं Allô हाँ भाई करें शुरू करें शुरू करें भाई लोग आगे सारे वापस <clears throat> चलिए शुरू करते हैं आप टॉपिक है हमारा नेक्स्ट क्या है दैट तो इज रेजोनेंस एनर्जी तो रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है जब भी किसी वन मोल नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है है वही स्ट्रक है वही कंपाउंड अगर मान लो ये कार्बोनेट आयन है तो ये भी कार्बोनेट आयन है बस हम क्या कह रहे हैं नॉन रेजो से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस एनर्जी सर आपने एनर्जी रिलीज क्यों बोला क्योंकि जब भी नॉन रेजो से रेजो में जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है यानी कि एनर्जी डिक्रीज होती है इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसकी एनर्जी कम होगी इसी कारण मैंने इसे क्या बोला है एनर्जी रिलीज बोला है ठीक है इसी से सेकेंड पॉइंट है हमारा रेजोनेंस एनर्जी क्या है नेगेटिव है अभी अभी तो बोला यही कि एनर्जी रिलीज हो रही है एच नेगेटिव में आएगा इसी कारण मैंने इसे क्या बोला है रेजोनेंस एनर्जी बोला है ठीक है सर और कोई बात थर्ड मान लीजिए आपने कोई केमिकल रिएक्शन लिखी एक कंपाउंड बना जिसकी रेजोनेंस है जिसमें रेजोनेंस है आप पता कौन सी बनाएंगे उसकी नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे नॉन रेजोनेटिंग फिर नॉन रेजो को रेजो में कन्वर्ट करेंगे नॉन रेजो को रेजो में कन्वर्ट करेंगे आराम से लिखते हैं समझते हैं इस तरह से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए इफ वी वॉन्ट टू अप्लाई बॉन्ड एनर्जी फॉर्मूला अगर मैंने किसी रिएक्शन का डेल्टा एच लिखना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी कैसे लिखना है वो तो पता ही है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स वो मुझे पता है सर बट अगर मुझे बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है ठीक है वॉन्ट टू अप्लाई बॉन्ड एनर्जी फॉर्मूला देन राइट नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वो नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर एप्लीकेबल होगा रेजोनेटिंग पर एप्लीकेबल नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा सर क्या कोई एग्जांपल बता सकते हो एग्जांपल इसका एक फोर्थ पॉइंट भी है इसका एक फोर्थ पॉइंट भी है उसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूं उसके लिए जगह छोड़ देता हूं बट पहले इसे समझाता हूं इसे समझाता हूं इसे ठीक है इसे पहले तीनों पॉइंट को समझाता हूं फिर एक फोर्थ पॉइंट के लिए जगह छोड़ रहा हूं आइए ध्यान से देखिए मान लीजिए मैंने मीथेन का कंबशन कराया बन गया CO2 टू गैस और थ्री एच टू लिक्विड बैलेंस जाना ही है सर थ्री एच टू नहीं टू एच टू लिक्विड टू एच ठीक है सर और सीओ टू में रेजोनेंस होती है होती है मुझे जल्दी से बताइए इस रिएक्शन का टोटल डेल्टा एच डेल्टा है ठीक है सबसे पहले मैं CO2 टू गैस बनाऊंगा इससे और टू एच टू गैस बनाऊंगा पहला क्वेश्चन आपने टू एच टू गैस क्यों बनाया है वहां पर तो लिक्विड है मुझे यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है क्या आपको पता है बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाना होता है तो ये भी गैस में होने चाहिए और ये भी गैस में होने चाहिए बिल्कुल सर दूसरी बात यहां पर सीओ टू गैस में रेजोनेंस है हाँ सीओ टू में रेजोनेंस होती है आपने ये नॉन रेजो स्ट्रक्चर बनाई है कि उसकी रेजोनेटिंग बनाई है अगर आपने बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है तो आपको नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी तो ये सीओ टू गैस की नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ठीक है अब क्या करूंगा पहले इसको रेजोनेटिंग में कन्वर्ट करूंगा रेजोनेटिंग में कन्वर्ट करूंगा नॉन रेजो से टिंग स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ डेल्टा एच आएगा इसे डेल्टा एच टू बोल दूंगा अब मुझे इस अब मुझे इससे यह बनाना है सर यहां डेल्टा एच थ्री लगेगा फिर हैसिस्ट लॉ किसी रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ टोटल डेल्टा एच सेम रहेगा यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री मुझे बताइए डेल्टा एच वन क्या है करिए गैस में गैस में गैस में गैस में और ये नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो मैं बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकता हूं यही मैं अगर गलती से यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता तो बॉन्ड एनर्जी का फॉमूला नहीं लगा सकता था अब वो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं कि बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लगेगा सी की ये स्ट्रक्चर होती है CO2 की ये होती है और एच टू होगी जल्दी जल्दी लगाओ बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मुला बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यहां पर क्या आ जाएगा सर फोर इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्लस टू इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ टू माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एक सीओ टू के अंदर दो बॉन्ड एनर्जी है दो है दो 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 बॉन्ड एनर्जी है टी डबल बॉन्ड ओ की प्लस एच टू ओ में दो बॉन्ड एनर्जी है ओ OH एच की एक ध्यान सुनना एक एच टू ओ में बाबू दो बॉन्ड एनर्जी है ओ OH एच की तो दो एच टू में कितनी होगी सर चार चार यहां पर चार लिख दूंगा बहुत बढ़िया सर डेल्टा एच टू बताओ क्या है तो डेफिनेशन में लिखवाया आपने रेजोनेंस एनर्जी की कि जब एक मोल नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो जब एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है रेजोनेंस एनर्जी ठीक है नेक्स्ट है डेल्टा एच थ्री

तो ट्वाइस सर ट्वाइस क्यों लिख रहे हो दो मोल है ना बेटा इनटू एंथी ऑफ कंडेशन वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं डेल्टा पता चल गया डेल्टा टू पता चल गया डेल्टा थ्री पता चल गया तीनों को ऐड कर दूंगा एच पता चल जाएगा वेलकम स्नेहा जी फोर्थ पॉइंट एक और था रेजोनेंस एनर्जी के बारे में कभी भी अगर आपको रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला यही है और कोई तरीका नहीं है आप किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालिए अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है जितना डेल्टा एच आना चाहिए उतना नहीं आएगा रिपीट कर दो रिपीट कर दो आप किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालिए अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है जितना डेल्टा एच आना चाहिए उतना नहीं आएगा ठीक है तो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एच जो आना चाहिए माइनस जो आया जो आया सर मुझे ये वाली लाइन समझ नहीं आई इसको समझाइए बिल्कुल समझाते हैं एमआईटी में लिख दिया अब इसको अच्छे तरीके से समझाते हैं साइक्लोहेगजीन है यस का हाइड्रोजीनेशन कराया बन गया साइक्लोहेगीन बताओ भाई इसका एंथल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन लिख देता हूं ही माइनस एक्स जूल एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो कितनी देर वो कितनी दे रखी है माइनस एक्स मुझे बताओ अगर यही तीन डबल बॉन्ड होती तीन 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 होती एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए माइनस एक्स लगेगी तो तीन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए कितनी लगेगी माइनस थ्री एक्स लगेगी कितनी माइनस थ्री एक्स लगेगी यह है जो आनी चाहिए या जो आनी चाहिए हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू भाई एक के लिए एक्स है तो तीन के लिए माइनस एक्स होगी बट रियालिटी में पता कितनी आई है रियालिटी में पता कितनी आई है में पता कितनी आई है में वैल्यू आई है डेल्टा हाइड्रोजिनेशन जो हमने एक्सपेरिमेंट किया जो आई है वो आई है माइनस वाई कितनी माइनस वाई अगर आप कोई पूछे मुझे रेजोनेंस एनर्जी निकाल के दिखाओ बेंजीन की किसकी बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी निकाल के दिखाओ जो आना चाहिए माइनस जो आया एंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बेंजीन की आनी चाहिए थी माइनस थ्री एक्स आई है हाइड्रोजनेशन माइनस वाई जो आना चाहिए माइनस जो आया है आंसर आ जाएगा वाई माइनस थ्री एक्स यही रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की यही रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की ठीक है एक वेपोराइजेशन वेपोराइजेशन एनर्जी नहीं होगा चलिए दो क्वेश्चन करेंगे रेजोनेंस एनर्जी पे जो भी क्वेश्चन आएगा आएगा आपको एम से ही उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है तो आइए करते हैं पहला एक क्वेश्चन अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना है रेजोनेंस एनर्जी का कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कार्बन डाइऑक्साइड की रेजोनेंस एनर्जी का बॉन्ड एनर्जी कार्बन ऑक्सीजन की दे रखी है ओ ओडबल बॉन्डो की दे रखी है हीट ऑफ सब्लिमेशन दे रखी है हीट ऑफ कमशन दे रखी है कार्बन की आइए कार्बन पता कौन सा होगा ग्रेफाइट ऑब्वियसली वो बताने वाली जरूरत नहीं है मेरे को वो ग्रेफाइट ही होगा कार्बन ग्रेफाइट कार्बन सॉलिड दे रखा वो लिख देता हूं, क्योंकि भी ही होता है जगह बच जाएगी का मतलब होता है उसका ओ टू गैस के साथ रिएक्शन कराऊंगा बनेगा सी ओ टू गैस इस रिएक्शन का जो डेल्टाच आएगा उसे मैंने डेल्टाच मान लिया अगर बताइए मैं यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाना चाहता हूं तो क्या यहां पर लगा सकता हूं बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला सर आप नहीं लगा सकते मैंने कहा क्यों नहीं लगा सकता सर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगाने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस में होने चाहिए ये गैस में है ये गैस में ये सॉलिड में है सर पहले इसको कन्वर्ट करो आप गैस में किसमें गैस में कन्वर्ट करो बहुत बढ़िया क्या अब मैं यहां पर बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकता हूं हां सर अब ये भी गैस में है ये भी गैस में है सीओ टू गैस बनेगा ये जो डेल्टा एच टू आएगा ये जो डेल्टा एच टू आएगा इसको बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में आप लिख सकते हो बट सीओ टू गैस जो है सीओ टू जो है उसमें रेजोनेंस है तो आपने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है कि नॉन रेजोनेटिंग अरे सर एमआईटी में लिखा है आपने कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस हो उसकी नॉन रेजो स्ट्रक्चर बनाओगे नॉन रेजो स्ट्रक्चर बनाओगे अभी बॉन्ड एनर्जी का हमला लगा सकते हो अब नॉन रेजो से रेजो में कन्वर्ट कर लो नॉन रेजो से रेजो में कन्वर्ट कर लो हैसिस लॉ किसी रिएक्शन को एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ आपका डेल्टा एच सेम रहेगा सो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री इज इक्वल टू डेल्टा क्या हमें डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन की ये दे रखी है सर माइनस मुझे डेल्टा एच की वैल्यू बताओ डेल्टा एच वन की वैल्यू बताओ सर डेल्टा एच वन में हुआ क्या है कार्बन सॉलिड से गैस में गया सर इंथाली ऑफ सब्लिमेशन है कितनी है भाई ऑफ ऑफ सब्लिमेशन सब्लिमेशन रखिए ये रही 718 किलो जूल है यू यूनिट क्यों नहीं अच्छा दे रखे यूनिट किलो जूल पर सर डेल्टा एच2 बताओ डेल्टा एच2 भाई मॉडन एनर्जी के टर्म्स में लिख ले मॉड एनर्जी के टर्म्स में लिखो सर फिर लिखो मॉडल एनर्जी रिएक्टेंट माइनस मॉड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तर इस, इसके बारे में कुछ मत बोलना ये तो सर ऑलरेडी कार्बन अकेला गैस फॉर्म में दे रखा है कोई बॉन्ड किसी के साथ बना ही नहीं रखी है O2 में है एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ये तो कार्बन गैस है ठीक है सर बताओ फिर बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन कितनी है भाई फोर नाइनटी एट वन इन टू नाइनटी एट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की सीओ टू में एक CO2 में दो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टू इन टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन आ जाएगा बेटा एट और ये फाइव थर्टी एट में टेन एड कर नहीं फाइव थर्टी एट में टू एड करना फाइव थर्टी एट में टू एड करना फाइव फोर्टी हो गया ठीक वन जीरो थ्री एट फोर एट गया फाइव फोर्टी किलो चूल डेल्टा थ्री डेल्टा एच थ्री डेल्टा एच थ्री क्या यार नॉन रेजो से रेजो में कन्वर्ट कर रहे हो सर ये रेजोनेंस एनर्जी है ये रेज़ोनेंस एनर्जी यही तो निकालनी है बस वैल्यू रख लो भाई और सॉल्व कर लो डेल्टा एच वन सेवन वन एट डेल्टा एच टू माइनस फाइव फोर्टी और रेजोनेंस एनर्जी मुझे निकालनी है कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है करो फाइव फोर्टी एक सौ साठ और अट्ठारह वन सेवनटी एट वन 178 एट उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस थ्री नाइन्टी थ्री माइनस वन सेवेंटी एट पाँच सौ कुछ आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा पाँच सौ बाईस कम कर दो पाँच सौ तिरानवे में से बाईस कम करना फाइव सेवेंटी वन फाइव सेवेंटी वन फाइव थर्टी वन देखो भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी एक सौ साठ और सोलह एक सौ अठहत्तर है प्लस में है उधर लेकर माइनस हो जाएगा आठ और तीन ग्यारह नौ और एक दस सत्रह माइनस फाइव सेवेंटी वन आ रहा है तो ऑप्शन नहीं है फाइव सेवेंटी वन फाइव होगा कह रहा फाइव एट्टी होगा ये फाइव एटी होगा हाँ वन जीरो सेवन एट है ना सॉरी सॉरी वन जीरो रहा था वन जीरो सेवन एट है सही कह रहे सही कह रहे फाइव फोर्टी इसमें से माइनस होगा तो एक सौ अड़तीस हो जाएगा ये आठ तीन ग्यारह नौ तीन बारह बारह और एक तेरह हाँ फाइव थर्टी वन आएगा बेटा लॉ जी रेजोनेंस एनर्जी किसमें है फाइव थर्टी वन ये, रहा ये रहा। सर ये तो पॉजिटिव में दे रखिए अरे वो तो हीट रिलीज का साइन है ना रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव में होती है ठीक है सर बिल्कुल सही है सर एक क्वेश्चन और हो जाए अच्छा टॉपिक है जनरली टीचर्स इतना टाइम लगाते नहीं है इसके ऊपर 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 से निकाल देते हैं बट मैं उसको करा के पूरे क्वेश्चन भी करा रहा हूं इंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बेंजीन की ये बेटा बेंजीन ने रखा है इसकी इंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन कितनी आई है इतनी आई है एंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस 51 किलो जूल पर मोल ये आई है जो आई है अगर एंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन साइक्लोहेक्जीन की साइक्लोहेक्जीन की इसकी एंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन इतनी दे रखी है माइनस क्या कर रहे हो सर इसकी एंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन दे रखी है माइनस ट्वेंटी नाइन किलो कैलोरी ये भी किलो कैलोरी है ये भी किलो कैलोरी है आपसे रेजोनेंस एनर्जी पूछा गया कोई बात नहीं एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना होता है तो माइनस ट्वेंटी नाइन लगता है अगर यही इसमें तीन डबल बॉन्ड होती तब कितना लगता तब आनी चाहिए थी ये वैल्यू तो तीन से मल्टीप्लाई कर लेता तीन से माइनस 87 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगा यह वो हाइड्रोजिनेशन है जो आनी चाहिए बस फिर रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा जो आनी चाहिए माइनस जो आई है ठीक है ना जो आनी चाहिए माइनस जो आई है आनी कितनी चाहिए सर माइनस 87 आई कितनी है माइनस 51 सर आंसर आ जाएगा माइनस 36 किलो कैलोरी पर मोल फिर वही ये एनर्जी रिलीज़ है नेगेटिव का मतलब तो वही है बस एनर्जी रिलीज़ अच्छा क्वेश्चन है ने? इंटू फाइव थर्टी नाइन कैसे आया बात तो सही कह रहे हैं बेटा एक सी डबल बॉन्ड हो फाइव थर्टी दो होती है ऐसी तो मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट है ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये क्या होगा पहली बात न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है जब एसिड और बेस आपस में मिलकर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर उसे क्या बोलते हैं आप इंथालपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ठीक है अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का वन मोल हो कितना स्ट्रोंग एसिड का क्या हो वन मोल वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर जाए वन मोल ऑफ स्ट्रोंग बेस वन मोल ऑफ स्ट्रोंग बेस जो एंथाल्पी चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा एंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक मोल स्ट्रॉन्ग एसिड का कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे एक मोल स्ट्रॉन्ग बेस को जो एंथाल्पी चेंज आएगा वो क्या है एंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सर ये वैल्यू फिक्स्ड है माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री कई बुक्स में फिफ्टी सेवन माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट वन भी लिखा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक अच्छा और बात करते हैं सर ये फिक्स्ड क्यों है वाई इज इट फिक्सड आपने बोला कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनेगा तो ये वैल्यू फिक्स्ड क्यों है अगर ये एच सी एल और एन हो तब भी ये वैल्यू जो है वो माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री किलो जूल आएगी क्योंकि ये भी एक मोल है ये भी एक मोल है बट अगर ये HCl के साथ QH हो जाता, तब भी ये वैल्यू सेम ही रहेगी ऐसा क्यों ऐसा क्यों क्योंकि आप देखिए क्योंकि आप देखिए एच एक स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि वाटर में डालने पर वाटर में डालने पर कंप्लीटली टूट जाएगा हाँ टूट गया सर एच पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंप्लीटली टूट जाएगा स्ट्रॉग है तो वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये भी टूट जाएगा ये कोवलेंट कंपाउंड है सर ये टूटता नहीं है कोवलेंट कंपाउंड पानी में टूटते नहीं है तो वैसे ही पानी है सर ठीक है सर ठीक है कोवलेंट है ना आप देखिए क्या के पॉजिटिव और के पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया सीएल आइन और सी नेगेटिव आइन कैंसिल आउट हो गया यानी कि यहां पर बना है वन एच पॉजिटिव और वन ओ एच ने क्या यही रिएक्शन यहां पर भी हुई है यही रिएक्शन यहां पर भी हुई है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वाटर में जाके कंप्लीटली टूट जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वाटर में जाके कंप्लीटली टूट जाएगा सॉल्ट तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वाटर में जाके कंप्लीटली टूट जाएंगे क्या यहां पर भी यही हुआ है 1H पॉजिटिव 1OH नेगेटिव मिलके 1H2O बना है अगर रिएक्शन ये भी सेम है ये भी सेम है तो एंथैल्पी चेंज भी तो क्या आएगा सेम ही आएगा सर इन का एक्सेप्शन एच एफ होता है ना बेटा बहुत अच्छी बात है मेरे नोट्स आप आज साथ साथ पढ़ रहे हो कॉपी में से मैं शुरू से देख रहा हूँ बहुत अच्छी बात है बेटा है ना मैं अच्छा फील कर रहा हूँ है ना सामने जब कॉपी खुली हो उसमें से देख के आंसर बताना ये टैलेंट बहुत कम बच्चों में होता है आप में है मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आइए ठीक है जी आगे बढ़ते आइए है इसके एमआईटी लिखते हैं पहला पॉइंट तो वही था जो लिखा हुआ था वन मोल कोई भी स्ट्रांग एसिड हो वन मोल कोई भी स्ट्रांग बेस हो वन मोल सॉल्ट और वन मोल वाटर तो एन्थैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स्ड है कितना है माइनस -57.3 या 57.1 भी लिखा हुआ है बुक्स में कोई वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ठीक है फिर क्यों है क्यों है वो भी मैंने बता दिया आपको हमेशा वन एच पॉजिटिव और वन ओ नेगेटिव आयन मिलकर क्या बना रहे हैं वन एच टू ओ बना रहे हैं क्या बना रहे हैं वन एच टू ओ बना रहे हैं इस कारण सर मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक या दोनों कोई वीक होता आइदर ये वीक एसिड होता या ये वीक बेस होता या दोनों ही वीक एसिड या वीक बेस होते सर तब क्या होगा तब एंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.3 से कम आएगी फिर कम क्यों आएगी कम क्यों भाई कुछ हीट यूज हो जाएगी उस वीक कंपोनेंट को तोड़ने में वीक एसिड का मतलब क्या होता है जो वाटर में जाके फुली फुलिसोशियट नहीं होते या वीक बेस का मतलब क्या होता है जो वाटर में जाके फुली फुलिसोशियट नहीं होते हैं तो भाई क्या करना है क्या करना है क्या करना है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी इसी कारण थाल्फी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम आएगी ठीक है इफ एनी कॉम्पोनेंट इज वीक अगर कोई कंपोनेंट वीक है वीक ठीक है देन सम हीट इज यूज्ड इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट ठीक therefore delta H neutralization is less in this case एक जाना बार बार कह रहा था कि सर जब एच एफ जो होगा तब इंथालपी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो ज्यादा आएगी ठीक है केस ऑफ एच एफ इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ग्रेटर आएगी 57.3 किलो जूल पर मोल से सर ऐसा क्यों होगा ड्यू टू हाई हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन फ्लोराइड आयन का साइज बहुत छोटा होता है इस कारण उसकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो वहां से भी हीट रिलीज होगी एक तो यहां से एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव मिल गया बना रहे हैं दूसरा इसकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है वहां से भी हीट निकल रही है इस कारण फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री से ज्यादा वैल्यू आएगी माइनस फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री से ज्यादा वैल्यू आएगी आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं अगर सी एच थ्री सीओ एच कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया है एन द्वारा हीट इवॉल्व हुई है फिफ्टी फाइव तो बताओ कितनी हीट यूज हुई है इसको तोड़ने में इसको तोड़ने में मुझे बताओ अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता हीट निकलनी चाहिए थी फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री अभी कितनी निकली है फिफ्टी फाइव कितनी कम निकली है सर 2.3 कम निकली है तो वो 2.3 पॉइंट कहां यूज हुई होगी सर इस वीक एसिड को तोड़ने में इस वीक एसिड को तोड़ने में आनी कितनी चाहिए थी 57.3 आई कितनी है 55 कितनी यूज हुई है 2.3 इसको तोड़ने में है ना 2.3 2.3 किलो जूल अगर वन ग्राम इक्विवेलेंट एच 2 सो का न्यूट्रलाइज हुआ है की से इन्थालपी चेंज बताइए एच 2 सो 4 न्यूट्रलाइज हुआ है की ओएच द्वारा की ओएच एक्सेस में है लेकिन आंसर हमें एच 2 सो 4 से निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट वन है बताओ मोल्स कितने होंगे इसमें मोल्स कितने होंगे ग्राम है मोल्स कितने होंगे मोल्स मोल्स कितने होंगे मोल्स कितने होंगे ग्राम एक किसके बराबर होते हैं सर मोल्स

मल्टीप्लाई उसको लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स सबसे पहले ये तो कहता था कि एनर्जी एक्सचेंज होती है सिस्टम से सराउंड सॉरी सिस्टम और सराउंडिंग में डायरेक्शन नहीं बताता था डायरेक्शन नहीं बताता था कैनॉट टेलस अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट दूसरी बात जो इसकी लिमिटेशन है वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की डेफिनेशन भी है सेकंड ऑफ थर्मोडानेमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन है बट ये भी एक डेफिनेशन है ये तो जैसे कह देता था ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में बात करते हैं डेल्टा यूज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू मान लेते हैं प्रोसेस आइसो थर्मल है इसका मतलब है डेल्टा टी जीरो इसका मतलब है डेल्टा यू जीरो इसका मतलब है क्यूज इक्वल टू माइनस लाइन का मतलब क्या हुआ सिस्टम जितनी हीट करेगा उतने का ही वर्क डन कर देगा उतने का ही वर्क डन कर देगा यानी कि 100% होगी कोई भी ऐसी मशीन आज तक बनी ही नहीं है जिसकी 100% परसेंट एफिशियंसी हो जिसकी 100% परसेंट क्या हो एफिशियंसी हो ठीक है इट इज नॉट पॉसिबल यही वैसे सेकंड लॉ की डेफिनेशन भी है बहुत सारी डेफिनेशन है बट ये भी एक डेफिनेशन है एक ए मशीन हंड्रेड परसेंट एफिशिएंसी ये पॉसिबल ही नहीं है नेक्स्ट बात करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अब सेकंड लॉ की तरफ बढ़ने लगे हैं सेकंड लॉ बहुत छोटा है थर्ड लॉ तो आपने पांच या दस मिनट के अंदर ही हम खत्म कर देंगे ठीक है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस

एक ये तरीका होता है दूसरा क्या कौन से प्रकार की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ठीक है दूसरी कौन से प्रकार की है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कार्नोट साइकिल बेटा फिजिक्स में पढ़ना पहले चेक कर लो कार्नोट साइकिल हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में है भी कि नहीं नई सिलेबस में विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन और टेक्स प्लेस आफ्टर इनिशिएशन आफ्टर इनिशिएशन एक तो मैंने बोला कि अपने आप हाँ ही टाइपिंग करने के लिए हाथ चले जाएंगे एक ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है मान लो किसी लड़की ने बोल दिया मान लो किसी लड़की ने गलती उससे भी बेचारी से गलती होगी उसने कैसे बोल दिया हाय कोई है क्या मुझसे बात करोगे ओहो भाई साहब उसने बेचारी ने बोल के तो अपने पास जो है मुसीबत मोल ले ली है उसके बाद एक लाख बत्तीस हजार पांच सौ उन्नीस लड़के बोलेंगे मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मुझसे बात करो मुझसे बात करो और आपस में लड़ना भी शुरू कर देंगे इस लड़की से मैं बात करूंगा इस लड़की से मैं बात करूंगा इस लड़की से मैं बात करूंगा ठीक है तो एक बार ये कि एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद अपने आप होते रहते हैं इनको क्या बोलते हैं आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये डेली लाइफ का एग्जांपल था केमिस्ट्री में अगर बात करें तो एक तो जो अपने आप होते हैं जैसे आप जो है अपने आप बड़े हो रहे हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए कुछ करना पड़ रहा है या जैसे मान लीजिए कोई बॉल है हमने एक हाई हिल पर रख दी और ये अपने आप ही नीचे आती रहेगी ये एक प्रकार की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या एक मोमबत्ती है एक बार आपने जला दी एक बार आपने चला दी उसके बाद उसके बाद अपने आप जलती रहेगी अपने आप क्या होती रहेगी जलती रहेगी एक बार स्टार्ट कर दिया उसके बाद अपने आप जलती रहेगी इनको क्या बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये या तो होती ही नहीं है ठीक है सर एग्जाम्पल पढ़ाई पढ़ाई ठीक है ये तो होती ही नहीं है ठीक है या ऐसा या, भी हो सकता है ये तब तक होगी जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी तो, तो होगी जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी सर एग्जांपल एग्जाम्पल देखो मैंने बोला पढ़ाई वैसे तो होती ही नहीं है ठीक है ठीक है जी नहीं होती बट कब हो सकती है कब मान लीजिए आप अभी क्लास ले रहे हैं और पीछे आगे पापा खड़े हो रहे हैं पापा खड़े हो रहे हैं उसी टाइम है ऐसे नोट्स बना रहा हूं नोट्स बना रहा हूँ नोट्स बढ़े इंपॉर्टेंट होता है ना इन्हीं में जाता है ना नोट छोड़ के है ना, फिर दोबारा चैटिंग करनी शुरू कर दी इसे क्या बोलेंगे आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है डेली लाइफ का एग्जाम्पल है बट अगर देखा जाए केमिस्ट्री में तो कैसे होगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे होगी एक तो जो हो ही नहीं सकती जैसे क्या है ना ये भी घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो शीशे का ग्लास लो जाओ ले आओ किचन से ले आओ एक बार शीशे का ग्लास ले आए है ना मम्मी के सामने खड़े हो जाओ शीशे के ग्लास को ऐसे हाथ से पकड़ो और छोड़ दो ओहो टूट गया क्या टूट गया टूट गया ओहो ये तो स्पॉन्टेनियस था ऊपर से गिरेगा तो टूट जाएगा अब उसी शीशे के ग्लास के कांच सारे इकट्ठे करो इकट्ठे करो और दोबारा उसी हाइट पे ले आओ जहां से छोड़ा था क्या ये सारे आपस में जुड़ जाएंगे क्या नहीं ये नहीं जुड़ेंगे ये तो टूट गए हैं अब सिर्फ तुम्हारी हड्डियां ही टूटेंगी तो ये एक प्रकार की नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है भाई ग्लास टूट गया अब उसको दोबारा उसी हाइट पे लेके भी आ जाओगे तो दोबारा ये जुड़ेगा ही नहीं ठीक है यहां या ऐसे भी हो सकता है कि फोर्स लगाने से काम हो जाए हो जाए बट तभी तक जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगी हुई जैसे क्या पानी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बहता है सॉरी बेटा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है सुबह सुबह जब आप पानी वाली मोटर लगाते हो सुबह सुबह जब पानी वाली मोटर लगाते हो तो वो जमीन से पानी को आपके वाटर टैंक में डाल देता है जब तक आपने वो मोटर ऑन कर रखी है जैसे ही आपने मोटर को ऑफ किया पानी नीचे से ऊपर जाना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा ठीक है नॉन स्पॉन्टेनियस भी कितने प्रकार के हो गए दो प्रकार के हो गए ठीक है ऐसा क्या है दुनिया में ऐसा क्या है जो कुछ प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाता है कुछ को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाता है क्या है ऐसा ठीक है दो फैक्टर है पहला टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी दूसरा टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस डिटेल में बढ़ते हैं डिटेल में आइए पहला है टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी साइंटिस्ट पढ़ के आए थे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर साइंटिस्ट ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा डू एटम्स कंबाइन उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है भैया जी एटम इस कारण कंबाइन करते हैं कि ससुरे दो खुले सांड की तरह घूम रहे होंगे ये देखो, ये देखो देखो खुले सांड की तरह घूम रहे हैं अगर इनको परिणय सूत्र में बांध दिया जाए तो ये स्टेबल हो जाते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं ये राय जब भी बॉन्ड बनती है एनर्जी रिलीज होती है तो सबने वो केमिकल बॉन्डिंग को अप्लाई करना शुरू किया थर्मोलाइन में अब देख रहे हो एनसीआर किस हिसाब से बनी हुई है पहले केमिकल बॉन्डिंग है फिर स्टेट्स ऑफ मैटर है फिर है वो इन्हीं बातों के कारण है इनऑर्गेनिक को फिजिकल को ऑर्गेनिक को एक दूसरे से आप रिलेट कर पाए बट चलिए टॉपिक पर आते हैं फॉर मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी ऐसा इस फैक्टर का मानना है ऐसा इस फैक्टर का मानना है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी कि हीट रिलीज हो रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है सारे साइंटिस्ट खुशी मनाने लगे सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी चारों तरफ खुशी का माहौल चल ही रहा था ठीक है तभी एक साइंटिस्ट ने पता क्या किया रात को सोया पानी का गिलास अपने सिर के पास रख के और उसके ऊपर ढक्कन लगा के सोया ढक्कन लगा के ठीक सुबह उठ के सुबह उठ के उसने उस ढक्कन को उठा के देखा उस ढक्कन के नीचे कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स पानी के ड्रॉपलेट्स कंडेंस हुए पड़े हुए थे पहले तो उसने घर में पूछा रात को किसने आके मेरा ग्लास उल्टा पुल्टा किया सबने कहा मैं नहीं था तो उसने देखा है इसका मतलब पानी जो है ग्लास से निकल के ऊपर इवेपोरेट हुआ था अच्छा इवेपोरेशन वाटर का वाटर का इवेपोरेशन होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है क्या होती है एब्जॉर्ब होती है ठीक है और ये तो रात को अपने आप है ियस है वो सारे इन साइंटिस्ट के पास चला गया कह रहा भाई मैं तुम्हें बताता हूं जो तुमने ढूंढा है वो गलत है सारी एक्सोथर्मिक नहीं होती कुछ एंडोथर्मिक भी क्या होती है स्पॉन्टेनियस होती हैं अपने कहा भाई ये बात तो हमें नहीं पता हमें तो बस इतना पता है कि एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होती हैं तब दोनों में लड़ाई हुई फिर ये बात पता चली अकेला ये फैक्टर नहीं है कोई और फैक्टर भी है जो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है जो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है तो वो दूसरा फैक्टर निकला वो था टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम एंट्रोपी हर कोई दुनिया में यही चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से डिसऑर्डर बढ़ाया जाए एंट्रोपी बढ़ाई जाए रैंडमनेस बढ़ाई जाए जो लोग ऑफलाइन में नहीं बढ़ा पाते हैं वो ऑनलाइन में बढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि पता है ऑफलाइन में शक्ल दिख जाएगी हमारी कोई लड़की हमें घास नहीं डालेगी ऐसे लोग ऑनलाइन में आके एंट्रोपी बढ़ाते हैं डिसऑर्डर बढ़ाते हैं कि पता है लड़की को शक्ल तो दिखनी है नहीं ठीक है लड़की भी यही सोच रही है कि इसको मेरी कौन सी शक्ल दिख रही है, है ना तभी तो तभी तो वो किसी महापुरुष ने कहा है ना किसने कहा था वो मेरे ख्याल से अक्षय कुमार का डायलॉग है ना कौन सा डायलॉग है याद बताओ कौन सा डायलॉग है वो वाला ना जो हमको चाहिए जो हमको चाहिए उसे हम नहीं चाहिए क्या, क्या, क्या जो हमको चाहिए उसे हम नहीं चाहिए और जिसको हम चाहिए वो किसको चाहिए <laughs> तो समझ गए हैं यही है ऑफलाइन और ऑनलाइन का डिफरेंस ठीक <laughs> जाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है चलिए 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 आगे बढ़ते आगे बढ़ते चलिए आइए है ना तो दुनिया भी यही चाह रही है हर कोई यही चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से एंट्रोपी डिसऑर्डर रैंडमनेस बढ़ाई जाए बस ऑन मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डिसऑर्डर क्या होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए डिसऑर्डर क्या होना चाहिए इंक्रीज या जिसे बोलते हैं रैंडमनेस क्या होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए वही वाकई यहां पर हो भी रहा है यहां पर लिक्विड के पार्टिकल आपस में जुड़े हुए होते हैं गैस में पार्टिकल क्या हो जाते हैं खुले सांड हो जाते हैं आवाराओं कितना घूमते हैं तो ये एंट्रोपी ही है डिसऑर्डर ही है जो इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना रहा है जो इस रिएक्शन को क्या बना रहा है स्पॉन्टेनियस बना रहा है ठीक है तो दो फैक्टर हो गए एक कहता है एनर्जी कम होगी तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी दूसरा कह रहा है नहीं 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 एंट्रोपी जब बढ़ेगी तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी आइए बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में मेजर ऑफ डिसऑर्डर अगर कहीं पर डिसऑर्डर ज्यादा है अगर कहीं पर डिसऑर्डर ज्यादा है ठीक है तो हम कहेंगे एंट्रोपी वहां पर क्या है ज्यादा अगर ऑर्डर ज्यादा है तो हम कहेंगे उसमें एंट्रोपी क्या है कम सर हमारे घर में डिसऑर्डर कब ज्यादा होता है जब पिताश्री घर पे नहीं होते हैं आप खुले सांड की तरह दीवारों में टकरे मारते हुए फिरते हो पता है घर वाले घर नहीं हमें किसी का डर नहीं इसी कारण एंट्रोपी काफी ज्यादा होती है जब पिताश्री घर पे आते हैं मजबूरी में ही सही वो आपको जो चेयर है ना आपकी वही स्टडी टेबल वाली उस पर बैठना ही पड़ता है इधर उधर घूमते हुए नहीं पाए जा सकते हैं नहीं तो पिताश्री गर्दन से पकड़ के कहेंगे अब किधर जा रहा पढ़ ले बैठ के पचास दिन लगे एग्जाम में जी बात करेंगे कुछ एम ऑफ एंट्रोपी के बारे में पहला मान लीजिए कोई रिएक्शन है हमें इसकी भी एंट्रॉपी पता है इसकी भी एंट्रोपी पता है तो एंट्रोपी चेंज कैसे लिखेंगे पूरे चैप्टर में हमेशा फॉर्मुला क्या होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सिर्फ बॉन्ड एनर्जी और एनथलपी ऑफ कम्बन को छोड़ के बॉन्ड एनर्जी और ऑफ एंथल को छोड़ के एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉफिशियंट उसका एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट उसका स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियंट <coughs> सर मान लीजिए कोई रिएक्शन दे रखी रखिए ए बी और हमें इन दोनों की एंट्रोपी नहीं गिवन है नहीं गिवन है यहां पर तो गिवन थी ठीक है यहां पर गिवन नहीं है बट सर ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल है आइसोथर्मल है है और एक्सपेंशन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन आइसोथर्मल है तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही होगी ठीक है अब एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे एक जितना हीट चेंज आया है इस रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डिवाइडेड बाय क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे सर मेरे को एक बात तो समझ आता है जहां हीट बढ़ेगी वहां एंट्रोपी बढ़ेगी जहां हीट कम होगी वहां पर एंट्रोपी कम होगी है ना डेली लाइफ में भी कभी आपने देखा होगा अनफॉर्चुनेटली कहीं पर अगर आग लग जाती है वहां पर भगदड़ मच जाती है डिसऑर्डर बढ़ने लगता है लोग इधर उधर भागने लगते हैं तो बिल्कुल सही है जहां हीट ज्यादा होगी वहां एंट्रोपी भी क्या होगी ज्यादा होगी बट सर मुझे लग रहा है आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया है आपके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी कम होगी सर मुझे तो लग रहा है ये गलत है सर जहां पर मान लीजिए सर मैं स्कूल में गया था गर्मियों में है ना तो मेरा दोस्त ना पास पास आके बैठे जा रहा था मेरे से बिल्कुल पास मैं कहा चल गर्मी हो रही है यार बिल्कुल है ना तो मैं ऐस ए कोनिया मार रहा था उसको दूर दूर भगा रहा था डिसऑर्डर बढ़ा रहा था टेम्परेचर ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा तो सर मेरे ख्याल से तो एंट्रोपी जो है वो डायरेक्टली प्रमोशनल होने चाहिए टेम्परेचर के आप कह रहे हो कि एंट्रोपी जो है वो टेंपरेचर जो है एंट्रोपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आप बिल्कुल सही हो टेम्परेचर और एंट्रोपी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर पता क्या लिखा गया है एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एक रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे कराओगे लो टेम्परेचर पे कराओगे तो उसमें एंट्रोपी चेंज बहुत ज्यादा आएगा उसी रिएक्शन को हाई टेंपरेचर पे कराओगे तो एंट्रोपी चेंज थोड़ा कम आएगा ये लिखा गया है रिएक्शन वही है टेंपरेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी ठीक है बस मैंने ये बोला लो टेंपरेचर पे कराओगे एंट्रोपी चेंज काफी ज्यादा आएगा हाई टेंपरेचर पे कराओगे तो एंट्रोपी चेंज कम आएगा सर कैसे 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 मैं बताता हूं आपको मान लीजिए आपने एक जगह का नाम लेता हूं आपने सुना तो नहीं होगा शायद पिक्चर वगैरह में कहीं देखा हो जगह का नाम है लाइब्रेरी क्या नाम है लाइब्रेरी क्या लाइब्रेरी में पता तो नहीं होगा मैं बताता हूं वहां पर लोग जाके पढ़ते हैं है ना बहुत पचास सौ लोग अपनी किताबें लेके जाते हैं उसमें पढ़ते रहते हैं इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखते हैं। पढ़ते हैं पढ़ते हैं ठीक है लाइब्रेरी में मान लीजिए एक दिन आपका मन किया आपके पिताश्री ने आपको फोर्सफुली वहां पे भेज दिया वहां जाके आपका मन कैसे लगेगा इतने एलियन लोगों में पढ़ने वाले लोगों को देख के तो तुम्हारा भाई भाई, भाई। भाई मेरे को, मेरे को कुछ नहीं पता भाई मेरे को आके बचा तुम्हारा गोबर दोस्त भी पढ़ाई की एक्टिंग करने के लिए दो किताबें लेके अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में पहुंचता है जैसे ही गेट खोलता है आपको दूसरे कोने में बैठा हुआ देख के बोलता है और भाई वही रीडिंग रूम में जहां पर सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं तुम अपने गोबर दोस्त की हरकतें देखो तुम्हें शर्म आने लगेगी कि तुम्हारा दोस्त ऐसा है उसे वहीं से तुम्हें कोने से आवाज मारा और भाई क्या है तेरा वो जो सौ के सौ लोग हैं वो आपकी तरफ देखने लगते हैं कि ये किसका गोबर दोस्त है आप मुंह छुपाने लगते हो मेरा दोस्त ऐसा नहीं हो सकता उसी दिन आपको पता चला कि आपका दोस्त नहीं है वो गोबर दोस्त है ठीक है हाँ बिल्कुल देख रहे हैं आप वहां पर सारे बच्चे पढ़ रहे थे सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं किसी ने एक छोटी सी आवाज भी मारी है तो एंट्रोपी चेंज कितना ज्यादा है ये वही है टेम्परेचर अगर कम होगा तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा बहुत ज्यादा होगा आप शर्मिंदा होकर अपनी किताबें लेके बाहर चले जाते हो लाइब्रेरी अध्याय आपकी जिंदगी से खत्म हो चुका है फिर आपने अपने दोस्त से पूछा यार तू ऐसी हरकतें क्यों करता है यार तूने कितनी बेस्ती करा दी यार मेरी ठीक है वो कहता यार मैंने तो कुछ नया नहीं किया पिछले हफ्ते तू और मैं मिले नहीं थे क्या ओ भाभी का पीछा करने जब हम मॉल में गए थे हाँ भाभी जब गई थी मूवी देखने गई थी तो हम लोग बाहर नहीं खड़े रहे थे हाँ जब मैं तेरे से मिला था तू उस कोने में खड़ा था मैंने तुझे आवाज मारी थी ताकि भाभी को पता चल जाए कि तू भी मॉल में मैंने आवाज नहीं मारी थी ओ भाई क्या हाल है तेरा मैंने वही तो काम किया यार आज भी कह रहा भाई वो मॉल था वहां पर डिसऑर्डर ऑलरेडी बहुत ज्यादा था वहां पर अगर तू एक आवाज मारेगा भी तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा मॉल में कभी किसी को आवाज मारी हो और भाई क्या हाल है सारी दुनिया तुम्हारी तो तरफ देखने लगती है नहीं क्योंकि मॉल में ऑलरेडी शोर बहुत ज्यादा होता है ऑलरेडी एंट्रॉपी बहुत ज्यादा होती है तो जब एंट्रॉपी जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तब एंट्रोपी चेंज क्या आएगा बहुत कम आएगा मॉल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन किसको आवाज मार रहा है बट लाइब्रेरी में फर्क पड़ता है ठीक है वही यहां पर लिखा हुआ है वही यहां पर लिखा हुआ है ठीक है इतना कुछ बोल के ना लगाता क्या लगने लगी नारियल पानी पी लो गैस वॉट ये वही है <laughs> भाई तू मेरी किताब ही नहीं खोल के बैठा हुआ कॉपी नोट्स वाली तू तो बहुत कुछ जानता है मेरे बारे में टेवा वगैरह भी देखते हो जन्म पत्र भी देखते हो क्या आइए शुरू करते हैं, ठीक है और कौन सी चीज बताएं यस एंट्रोपी चेंज जो है ऑब्वियसली कोई सॉलिड सब्सटेंस होगा तो उसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो एंट्रोपी उसकी बहुत कम होगी लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं तो एंट्रोपी ज्यादा होगी और गैस में पार्टिकल्स सबसे ज्यादा दूर होते हैं एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी सॉलिड लिक्विड गैस में सॉलिड की सबसे कम लिक्विड की उससे ज्यादा गैस की सबसे ज्यादा तो यानी कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है एंट्रोपी बढ़ेगी लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो एंट्रोपी कम होगी अगर आप बात करें बॉइलिंग ऑफ एन एग की जब एग को बॉयल किया जाता है बॉयल करने से पहले एग लिक्विड होता है बाद में सॉलिड हो जाता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होनी चाहिए ऐसा नहीं होगा ठीक है एंट्रोपी इंक्रीज होगी क्या होगी एंट्रोपी क्या होगी इंक्रीज होगी सर क्यों क्योंकि प्रोटीन का डी नेचुरेशन हो गया नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है ना जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन नहीं हुआ होता स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाइए जैसे डी होगा कुछ ऐसी हो जाएगी आप देख रहे हैं चाहे ये लिक्विड है ये सॉलिड है बट एंट्रोपी बढ़ रही है डिसऑर्डर बढ़ रहा है मान लीजिए दोनों पार्टिकल गैस के हैं दो एक एक पार्टिकल है ठीक है और दोनों पार्टिकल गैस के हैं तब किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी भाई जिसका साइज बड़ा होगा जिसका साइज बड़ा होगा बिगर द गैस मॉलिक्यूल मोर इज द एंट्रोपी More is the and एफ टू गैस एंड वन स्टीएल टू गैस ठीक है बेटा दोनों के मॉलिक्यूल एक एक ही हैं, बट ऑब्वियसली क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल बड़ा होता है क्लोरीन छोटा होता है टॉप टू बॉटम में जाते हैं साइज इंक्रीज होता है तो इसकी हाइयर एंट्रोपी होगी क्या होगी हाइयर एंट्रोपी होगी ठीक है सर नेक्स्ट अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें गैस मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं बढ़ने का मतलब रिएक्टेंट में कम होंगे प्रोडक्ट में ज्यादा होंगे सर सीधी तरह बोलो ना डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा ओ यस यस या, या नो 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 चल रहा है ना वो एक बूढ़े अंकल वाला मीम है ना पहले कहते हैं जो आसान आसान सी चीजें होती हैं ओ यस यस फिर बाद में क्या बोलते हैं नो 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 बस हैप्पी महाशिवरात्रि अभी पंद्रह मिनट है भाई रुक जा यार है अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी इंक्रीज एंट्रोपी क्या होगी इंक्रीज ठीक है और अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा तो एंट्रोपी क्या होगी डिक्रीज एंट्रोपी क्या होगी डिक्रीज एंट्रोपी क्या होगी डिक्रीज ठीक जुम्मा मुबारक बेटा उसके लिए भी पंद्रह मिनट है तू तो भी रुक जा यार <laughs> आइए दोनों के लिए भी पंद्रह मिनट है भाई दोनों रुक जाओ खबर रखो थोड़ा सा और कौन सी बात बताएं एंट्रोपी चेंज पूछ रहे हैं ड्यूरिंग फेस ट्रांसफॉर्मेशन हैप्पी वुमेंस डे वो भी कल ही है क्या हाँ कल आठ है ना हाँ अरे हाँ यार कल ही भाई तुम भी पंद्रह माई दीदी तुम भी पंद्रह मिनट रुक जाओ पंद्रह मिनट तुम भी रुक जाओ एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे जो एंट्रोपी चेंज आएगा उसे बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा फॉर्मूला तो पिछले पेज पे लिखा है जितना हीट चेंज आएगा डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर टेम्परेचर कौन सा होगा सर मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली और हीट चेंज को कैसे लिखूंगा डेल्टा एच फ्यूजन हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रेशर कॉन्स्टेंट ही होगा वो बताने वाली बात है नहीं जब इक्विलिब्रियम होता है तो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंटली होती है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा एक मोल लिक्विड को एक मोल गैस में कन्वर्ट करेंगे जो एंट्रोपी चेंज आएगा उसे क्या बोलेंगे आप एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन दैट इज डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कमाल की बात देखो मुझे बड़ा शानदार लगता है ये टॉपिक एंड ट्रॉपी ऑफ वैपोराइजेशन ये क्या कहता है डेल्टा एस वैपोराइजेशन की वैल्यू फिक्स्ड है फिक्स कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है चाहे ये लिक्विड कार्बन टेट्राक्लोराइड है चाहे बेंजीन है चाहे हेक्सेन है चाहे क्लोरोफॉर्म है कोई सा भी है कि हर एक लिक्विड की वैल्यू 88 जूल पर केल्विन पर मोल होगी ठीक है इसी को ट्रोटॉन्स रूल भी बोलते हैं ट्रोटॉन रूल भी बोलते हैं बड़ी कमाल की बात है यार हर एक की जैसे मान लो हेक्सेन है और बेंजीन है दोनों की एंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन अलग होगी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग होगा बट दोनों का एंट्रोपी ऑफ ये भी अलग दोनों का ये भी अलग दोनों का बट दोनों की एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इतनी ही होगी कमाल की बात है ठीक है एक्सेप्ट कहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड लिक्विड अच्छा पानी वगैरह के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा सही बात है क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाती है एंड मेटल बॉन्ड वाला लिक्विड सर मरकरी के लिए बात कर रहे हो आप बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए एप्लीकेबल क्योंकि मेटालिक बॉन्ड आ जाती है उसमें लिक्विड हो गया इधर पानी हो गया एल्कोहल हो गया उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है नहीं तो बाकी सब लिक्विड के लिए एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन हमेशा 88 एट जूल पर कैलविन पर होगी ठीक है नेक्स्ट एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन एक मोल सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे हम लोग एक मोल गैस में एट एनी पॉइंट वो सबलाइमेबल टेम्परेचर होता है ना वो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कोई हर एक लिक्विड हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है सब्लाइमेबल टेम्परेचर जरूर कह सकते हैं इंथालपी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जहां पर वो सब्सटांस हो रहा है जहां पर वो सब्लाइम हो रहा है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नीट 2019 का क्वेश्चन है आइए करते हैं चेंज चेंज में नेगेटिव होगा पहले दो खुले सांड घूम रहे थे उनको परी ने सूत्र में बांध दिया है तो क्या उनकी एंट्रॉपी नेगेटिव होगी हाँ सर पहले कही कहीं ना कहीं मुंह मारते रहते थे अब एक दूसरे के साथ बंद गए हैं बिल्कुल एंट्रोपी नेगेटिव होगी यही आंसर है ऑफ़ वाटर नहीं सर, लिक्विड से गैस में जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर गैस एक्सपैंड होगी जैसे रायता फैलता है तो डिसऑर्डर बढ़ता है वैसे ही गैस एक्सपेंड होती जा रही है ना आपने कोई मुर्गी ले ली उसको छोटे से केज में डाल दिया तो उसको पकड़ना बहुत आसान है आपने कोई मुर्गी ले ली और उसको बड़े केज में डाल दिया उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है वही हो रही है अब गैस बड़ी जगह है, फैली हुई है सबलिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस सॉलिड से गैस बन रहा है सर तब भी एंट्रोपी बढ़ेगी आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए 98 परसेंट बच्चों का सही है किस रिएक्शन के लिए नीट का ही क्वेश्चन है इस रिएक्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन बताइए पहले दो सांड खुले घूम रहे थे उनको इकट्ठे बांध दिया गया है दोनों क्लोरीन अलग अलग थे अब उन दोनों को जोड़ दिया गया बॉन्ड बन गई है बॉन्ड जब भी बॉन्ड बनती है एटम्स कंबाइन होते हैं हीट रिलीज होती है डेल्टा एच नेगेटिव आएगा सिर्फ डेल्टा एस के बारे में बात करिए पहले खुले सांड थे अब इकट्ठे बंद गए हैं तो एंट्रोपी भी कम होगी डेल्टा एच भी लेस देन जीरो डेल्टा एस भी लेस देन जीरो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर डी 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 सी नहीं डी होगा डी सिर्फ थर्टी टू परसेंट बच्चों का सही है डेल्टा एस बढ़ेगा कैसे भाई डेल्टा एस कम होगा किस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस मैक्सिमम होगा मैक्सिमम पहले आधा गैस का मौलिक मोल था अब आधा भी नहीं है डेल्टा एस डिक्रीज हो रहा है डेल्टा एनजी नेगेटिव डेल्टा एस नेगेटिव पहले कोई गैसियस मोल नहीं है अब है डेल्टा एनजी पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव इधर भी एक गैस है इधर भी एक है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर भी दो गैस के मोल हैं इधर भी दो है, यहां भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी सेवेंटी फोर परसेंट बच्चों का सही है अच्छा ये अभी पढ़ाया नहीं है पहले पढ़ाएंगे फिर ये क्वेश्चन कराएंगे डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस बताइए सॉलिड में था अब सॉलिड में भी है और गैस में भी है डेल्टा एन जी पॉजिटिव है ना नंबर ऑफ गैसेस मोल बढ़ रहे हैं का मतलब डेल्टा एस भी क्या होगा पॉजिटिव होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर नाइन्टी परसेंट बच्चों का सही है आइए क्वेश्चन कराना है बट पहले सारी चीजें बता दे फिर क्वेश्चन कराना एंट्रोपी चेंज बताना है आपको रिवर्सिबल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या डेल्टा इसका फॉर्मूला यही था सर क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय टी ये आज ही पढ़ा है हमने इसका फॉर्मूला था एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ v2 टू बाई वी वन या पी वन बाई पी टू भी था डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा टी से टी कैंसिल आउट हो गया तो डेल्टा क्या आ जाएगा एनआर नेचुरल लॉग ऑफ v2 टू बाई वी वन यान आर नेचुरल लॉग ऑफ पी वन बाय पी टू को ओपन करते हैं तो पता ये क्या आ जाता है टू पॉइंट थ्री जीरो रखी होगी तो ये फॉर्मला लगा लेना प्रेशर दे रखा होगा तो ये लगा लेना इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम सर एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए था ये एडियाबेटिक के लिए यहां पर डेल्टा एस जो आएगा वो जीरो आएगा फिर जीरो कैसे आएगा वो बताइए रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है क्या है एक्सपेंशन पहली बात जब भी गै, गैस एक्सपेंड होती है क्या होती है एक्सपेंड तो ऑब्वियसली रायते की तरह फैल रही है फैलेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी फैलेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी तो एक्सपेंशन के कारण डेल्टा एस पॉजिटिव आना चाहिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन है याने के एडियाबैटिक एक्सपेंशन में आज ही पढ़ा है हमने टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है और आज ही पढ़ा है अभी अभी दस मिनट पहले कि टेम्परेचर और एंट्रॉपी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर डेल्टा टी नेगेटिव है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी एक चीज एंट्रोपी को बढ़ा रही है दूसरी चीज एंट्रोपी को कम कर रही है तो डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा ज़ीरो ये जितना बढ़ाएगी ये उतना ही कम कर देगी तो डेल्टा एस इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन इतना आएगा ज़ीरो आएगा कितना आएगा जीरो आएगा एंट्रोपी चेंज इन हीटिंग और कूलिंग इन आइसो बैरिक प्रोसेस कोई बात नहीं प्रोसेस आइसो बैरिक है याद रखना चाहे आप गर्म कर रहे हो चाहे आप ठंडा कर रहे हो बट प्रेशर कॉन्स्टेंट है क्या डी एस का फॉर्मूला यही हो जाएगा डी एच वाई टी हाँ भाई क्यू रिवर्सिबल जो भी है ये हीटिंग कूलिंग ठीक है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सर तो जब डी एच लिख ही दिया है तो इस कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब ये इंथालपी तो होती ही हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है बहुत बढ़िया तो क्या मैं ऐसे एन टी पी एम लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकते हो ये स्मॉल चेंज के लिए है लार्ज चेंज के लिए इसको इंटीग्रेट कर दोगे टी वन टी टू एस वन तो डेल्टा एस का फॉर्मूला आ जाएगा एन सी पी नेचुरल लॉग ऑफ टी टू टू बाई टी वन ये हीटिंग और कूलिंग में फॉर्मूला अप्लाई होगा हीटिंग और कूलिंग में फॉर्मूला अप्लाई होगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बट अगर यही किसी चीज को आप गर्म या ठंडा कर रहे हैं वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है क्या कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है सर फिर वही फॉर्मूला अब की बार भी हीट चेंज ही लिखना है बट अब की बार लिखना है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे लिख तो दिया डी यू, यू ही होती है सही तो कह रहे आप एन टीवीएम डी टी स्मॉल चेंज के लिए लार्ज चेंज के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा जैसे ही इंटीग्रेट करूंगा डेल्टा एस का फॉर्मूला आ जाएगा एन सी वी एम नेचुर चलिए सर आप न्यूमेरिकल कराइए मोल आइडियल गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइव में एक्सपैंड कर रहे हैं रिवर्सिबली फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ दिस टू दिस रिवर्सिबल एक्सपेंशन है पहले वॉल्यूम एट डेसीमीटर क्यूब एट लीटर है बाद में कितनी है एट्टी है अच्छा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया है टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि के 300 हंड्रेड आपसे चेंज इन एंट्रॉपी पूछा हुआ है सर एन आर नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन एन कितना है फाइव आर की वैल्यू जूल में रखना है तो 25 बाय बाई थ्री और नेचुरल लॉग ओपन करते हैं तो 2.303 लॉग ऑफ v2 टू बाय वी वन टेन की वैल्यू वन होती है 125 को 2.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग आ जाएगा 2.3 ना 300 के आसपास 300 को तीन से डिवाइड करूंगा 100 के आसपास आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए आंसर सी होना चाहिए हाँ सही है रे 95.73 आपका भी वही आ रहा है मेरा भी वही आ रहा है ऑप्शन तो नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 88 परसेंट बच्चों का सही है बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया अगला क्वेश्चन बताइए ट्रू स्टेटमेंट बताइए अमंग द फॉलोइंग नीचे दिए गए क्वेश्चंस में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बताइए एंट्रॉपी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती चेंज इन एंट्रॉपी करता है नहीं सर दोनों डिपेंड करते हैं दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं यस इसने कहा दोनों ही डिपेंड नहीं करते करती है बट डेल्टा एस नहीं करता दोनों ही करते हैं सर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ऑप्शन तो नंबर बी इज द करेक्ट आंसर तो बच्चों का सही है एट्टी नाइन परसेंट बच्चों का बढ़िया बढ़िया अगला क्वेश्चन किस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है डेल्टा एस नेगेटिव है अमोनिया बन रहा है एन टू और H2 टू से एन टू और H2 टू से यहाँ चार हैं, यहाँ दो हैं। डेल्टा एन जी नेगेटिव आएगा टू माइनस फोर तो डेल्टा एस भी नेगेटिव आएगा आंसर तो ए आ गया आंसर तो ए आ गया कैल्शियम सल्फेट से ये दोनों चीजें बन रही हैं यहां गैसिसमोल्स जीरो यहाँ गैसिसमोल एक गैसिसमोल्स बढ़ रहे हैं एंट्रोपी बढ़ेगी आयोडीन सॉलिड में होता है पानी में डिजोल्व कर दिया पानी में डिजोल्व कर दिया पहले सॉलिड में था अब पानी में पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे एक आयोडीन में पहले करोड़ों अरबों जुड़े हुए थे अब थोड़े कम जुड़े होंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी सबलीमेशन हो रहा है ड्राई आइस का वही जो अनफॉर्चुनेटली गुड़गांव में हुआ है बट लोगों के माउथ के अंदर हुआ है इसी कारण बहुत दुखदाई घटना है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना सॉलिड से गैस में जाएगा एंट्रोपी बढ़ेगी आंसर तो पहले ही आ चुका था ऑप्शन नंबर ए सिक्सटी बच्चों का सही है कुछ बच्चों का गलत है आइए ये करते हैं एंट्रोपी चेंज जी आप सबको भी महाशिवरात्रि की शुभ कामनाएं आप सबको भी है ना यस 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 एंड भाई एक भाई कह रहा था जुम्मा मुबारक बेटा वो भी एंड हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द लेडीज इन द एंटायर वर्ल्ड और आई शुड से हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द ब्यूटिफुल लेडीज इन द एंटायर वर्ल्ड सारी वुमेन ब्यूटीफुल ही होती है ना ठीक है बाओ गर्ल्स ठीक है बाओ लड़कियां खुश हो जाएंगी है ना अरे मेंस डे पे तो ऐसा नहीं बोलोगे ना भाई ना हम लड़के हैं हमारे साथ ऐसा ही होता है कभी किसी टीचर ने मनुष्य जाति की करिए तारीफ कभी नहीं चलिए 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 आइए शुरू करते हैं ठीक है अच्छा दे रखी है फिर वही डेल्टा इसका फॉर्मुला क्या होगा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट टू इंटू एंट्रोपी ऑफ आयरन 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 ये रहा थर्टी प्लस थ्री इंटू

माइनस वन एटी आ जाएगा यूनिट क्या है जूल पर कैलविन पर मोल। आइए एक क्वेश्चन आप, होमवर्क में करिए क्योंकि सेम क्वेश्चन है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का एक हमने किया एक आप करेंगे हाँ एंट्रोपी चेंज जब दो मोल मोनोटॉमिक गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं दो मोनोटॉमिक गैस के हीट किए जा रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस पहले टेम्परेचर 200 है बाद में 300 है 200 ये है 300 ये हो जाएगा कैलविन में रिवर्सिबल एंड आइसोकोरिकली रिवर्सिबल आइसोकोरिक एक्सपेंशन है तो सर एंट्रोपी चेंज ऑन हीटिंग और कूलिंग का फॉर्मूला अभी अभी लिखा था एन सीवीएम नेचुरल लॉग ऑफ टी टू बाई टी वन एन कितना है दो सीवीएम कितना होगा मोनोटॉमिक गैस के लिए सीवीएम होता था थ्री बाय टू आर तो मल्टीप्लाई कर दूंगा थ्री बाय टू आर से टू से टू कैंसल आउट हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फाइव फोर सेवेंटी थ्री फाइव सेवेंटी थ्री बाय फोर सेवेंटी थ्री और थ्री आर पहले आएगा ऑप्शन नंबर सी अच्छा क्वेश्चन है एक मोल आइडियल गैस है एक मोल आइडियल गैस ध्यान से देखो ध्यान से इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम यानी कि शुरू की वॉल्यूम अगर V लीटर थी तो बाद वाली वॉल्यूम कितनी होगी V बाई टू हीटेड टू ट्वाइस इट्स टेम्परेचर अच्छा वॉल्यूम भी आधी कर रहे हो टेम्परेचर भी डबल कर रहे हो जब वॉल्यूम आधी कर रहे हो तब टेम्परेचर कांस्टेंट है जब टेम्परेचर डबल कर रहे हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है चेंज इन एंट्रॉपी बताइए क्या चेंज इन एंट्रॉपी सर यहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस है यहां आइसो कोरिक है आइसोथर्मल वाले का फॉर्मुला क्या था एनआर नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन आइसो कोरिक वाले का क्या था एन सी वी एम टू बाई टी वन वैल्यू रखिए आंसर बताइए एन वन है आर नेचुरल लॉग ऑफ V डिवाइडेड नहीं ऊपर आ जाएगा V बाई टू और नीचे V V से v कैंसिल आउट हो जाएगा एन वन है सी वी एम कितना होगा गैस दे रखी है अच्छा सी वी एम को सी वी एम ही रखा हुआ इन्होंने अभी कहूँ नहीं तो आंसर कहाँ से आएगा टेम्परेचर डबल कर दिया ऊपर टूटी है नीचे टी है कोई बात नहीं सर या मैं इसको एज इट इज लिख ईवीएम नेचुरल लॉग ऑफ टू ये सर ये कहा गया ये टू डिनोमिनेटर से ऊपर लेके आऊंगा तो so, साइन यहां पर प्लस का था ना माइनस में हो जाएगा सर नेचुरल लॉग ऑफ टू कॉमन निकाल लो अंदर बन जाएगा ईवीएम माइनस आर अब ऑप्शन देखो ये कहां पर दी 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 दी। ये देखिए लॉ ऑफ है ना जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बताते हुए कि हमारी दोनों की रिलेशनशिप कितनी अच्छी चल रही है मैंने अपना मुंह बंद कर रखा है क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में सब कुछ जो है वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता क्यों एंट्रॉपी हमेशा बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है वाह 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 ठीक है उतरे होंगे लड़के सर को हमारी फोटो कैसे मिली चलिए 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 यही <laughs> यही यही डेफिनेशन है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशन है आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं एक तो ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल ही नहीं है ठीक है जिसकी एफिशिएंसी 100 परसेंट हो दूसरा ये क्या कहता है कि पूरे यूनिवर्स की एंट्रॉपी हर किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में बढ़ती जा रही है मैं बोल रहा हूं यह भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इससे भी पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो बढ़ती जा रही है आप पढ़ रहे हैं यह भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इससे भी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती जा रही है यूनिवर्स का डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं आपने नेशनल जोग्राफिक चैनल में यह बात जरूर देखी होगी किसी हिस्ट्री चैनल वगैरह में ठीक है कि यूनिवर्स फैलता जा रहा है सुना है हाँ वो यही है वो यही है ना एंट्रोपी पूरे यूनिवर्स की बढ़ती जा रही है ठीक है पूरे यूनिवर्स की एंट्रॉपी निकालेंगे कैसे जी, जितना डेल्टा एस सिस्टम का होगा जितना सराउंडिंग का होगा दोनों को करेंगे एड और हमारे पास एंट्रॉपी आ जाएगी टोटल हमारे पास एंट्रॉपी आ जाएगी टोटल सर ये कैसे निकालेंगे अरे भाई जितना हीट चेंज होगा देखिए सिस्टम ने अगर 500 हंड्रेड किलो जूल हीट एब्जॉर्ब करी तो सराउंडिंग ने वही हीट लॉस करी होगी उल्टा भी हो सकता है इस सिस्टम ने अगर 500 हंड्रेड किलो जूल लूज करी है तो सराउंडिंग ने उतनी ही क्या करी होगी गेन करी होगी तो हीट का साइन यहां पे और यहां पे सेम ही रहेगा ये पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव में होगा ये नेगेटिव में है तो यह पॉजिटिव में होगा ठीक है मैं इसे पॉजिटिव मान रहा हूं तो यह नेगेटिव है ठीक डिवाइडेड बाय ट्यू बाई ही तो है टेम्परेचर सिस्टम का और टेम्परेचर सराउंडिंग का ये दोनों अलग अलग होंगे अनलेस इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस में अंदर बाहर सब कुछ क्या होता है सेम होता है ठीक है सर ठीक है ठीक है देखिए इसी के ऊपर क्वेश्चन है एक एक हीटेड आयरन का ब्लॉक है 127 डिग्री सेल्सियस पे उसने कितनी हीट लॉस करी है टेम्परेचर सिस्टम का सिस्टम का कितना दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस चार सौ कैलविन हो गया 400 इसने हीट लॉस करी है लॉस लॉस जब इस करता है तो उसको माइनस में लिखा जाता है माइनस में लिखा जाता है सिस्टम ने जो हीट लॉस करी है सराउंडिंग उसी हीट को क्या करेगा गेन करेगा और टेम्परेचर भी दे रखा है सराउंडिंग का सराउंडिंग का, सराउंडिंग का टेम्परेचर ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस दैट इज थ्री हंड्रेड कैलविन आपको सिस्टम का एंट्रोपी चेंज बताना है सराउंडिंग का बताना है टोटल बताना है सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कितना होगा जितनी हीट लॉस करी है डिवाइडेड टेम्परेचर माइनस थ्री हंड्रेड बाय फोर हंड्रेड माइनस थ्री बाई फोर जूल पर कैलविन एंट्रोपी का यूनिट भी लिख दिया हमने यहाँ पे एम में लिख लीजिएगा जूल पर कैल्विन एक्सटेंसिव है बट अगर यही जूल पर कैल्विन पर मोल होता तब इंटेंसिव हो जाएगी का हीट बाय हीट भी 300 है वो भी 300 है वन आ जाएगा सर डेल्टा एस टोटल भी बता दीजिए जितना सिस्टम का है जितना सराउंडिंग का है दोनों मिलके प्लस वन बाय फोर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है हां भाई डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल जो है वो पॉजिटिव आएगा ही आएगा एनसीआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है साइड में करते हैं इसको इधर और सॉल्व करते हैं रिएक्शन और एंट्रोपी चेंज पूछा हुआ है लिक्विड वेपोराइज हो रहा है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है सर जब भी लिक्विड से गैस में जाएगा डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस क्या है रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टिंग अच्छा ये सॉरी सॉरी ये क्वेश्चन अभी नहीं बताना था 10 मिनट बाद कराना था मैं तो सॉल्व कर दूंगा मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ा नहीं ये टॉपिक अभी होना है 10 मिनट में वैसे थोड़ी सी भी अगर पता होगी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस रिएक्शन नॉन स्पोंटेनियस है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पोंटेनियस के लिए ठीक है एंड डेल्टा एच पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो बताइए डेल्टा एस कितना होगा सर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है ऑल टेम्परेचर पे ऑल टेम्परेचर पे तो ये नेगेटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव इनटू नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए नेगेटिव होना, होना चाहिए ये वाले का नेगेटिव होना चाहिए ये होना चाहिए बस फिर कर लो अब क्या रह गया ए का क्या हो गया बी वन का बी टू का सी वन का बी टू का सी ठीक है और जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगी जितना सिस्टम हीट लॉस करेगा सराउंडिंग उतना ही गेन करेगा टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग का सिस्टम और सराउंडिंग का सेम होता है तभी तो डेल्टा इस टोटल जीरो आएगा तभी तो डेल्टा इस टोटल जीरो आएगा बट ये क्वेश्चन अभी कराना नहीं था अभी ये क्वेश्चन कराना नहीं था क्योंकि में करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी ठीक है जब दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आपस में लड़ रहे थे जब दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट आपस में लड़ रहे थे एक कहता था भाई साहब है ना कि एंथाल्पी देखा करो अगर चेंज नेगेटिव है रिएक्शन है। दूसरा कहता था नहीं नहीं एंट्रोपी देखा करो वे एंट्रोपी बढ़ रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इसी कारण हमें एक नया स्टेट फंक्शन डिफाइन करना पड़ा जिसका नाम था गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज एच माइनस टी एस इसमें एंथल्पी भी है और एंट्रोपी भी है साइंटिस्ट ने कहा तुम लड़ो मत लड़ाई लड़ाई माफ करो ना तुम एच देखा करो ना तुम एस देखा करो तुम डेल्टा जी देखा करो अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ गया नेगेटिव तो रिएक्शन ऑन्टेनियस है अगर किसी का डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है और अगर किसी का डेल्टा जी जीरो आ गया तो रिएक्शन इक्विब्रियम पे है इक्विब्रियम पे सर यहां पर आपने डेल्टा एस कौन सा लिखा है ये डेल्टा एस सिस्टम का लिखा है सर ये कहाँ से आया कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम पे होता है वो यहाँ से आया डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में किसी भी ठीक है चाहे उसमें सिस्टम की एंट्रोपी बढ़े कम हो सराउंडिंग की बढ़े कम हो डज नॉट मैटर डज नॉट मैटर एंट्रोपी टोटल टोटल एंट्रोपी टोटल ये हमेशा पॉजिटिव होगी ये हमेशा पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव इन टू नेगेटिव हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव ही रहेगा वहीं से आया वहीं ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फर्स्ट पॉइंट था ये सेकंड, ये थर्ड कोई रिएक्शन दे रखी है आपको उसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है <coughs> फिर वही एंट्रोपी ऑफ सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की सारे एलिमेंट्स का एलिमेंट्री स्टेट में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड एनर्जी जीरो होता है हाइड्रोजन का जीरो होगा H2 गैस का जीरो होगा N2 गैस का जीरो होगा Cl2 गैस का जीरो होगा कार्बन ग्रेफाइट का जीरो होगा ठीक है देखिए स्पॉन्टेनियस ये हमने केमिस्ट्री में समझाया है कभी ऐसी हरकतें उससे ना करते लगना तुमने अपने दोस्त से पूछा मैं उसे क्या कहूंगा तुम्हारे गोबर दोस्त ने बोला जस्ट बी स्पॉन्टेनियस गर्ल्स को वही अच्छा लगता है आपने बोला ओके okay. और आपने लिख के भेज दिया डेल्टा जी लेस देन जीरो क्या लिख के भेज दिया डेल्टा जी लेस देन जीरो वहां से रिप्लाई आया है देखे क्या होता है अच्छा ये होता है वही वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अच्छा पता नहीं जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड फ्यूचरिस्टिक दैट माइट बी दैट माइट बी देश इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी बहुत बार क्वेश्चन आया इसमें सेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी यहाँ डेल्टा एच लिखेंगे डेल्टा एस लिखेंगे टेम्परेचर आइए ध्यान से सुनते हैं समझते हैं यहाँ डेल्टा एच है यहाँ डेल्टा एस है यहाँ डेल्टा जी है। यहां पर स्पॉन्टियालिटी अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है कोई सा भी टेंपरेचर रख लेना कोई सा भी कोई सा भी इट चाहे बहुत लो चाहे बहुत हाई हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी एट ऑल टेम्परेचर हमेशा स्पॉन्टेनियस हो गया हमेशा ठीक है अगर डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा तो एस भी नेगेटिव है अब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा ये अब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा डेल्टा जीवन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है ठीक है ये नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो लो टेम्परेचर पे अगर मैंने रखा टेम्परेचर लो तो ये वाली वैल्यू कम होगी ये पॉजिटिव कम होगा डेल्टा एच नेगेटिव होगा ठीक है नेगेटिव होगा एट लो टेम्परेचर यानी कि स्पॉन्टेनियस होगा और अगर यही आपने टेंपरेचर बढ़ा दिया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा एट हाई टेंपरेचर यानी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आएगा डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आएगा रिएक्शन नॉन ऑन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर बट मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है उल्टा हो जाएगा इसका पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा नेगेटिव हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर

लास्ट में लिख लेना एक फिफ्थ पॉइंट एम आई टी में जब डेल्टा जी जीरो होगा यानी कि अगर ये जीरो होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस आ जाएगा यानी कि टी किसके बराबर आ जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस ये वो टेम्परेचर है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर ग्रेटर देन दिस डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी ये वो टेम्परेपरेचर कैसे निकलेगा डेल्टा एच डेल्टाई डेल्टा एस इस टेम्परेचर पे रिएक्शन इक्विब्रियम पे है. बट अगर यह टेम्परेचर मान लो थ्री हंड्रेड कैलविन आया थ्री हंड्रेड कैलविन थ्री हंड्रेड कैलविन पर रिएक्शन जो है वो इक्विब्रियम पे है बट जैसे ही थ्री हंड्रेड वन कर दोगे जैसे ही थ्री हंड्रेड वन कर दोगे डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी सर थ्री हंड्रेड से कम कर दोगे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन का डेल्टा एच दे रखा है डेल्टा एस दे रखा है आपसे पूछा हुआ है कब स्पॉन्टेनियस होगी पहले टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस करके निकाल लो डेल्टा एच किलो जूल में है जूल में कर लूंगा तो इतना आ जाएगा ये जूल में है तो इतना आ जाएगा सॉल्व करेंगे एट 425 केल्विन आएगा। ये यह वो टेंपरेचर है जहां पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है अगर इससे ज्यादा कर दोगे टेंपरेचर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी 94 फोर परसेंट बच्चों का सही है जी अगला क्वेश्चन एक प्रोसेस है एच टू ओ लिक्विड से एच टू ओ सॉलिड में जा रहा है करेक्ट ऑप्शन बताइए लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है सॉलिड uh, से लिक्विड जाता है तो डेल्टा पॉजिटिव होता है हीट एब्सॉर्व करनी पड़ती है तो यहां पर हीट रिलीज होगी सर रिलीज होगी डेल्टा नेगेटिव आएगा सर वो तो हर जगह नेगेटिव है डेल्टा जी भी जीरो होगा इक्विलिब्रियम पे है डेल्टा वे क्या कर रखा है चारों ऑप्शन सेम दे रखे हैं ऑप्शन सेम दे रखे हैं तो चार ऑप्शन सेम दे रखे हैं। खुद करिएगा फिर फॉलोइंग रिएक्शन hmm. नीचे रिएक्शन दे रखी है। इसका डेल्टा एच भी दे रखा है डेल्टा एस भी दे रखा है रिएक्शन इज सपोर्टेड बाई स्पॉन्टेनियस के दो ही फैक्टर होते थे टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी या टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए डेल्टा एच नेगेटिव आना चाहिए डेल्टा एस पॉजिटिव आना चाहिए डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा एस सर डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच ये एंथलपी नेगेटिव होनी चाहिए बाकी नेगेटिव है एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए थी बट नेगेटिव है कौन सा जो है नॉट करेक्ट है डेल्टा जी जीरो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है डेल्टा जी पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए नहीं नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए यस डेल्टा जी पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए यस yes. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नीचे डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन दे रखा है आपको डेल्टा जी नॉट इस क्वेश्चन का निकालना है फिर वही डेल्टा जी नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पहले स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशियंट इसका वन है कितनी डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन दे रखी है एटी सिक्स पॉइंट सिक्स प्लस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशियट फोर है डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन कितना दे रखा है माइनस टू थर्टी सेवन इसका सर तो ये तो एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट है इसका जीरो ही होना था तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है थ्री इंटू जीरो जीरो ही होगा अब रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं एच टू एस का सोशोमेट्रिक कॉम्पिशन थ्री है डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन माइनस थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स साथ में टू है डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन माइनस एट्टी पॉइंट सिक्स, सॉल्व करिए इसको पर ये क्या हो जाएगा ए आएगा ए आए ए ए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बट मैं भी एक बार देख लूँ, आठ सौ सैतीस को चार से करना चौहत् एक एक और एक सौ अड़तालीस एक सौ अड़तालीस और छियासी एक हजार कुछ आ जाएगा वहां पर एक सौ साठ और सौ दो सौ साठ ए यार है भाई तुम लोग कह रहे हो ए तो मैं ए ही लगा देता हूँ कैलकुलेशन तुम कर सकते हो देख लेना इसकी कैलकुलेशन अगला क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी सी टी एग्जाम्पलर का डेल्टा एच डेल्टाच दे रखे डिस्क्रिप्शन पूछा हुआ है अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा ये डेल्टा जी पॉजिटिव होगा हाँ नॉन स्पॉन्टेनियस होगी हर एक टेम्परेचर पे डेल्टा एच पॉजिटिव है डेल्टा एच नेगेटिव है हाँ ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी ऑल टेम्परेचर पे ऑल ऑल मतलब ये रहा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ये हमेशा होगी, हमेशा होगी, आंसर तो फिर यहीं से आ गया सर वन का सी थ्री का बी वन का सी थ्री का बी वन का सी थ्री का बी ये रहा सर ये ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर और द रिएक्शन H2O लिक्विड से गैस में जा रहा है डेल्टा यू दे रखा है डेल्टा एस दे रखा है डेल्टा जी पूछा हुआ है डेल्टा जी पूछा हुआ है क्या डेल्टा जी यही होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा एस दे रखा है टी दे रखा है डेल्टा एच निकाल लो सर डेल्टा एच कैसे निकालेंगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी डेल्टा यू कैलोरी में रखना किलो कैलोरी की जगह डेल्टा एन जी गैस के मोल दो हैं इधर जीरो हैं टू माइनस जीरो टू हो जाएगा आर की वैल्यू कैलोरी में कैलोरी कैलोरी में वन पॉइंट नाइन एट सेवन होती है पर टू मान रहा हूं मैं टू कैलोरी पर कैलोरी कैलोरी में और टेम्परेचर थ्री हंड्रेड छह सौ बारह सौ बारह सौ और इक्कीस सौ कितना होता है तैतीस सौ थर्टी थ्री हंड्रेड टेम्परेचर थ्री हंड्रेड और वो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड थर्टी थ्री हंड्रेड कैलोरी ट्वेंटी सेवन आ जाएगा सर कैलोरी में बट हमें तो आंसर किलो कैलोरी में दे रखा है तो टू पॉइंट सेवन किलो कैलोरी टू पॉइंट सेवन किलो कैलोरी नेगेटिव है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी नाइंटी फोर परसेंट सही है जी एक केमिकल रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है 298 नाइंटी कैल्विन पे बट नॉन स्पॉन्टेनियस है 350 फिफ्टी पे तो बताइए क्या ट्रू है क्या पूछ रखा है भाई ये डेल, ये फर्स्ट ऑप्शन है ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पूछ क्या रखा है अच्छा ठीक है। लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है और हाई टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस है ठीक है ठीक है ठीक है अरे बनाया तो है टेबल लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस है हाई टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस है दोनों नेगेटिव होने चाहिए दोनों डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव होने चाहिए ऑप्शन नंबर डी 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 हाँ 77 बच्चों का सही है ये। लास्ट टॉपिक हमारा आज का ये क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोनाइमिक सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है यही है हमारे सिलेबस में किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का सर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है वो क्रिस्टल जिसमें कैटायन जहाँ पे होने चाहिए वहीं पे होंगे एनायन जहाँ पे होने चाहिए वहीं पर होंगे उसे क्या बोलते हैं परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जीरो होगी जीरो कैलविन पे जीरो होगी जीरो कैलविन क्यों आपने बोल ही दिया परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है जहाँ कैटाइन होना चाहिए वहाँ कैटाइन होगा जहाँ एनायन होना चाहिए वहाँ एनायन होगा ये अपनी जगह से हिले हुए नहीं होंगे तो इनकी रैंडमनेस क्या होगी डिसऑर्डर क्या होगा जीरो होगा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंट्रोपी करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंट्रोपी एट एप्सलूट जीरो टेम्परेचर जो कि जीरो कैलविन होता है एंट्रोपी पॉजिटिव होगी नहीं जीरो होगी एंड एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस पे जीरो होगी नहीं एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो होगी एब्सोल्यूट जीरो होता है जीरो केल्विन लॉन्ग है एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की नहीं परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जीरो होगी सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 96% बच्चों का सही है इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर जो है वो होता है लीडर बोर्ड देखा जाए लीडरबोर्ड आइए लीडर बोर्ड, बोर्ड देखते हैं ओहो सौम्य जी हैं फर्स्ट नंबर पे अद्रिका गुप्ता न्यू नेम है अभी पिछली बार देखा था लीडर बोर्ड उस नहीं था नाम प्रियल राज अप सौम्य झा विदिशा फैजल रहमान आयुष अरोड़ा आशीष ऋषि डॉक्टर ऑक्टो बाकी भी मैं हंड्रेड तक आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा ताकि जिन बच्चों ने मेहनत करी है अपना नाम ज़रूर एक बार जो है वो लीडर बोर्ड पर देख पाए सभी को खुशी होती है यार अपना नाम तो आया लाइव क्लास में है बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया वेल डन टू ऑल ऑफ यू लीडर बोर्ड पे हैं या नहीं एंड तक आकर आप टिके हुए थे आपने हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर देने की कोशिश करी है दैट शोज के कमिटमेंट तो है यार तुम लोगों में बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया ना वेलकम 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 है ना अच्छा चैप्टर है आज का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप साढ़े सात घंटे पढ़ना लगातार कोई खाला जी का घर नहीं है आप रोज इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे हाथ जुड़े हुए हैं मैं तो बस यही कहना चाहता हूं यार कि मतलब कि आप लोगों की मेहनत सफल हो जाए है ना किसी कोई ऐसा बच्चा हो सकता है किसी का सिर्फ यही चैप्टर वीक है किसी का चार चैप्टर वीक हो सकता है किसी के दस हो सकते हैं किसी के उससे ज्यादा भी हो सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में ठीक है मेहनत अपनी लास्ट डे जब तक आप एग्जाम नहीं देने चाहते तब तक जारी रखिए और अपने एंजाइटी लेवल्स को नीचे रखिए नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा नहीं हुआ तो क्या होगा ये पांच मई के बाद सोचने वाली बातें हैं तब तक अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखिए क्वेश्चंस की दबा के प्रैक्टिस करिए इनकी प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है आ, अपने हमारे फिजिक्स वाला के ऐप पे उम्मीद टू जीरो टू फोर पे उनको सॉल्व करिए इसका टेस्ट होता है संडे को संडे हर टेस्ट को दीजिए ठीक है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा शाइन करेंगे डू नॉट शाई अवे फ्रॉम द प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा फील करोगे ठीक है चलिए जी फिर है मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम थैंक यू बच्चों